everyone welcome back to our channel study iq judiciary this is me arjita and i hope you guys are all pumped up ऑल गेडअप फॉर दिस लॉन्ग सेशन दैट वील बी है बट संडे था तो आई एम होपिंग अज्यूमिंग खाना पानी सब करके बैठे हो गए सेशन दो सौ से ज्यादा प्लस ठीक है अराउंड ढाई सौ क्वेश्चन हमको क्लास में डिस्कस करने हैं लेकिन आज की इस क्लास में आईपीसी के ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद एक प्रॉपर फुल रिविजन आपका आईपीसी का हो जाएगा ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको मैसेज में भी बोला था ठीक है आपका सेक्शन नंबर हो गए आपकी इंपॉर्टेंट मैगजिम्स हो गई आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज हो गए ठीक है आपके कॉन्सेप्ट वगैरह हो गए सारी चीजें सारी चीजें आज, आज आपकी इस क्लास में एक क्लास में यहाँ पे जो है वो रिवाइज करवा दी जाएंगी नाउ सेशन स्टार्ट करने के पहले तो गाइज देखो ऐसे जितने भी सेशन आपके होते हैं उन सबकी अपडेट आपको मिलती रहे ठीक है सेशन को आप मिस आउट ना करो या फिर अगर आपके कुछ डाउट्स हैं कुछ क्वेरीज हैं कुछ क्वेश्चन हैं तो वो सब कुछ भी आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो ठीक है तो अगर आपने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए ठीक है एंड uh, एक बहुत ही फेमस डायलॉग मेरे माइंड में आ रहा है तो रिसेंटली तो का है कि लाइव uh, क्लासेस आपकी ठीक है आपके MCQ questions आपके, ठीक है मेंस आंसर राइटिंग सेशंस आपके जजमेंट राइटिंग सेशंस आपके जज में सिलेक्शन किसका जुडिशरी में सिलेक्शन किसका आपका ठीक है सो दिस इज अ वेरी फेमस डायलॉग जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है आपने ऑनलाइन देखा भी होगा तो गाइज लाइफ फाउंडेशन बैच में इनरोल करने का समय अब ऑलमोस्ट एंड पे आ चुका है ठीक है 12 जून से ये बैच आपका स्टार्ट हुआ था बहुत कम सीट्स अब आपकी यहां पे बची हुई है एंड द लास्ट डेट टू इनरोल इन दिस बैच इज ट्वेंटी ऑफ जून यानी कि अब से दो दिन के बाद ठीक है तो जल्दी से अगर इनरोल करना है अभी भी आपके पास समय है लेकिन ट्वेंटियथ तक का वेट मत करिए जितना जल्दी पॉसिबल है यहां पे एनरोल कर लीजिए अगर ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये करके अपना जुडिशरी में सिलेक्शन करना चाहते हो तो अपना यहां पे सिलेक्शन अगर निकलवाना चाहते हो तो जल्दी से यहां पर बैच के लिए एनरोल कर लो प्रिल्प की मेन्स की इंटरव्यू की तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन यहां पर आपको करवाई जाएगी इन दी प्राइस ऑफ ट्वेंटी बाकी वेबसाइट कहां पे है कैसे आपको इनरोल करना है यह सब कुछ मैं आपको एक बार सेशन के एंड में समझा दूंगा करते में आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ठीक है चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग की उनसे डिस्कस करेंगे कि यहां पे आईपीसी का ड्राफ्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है फटाफट डोंट डिले ज्यादा डिले नहीं करना है लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू डिस्कस जल्दी जल्दी अपने आंसर्स यहां पे बताते जाओ ठीक है यस करेक्ट सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है कि जो सबसे पहला लॉ कमीशन है आपका वो सॉरी जो आपका इंडियन पीनल कोड है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा प्रिपेयर किया गया था जल्दी से ये भी डिस्कस कर लेते हैं इन्फोर्समेंट डेट बता दो आईपीसी की वॉट इज द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ आईपीसी जल्दी से फटाफट कॉमेंट करके बताओ आईपीसी का इन्फोर्समेंट डेट क्या है हाँ फर्स्ट लॉ कमीशन ने आईपीसी आपका प्रिपेयर किया था वॉट इज द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ आईपीसी थिंक समवेयर इन 1860 1861 के आसपास कुछ ऐसा 1962, सिक्सटी yes. यस ठीक है फर्स्ट जनवरी

ए को यहां पे लाइबल क्यों ठहराया जाएगा जल्दी से अपना आंसर बताइए। ए लायबल है क्योंकि ऑफेंस इंडिया में हुआ है ए लाइबल है क्योंकि आईपीसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्ट पे भी जाता है ए लाइबल है कैन बी हेल्ड लाइबल बिकॉज ऑफेंस इंडिया में होना था या फिर उनको लाइबल नहीं किया जा सकता क्योंकि इंस्टिगेशन यानी कि जो प्रोवोक किया गया है वो भारतीय टेरिटरी में नहीं हुआ है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर भाई सिंपल सा लॉजिक है यहां पे ज्यादा जो है हमको दिमाग नहीं लगाना है कि आईपीसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पे भी लगता है ऐसा हमको कुछ भी नहीं देखना है आईपीसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात तब आती अगर कोई एयरक्राफ्ट या कोई शिप वगैरह की बात यहाँ पे की जा रही होती ठीक है सिंपल सी चीज है कि भाई बाहर से बैठ के कोई आदमी अगर इंडिया में ऑफेंस करवा रहा है और वो ऑफेंस इंडिया में कमिट हो रहा है ठीक है तो इंडिया में जो जो ऑफेंस आपके कमिट होते हैं उनपे तो आईपीसी आपका अप्लाई होता ही है सेक्शन नंबर टू में लिखा हुआ है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आपका तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ इनमें से कौन से पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा इनमें से कौन से पॉइंट पे इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा जम्मू एंड कश्मीर एक फॉरेनर जो कि फॉरेन कंट्री में ऑफेंस कर रहा है एक ऑफेंस जो कि इंडियन एयरक्राफ्ट पे हो रहा है जो कि जापान के ऊपर से उड़ रहा था या फिर एक फॉरेनर जो कि टेरिटोरियल वॉटर ऑफ इंडिया में ऑफेंस कमिट कर रहा है कहां पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा बिल्कुल सही ठीक है तो क्वेश्चन बेसिकली कहां से पूछा गया है सेक्शन नंबर से पूछा पार्ट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल हो गई है यानी कि इंडिया की ही टेरिटरी मानी जाएगी क्योंकि हम आईपीसी में सिर्फ जमीन काउंट नहीं करते हैं वी डोंट जस्ट काउंट द लैंड बाउंड्री वी ऑल्सो काउंट द एयरक्राफ्टो काउंट द शिप यहां पर तो इंडियन एयरक्राफ्ट अगर कोई ऑफेंस होता है वो भी भारत की टेरिटरी है और अगर कोई फॉरेनर इंडिया के टेरिटोरियल वॉटर्स में ऑफेंस कमिट करता है तो वो भी भारत की category, जो है आपकी टेरिटरी है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि भाई फॉरेन कंट्री पे आपका जो है आईपीसी यहां पे एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अगर आईपीसी का जो रूल है आईपीसी का रूल क्या कहता है एक्टिस नॉन फैसिट्रियम निसी मेन सिट्रिया अगर ये रूल हम हर ऑफेंस में मान के चलते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए जल्दी से बताइए अगर एक्टिस नॉन फैसिट रियम निसी मेन सिट्रिया अगर ये बेसिक रूल है आईपीसी के सारे ऑफेंसेस का तो ऐसे में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए थैंक यू निहारिका मनप्रीत पुरी एवरीबडी अग्रीज विथ मनप्रीत यस मनप्रीत राहुल आयुषी अलीशा एब्सुलटली करेक्ट आंसर डू यू मीन बाय दिस ये दिसम्सिम भी कई बार आपसे में पूछी जाती है नॉन uh निसी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई गिल्टी गिल्टी माइंड एक्शन दोनों चीजें यहां पे होनी चाहिए तो अगर ये प्रिंसिपल अगर ये फंडा आईपीसी के सारे ऑफेंसिस में अगर फॉलो किया जाता है तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा कि भाई आईपीसी के अंदर में क्राइम होने के लिए ऑफेंस होने के लिए क्या चीज होनी जरूरी है ठीक है एक्टिस रिया होना जरूरी है और मेन्स रिया भी होना जरूरी है ठीक है तो ऑप्शन ए जो ए बोल रहे थे ए नहीं हो सकता ए क्या बोल रहा है मेन्स रिया एक एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का एंड देयर कैन नॉट बी अ क्राइम विदाउट रिया ये इस मैक्सिम का मतलब नहीं है ठीक है मैक्सिम का मतलब है गिल्टी माइंड के साथ गिल्टी एक्शन भी होना चाहिए सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर अगले क्वेश्चन पे आ जाइए ऐसा कौन सा क्राइम होता है जिसमें ना तो इंटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है ना ही आपका नेग्लेजेंस या रेकलेसनेस देखा जाता है लेकिन फिर भी सामने वाला पर्सन लाइबल हो जाता है इसमें ऐसा कौन से क्राइम होती है किस तरीके की लाइबिलिटी होती है ये आपकी ऐसे कौन सी लाइबिलिटी होती है ऐसा कौन सा क्राइम होता है जिसमें ना तो इंटेंशन चाहिए ना रेकलेसनेस चाहिए ना नेग्लिजेंस चाहिए है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता आप फिर भी लाइबल माने जाओगे यार क्या बात है यार किसी ने करेक्ट ऑप्शन दिया ही नहीं यहां पे बी बी गाइस बी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है आपका इंटेंशन थोड़ी ना चाहिए होता है घंटा फर्क नहीं पड़ता है आप फिर भी यहां पर लाइबल माने जाओगे तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या होता है ना तो इंटेंशन देखा जाता है ना आपकी लापरवाही देखी जाती है ना ही आपका रेकलेसनेस देखा जाता है आप फिर भी जो है वहां पर लाइबल माने जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ क्राइम के ऐसे

शून यानी हर ऑफेंस में हम ऐसा मानेंगे कि आपका गिल्टी माइंड था आपका जो है मेंजरिया वहां पे था अनलेस आप यानी कि जो एक्यूज्ड है वहां पे वो इस चीज का उल्टा प्रूफ कर दे तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा कौन से केस में ये बात आपकी बोली गई थी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क किस यस करेक्ट ऑप्शन नंबर इज दी करेक्ट आंसर शेराज वर्सेस के डी केस में ये चीज़ बोली गई थी, ठीक है? कि देखो वैसे तो हर ऑफेंस में हर क्राइम में हम ये मान के चलेंगे गिल्टी इंटेंशन वहां पे नहीं था तो, तो अलग बात है बट ये बर्डन किसके ऊपर होगा के ऊपर होगा प्रूफ करने के लिए सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन पे आ जाइए इनमें से कौन से ऑफेंस में गिल्टी इंटेंशन होना जरूरी नहीं है यानी इनमें से कौन से ऑफेंस में आपका मेन्जरिया था कि नहीं था इससे फर्क नहीं पड़ता है मर्डर थेफ्ट रॉबरी या फिर बाइगेमी इनमें से कौन से ऑफेंस में मर्डर गिल्टी इंटेंशन था कि नहीं था इससे फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल सही बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर तीनों ये जो तीनों प्रोविजंस हैं ये जो तीनों ऑफेंसेस हैं आपकी इनकी डेफिनेशन उठा के देखो एक्ट में मर्डर में हर जगह इंटेंशन ठीक है इंटेंशन की बात की गई है अलग अलग आपके वर्ड्स यूज किए गए हैं थेफ्ट में भी साफ साफ लिखा है डिसऑनेस्ट इंटेंशन रॉबरी में भी साफ साफ लिखा है डिसऑनेस्ट इंटेंशन में सिर्फ इतना लिखा है कि अपने स्पाउस के रहते हुए अगर आपने किसी और पर्सन से दूसरी शादी की सेक्शन नंबर 494 की बात कर रही हूं मैं किसी अपने स्पाउस के रहते हुए अगर आपने किसी दूसरे पर्सन से शादी की वो बाइग्यामी मान लिया जाएगा अब आपका इंटेंशन वहां पर क्या था आप क्या करना चाह रहे थे दैट वी डोंट केयर अबाउट ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ क्राइम इज अ वोलेशन ऑफ पब्लिक राइट एंड ड्यूटीज ड्यू टू दी होल कम्युनिटी यानी क्राइम या ऑफेंस किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं माना जाता है वो पूरी सोसाइटी अगेंस्ट माना जाता है ये फेमस लाइन किस पर्सन ने बोली है नहीं 12 जून से जो बैच चालू हुआ है उसकी फीस इंस्टॉलमेंट में नहीं दी जा सकती है उसके लिए इट्स तो अ वन टाइम पेमेंट अतुल कुमार आई केन आंसर ऑल दीज क्वेरीज टूवर्ड्स दी एंड ऑफ द सेशन ठीक है किस पर्सन ने ये फेमस लाइन बोली है कि कोई भी क्राइम कोई भी ऑफेंस सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट किया जाता है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर सर विलियम ब्लैकस्टोन ने ये बात यहां पे बोली थी कि भाई क्राइम या जो है ऑफेंस जो है वो सिर्फ पब्लिक राइट्स यहां पे पब्लिक राइट्स का वायलेशन होता है पूरा पूरा ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से ये कौन से क्रिमिनल लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है यानी कौन सी लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से ज्वाइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी वाइकेरियस लाइबिलिटी कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी या फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्वी पर पर से किस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है ज्वाइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या बात कर रहे हो सीरियसली वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी पहले तो यह बताओ वॉट इज वॉट डी वॉट डू मीन बाई वाइकेरियस लाइबिलिटी वाइकेरियस लाइबिलिटी वही होता है क्या कि मेरे नौकर ने मेरे सर्वेंट ने अगर कोई हरकत की तो उसके लिए मैं भी धरा ली जाऊंगी आई एल बॉल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज दिस वॉट वाइकेरियस लाइबिलिटी इज यही होता है ना वाइकेरियस लाइबिलिटी सर्वेंट मास्टर रूल प्रिंसिपल एजेंट वाला रूल ऑल दैट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी परसे का मतलब क्या होता है कि भाई कोई और पर्सन आपके लिए एक्ट कर रहा है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आप उसके बिहाफ पे ही वो आपके बिहाफ पे ही एक्ट कर रहा था यानी आपके लिए ही कर रहा था बिल्कुल सही हिमांशु कर, कर, कर कोई रहा है भर कोई रहा है ठीक है सामने वाला तो कर ही रहा है लेकिन आप भी उसके एक्ट के लिए यहाँ पे अंदर जाएंगे ठीक है अगर जैसे आपका मास्टर सर्वेंट है या फिर प्रिंसिपल एजेंट है तो क्योंकि एजेंट को आपने रखा है सर्वेंट को क्योंकि आपने रखा है उनका एक्ट करना मतलब आपका एक्ट वहां पे करना तो वाइकेरियस लाइबिलिटी इज दी करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ स्टेजेस ऑफ क्राइम का करेक्ट सीक्वेंस स्टेजेस ऑफ क्राइम का करेक्ट सीक्वेंस वॉट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन अ क्राइम यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना एक चीज यहां पे ध्यान रखना आईपीसी में बहुत सारे प्रिलिम्स में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है देखो ये तो हम जानते हैं इंटेंशन कहीं पे भी लाइबल नहीं होता यानी इंटेंशन की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है दिमाग में कोई चीज सोचना आपको जेल नहीं भिजवा देगा आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं लगाएगा ठीक है लेकिन आईपीसी में कुछ ऑफेंसेस हैं जो कि यहां से पनिशेबल होना चालू हो जाते हैं कुछ ऐसे हैं जो यहां से पनिशेबल होते हैं और सारे ही आपके यहां पर पनिशेबल होते हैं तो क्राइम जो है कोई भी ऑफेंस आपका चार स्टेजेस में किया जाता है पहले आपने दिमाग में सोचा फिर आपने तैयारी की एग्जाम्पल आई प्लान ऑन मर्डरिंग नीतू ठीक है नीतू को मर्डर करने का मैंने प्लान बनाया यानी पहले मेरे दिमाग में इंटेंशन आया नीतू को मारने के लिए मैंने कहीं से चाकू अरेंज किया तो मैंने प्रिपरेशन की है यहां पे नीतू के ऊपर मैंने अटैक किया यानी कि मैंने अटेम्प्ट किया अब नीतू अगर बच गई तो मैं इस वाली स्टेज पे अटक के रह गई यानी मेरे को अटेम्प्ट की सजा मिलेगी मेरे को पूरी पूरी ऑफेंस करने की सजा यहां पे नहीं दी जाएगी लेकिन अगर नीतू की डेथ यहां पे कॉज हो गई यानी कि ऑफेंस डन सामने वाला पर्सन इज खल्लास ठीक है तो यहाँ पे फिर मुझे किसकी सजा दी जाएगी अकम्पलिशमेंट की सजा दी जाएगी सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मैन की डेफिनेशन so, पे दी हुई है मैन वर्ड आपका कहां पे दी गया है ये yes. अडेकोइटी की प्रिपरेशन ठीक है आपकी वेजिंग वॉर की प्रिपरेशन ये सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि सेकेंड स्टेज से ही आपके पनिशेबल हो जाते हैं मर्डर अटेम्प्ट सौ सात सही मैन की डेफिनेशन कहां टेन मैन और वुमेन में दो चीजें यहां पे ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर टेन आपको मैन के बारे में बताता है सेक्शन नंबर इलेवन आपको वुमेन के बारे में बताता है ना व्हाट डू यू मीन मैन अगर कोई दस दिन का जन्मा बच्चा है कोई पचास साल का बूढ़ा आदमी है या कोई पच्चीस साल का लड़का है दे ऑल विल बी कंसिडर्ड मैन अंडर सेक्शन टेन क्योंकि मैन की डेफिनेशन क्या बोलती है इट्स अ मेल पर्सन ऑफ एनी एज सिमिलरली इट गोस फॉर फीमेल ऑल्सो फीमेल यानी कि दस दिन की लड़की हो बारह दिन की लड़की हो सोलह साल की लड़की हो या फिर अस्सी साल की लेडी हो ठीक है ये सारे आपके सेक्शन ग्यारह में फीमेल माने जाएंगे यानी अ पर्सन ऑफ एनी एज ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इट वॉज हेल्ड दैट अ चीफ मिनिस्टर और अ मिनिस्टर ठीक है इनको कौन पे करता है इनको सरकार पे करती है यानी कि गवर्नमेंट पे करती है तो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी कौन से लैंडमार्क केस में ये चीज बोली गई थी दैट अ चीफ मिनिस्टर और अ मिनिस्टर इज पेड बाई द गवर्नमेंट तो ये भी आपके पब्लिक सर्वेंट ही माने जाएंगे

इन दिस केस इट सेड कि CM, कि सीएम यानी चीफ मिनिस्टर इज अ पब्लिक सर्वेंट ठीक है वैसे ही ध्यान रखना पीएस नरसिम्हा राव वाला जो केस है उसमें बोला था कि पीएम जो है आपके ठीक है प्राइम मिनिस्टर जो है आपके ही इज अ पब्लिक सर्वेंट सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर केशवानंद भारती लाइक यू नो बेसिकॉ BSD यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का केस है आपका जय ललिता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से ही डील करता है कि छह महीने से ज्यादा के लिए अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहते हैं आपकी सीट वहां पे उड़ा दी जाएगी ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन ट्वेंटी टू तो भाई सेक्शन बाईस में आपको दी गई है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ठीक है मूवेबल प्रॉपर्टी में इनमें से क्या क्या चीजें नहीं आती है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन पूछ रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें नहीं आती हैं एक्सक्लूड्स लिखा है नॉट इंक्लूड्स वॉट डू यू मीन बाय मूवेबल प्रॉपर्टी

हर कोई चीज जो कि ऐसी किसी चीज से अटैच है जो कि जमीन से अटैच है तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल आपके घर में लगे हुए जो पंखे हैं जो दीवार जो आपके घर में लगे दरवाजे हैं जो खिड़कियां हैं वो किससे अटैच है आपके घर से अटैच है आपका घर किससे अटैच्ड है जमीन से अटैच है तो ये सब कुछ क्या मान मान लिया जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना एक क्वेश्चन में पूछ रही हूं ठीक है मैं नीतू के, के घर में गई मैं नीतू के घर में गई नीतू के घर में खिड़कियां हैं ठीक है वो खिड़कियां अभी दीवार में ढसी हुई हैं घुसी हुई है, है राइट खिड़कियां दीवार में मैंने वो खिड़कियां वहां से निकाल ली स्क्रू खोल के मैंने वो खिड़कियां दीवार से निकाल ली अब क्या अगर मैं ये खिड़कियां अपने घर लेके चली गई विल दिस अमाउंट टू थेफ्ट विल दिस अमाउंट टू थेफ्ट अंडर सेक्शन थ्री सेवेंटी एट ऑफ आई पी सी क्वेश्चन नहीं सुना है तो आई रिपीट अगेन नीतू के घर में खिड़कियां लगी थी घुसी हुई थी दीवार में मैंने स्क्रू से खोल के उनको बाहर निकाल लिया बट बट वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है how, how, how are you saying yes, वो तो immovable property है। इट्स अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन जो कि 378 से आपसे इलास्ट्रेशन का पूछा जाता है ठीक है अब सुनो ठीक है यस अलीशा थैंक यू फॉर द रीजनिंग वो इमूवेबल था जब तक वो दीवार में घुसा हुआ था ठीक है जैसे ही मैंने उस चीज को दीवार से निकाल लिया वो अब क्या हो चुका है मूवेबल हो चुका है यानी अब वो थेफ्ट का जो है प्रॉपर्टी माना जा सकता है क्योंकि नाउ इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी सिमिलरली सिमिलरली एक पेड़ जैसे की हो गया जो पेड़ वाला क्लासिक कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई पेड़ जो है जमीन में धसा हुआ है ऑब्वियसली पेड़ जब तक जमीन में धसा है इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी वो थेफ्ट का जो है थेफ्ट में अट्रैक्ट नहीं हो सकता द मोमेंट आपने उस पेड़ को डिटैच करके बाहर निकाला ठीक है अब वो थेफ्ट की प्रॉपर्टी बन चुकी है यानी अब उसका थेफ्ट वहां पे किया जा सकता है चलो 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 ये तो हो गया कोई कोई भी person, अगर इस intention से कोई चीज़ करता है जहां पे वो रॉन्गफुल गेन पहुंचा रहा है एक पर्सन को और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस पहुंचा रहा है वहां पे वो चीज किस तरीके से की गई है फ्रॉडलेंटली डिसऑनेस्टली रॉन्गफुली मिस्िवियसली आई है ये भी चीज मैंने आपको बताई है इनके पूरी पूरी डेफिनेशन यहां पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जरूरी नहीं है हर बार आपसे बस ये पूछा जाए कि फ्रॉडलेंटली कहां दिया है डिसऑनेस्टली कहां दिया है रॉन्गफुली कहां दिया हुआ है ठीक है यस एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन नंबर बी डिसऑनेस्टली फटाफट से सेक्शन नंबर कॉमेंट करो फटाफट से सेक्शन नंबर कॉमेंट करो डिसऑनेस्टली कहां पर डिफाइन किया गया है डिसऑनेस्टली वर्ड डिसऑनेस्टली डेफिनेशन कहां डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर फटाफट सेक्शन नंबर चौबीस ठीक है फ्रॉडलेंटली वे वे डू वी हैव द वर्ड फ्रॉडलेंटली एनीथिंग थिंग एंड एवरीथिंग दैट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द अदर पर्सन ठीक है धोखा करने से धोखा देने के पर्पज से कोई भी चीज अगर आपकी की जाती है तो वो ऐसा माना जाएगा फ्रॉडलेंटली की गई है विच सेक्शन पीपल आर नॉट श्योर अबाउट सेक्शन ओनली पच्चीस पच्चीस डन करूं ट्वेंटी फाइव ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सेक्शन थर्टी फोर आईपीसी के हिसाब से चलो नाव यूर कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईपीसी ठीक है यहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है सेक्शन थर्टी फोर आईपीसी बस इतना बता दो फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है कि नहीं जरूरी है क्या सेक्शन थर्टी फोर आईपीसी में ऑफेंस होने के लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है कि नहीं है हाय महावीर वेरी गुड इवनिंग नहीं है जरूरी नहीं है पक्की बात ओके दो यू सेइंग ऑप्शन बी हर तरीके के ऑफेंस में ऐसा नहीं है देखो सेक्शन 34 में एक चीज यहां पे ध्यान रख लो फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है ये ऑप्शन नहीं हो सकता इट कांट बी ऑप्शन नंबर ए क्योंकि सारे ऑफेंसेस में फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 26 ग्यारह का

फिजिकल प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं जरूरी होता है भाई कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पे फिजिकल प्रेजेंस आपकी होनी पड़ेगी तो इसलिए सेक्शन 34 में ये बोला जाता है कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है कुछ केसेस में जरूरी है बट इट इज नॉट नेसेसरी इन ऑल द केसेस सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इल्लीगल गिवन इन आईपीसी इल्लीगल वर्ड का मतलब क्या दिया गया है आईपीसी के अंदर में इलीगल वर्ड की जो डेफिनेशन दी गई है आईपीसी में वो क्या दी गई है हर वो चीज जो कि एक ऑफेंस है हर वो चीज जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है हर वो चीज जिसके अगेंस्ट सिविल एक्शन लिया जा सकता है या फिर ऑल ऑफ दी अबव ऑल ऑफ दी अबव यस ठीक है तो इलीगल वर्ड की जब आप डेफिनेशन देखोगे अब यहां पे एक चीज समझना कई स्टूडेंट्स यहां पे क्या करते हैं इस वाले ऑप्शन को टिक करके नहीं आएंगे क्यों क्योंकि वो बोल उनका कहना है कि मैम आईपीसी तो आपका क्रिमिनल लॉ है ठीक है तो यहां पे सिविल एक्शन क्यों दिया गया है तो सिविल एक्शन तो नहीं होगा ठीक है ऐसा नहीं होता है ठीक है इलीगल वर्ड की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे हर वो चीज जो कि एक ऑफेंस मानी गई है यानी मर्डर क्या है इलीगल है क्यों क्योंकि मर्डर एक ऑफेंस आपका माना गया है हर वो चीज जिसे लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है और हर वो चीज जिसके अगेंस्ट एक सिविल एक्शन आपका लिया जा सकता है ठीक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया ठीक है उसके बाद डिफिमेशन आपका हो गया ये सब कुछ कुछ भी आपका इलीगल माना जाएगा तो हर तीनों जो हैं आपके वो इलीगल माने जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जहां यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन गुड फेथ का मतलब क्या दिया गया है सेक्शन नंबर फिफ्टी गुड फेथ के बारे में आपको बताता है गुड फेथ की डेफिनेशन बेसिकली क्या दी गई है बहुत सोच समझ के मार्क करना ऑल द फोर ऑप्शन आर कंफ्यूजिंग सिद्धेश माने इज संग ए बिल्कुल सही ठीक है ये सारे शब्दों से हमको मतलब ही नहीं है ठीक है एक्चुअल बिलीफ ठीक है और डन ऑनेस्टली डन बोनाफाइड बिलीफ इनसे हमको मतलब ही नहीं है तुम बोनाफाइड करो तुम एक्चुअल बिलीफ करो वी डोंट केयर अबाउट इट वी ओनली केयर अबाउट टू थिंग्स जो कि सेक्शन 52 में दी गई है ठीक है इसलिए आई टेल यू जब भी प्रिलिम्स के लिए तैयारी करते हो प्रम्स में जो आपकी सेक्शंस दिए हुए हैं बेर एक्ट में उनके कीवर्ड्स मार्क कर लो तभी इस तरीके के क्वेश्चन आपके सॉल्व कर पाओगे ठीक है तो यहां पे हमको क्या करना है हमें दो ही शब्द देखने हैं सेक्शन 52 गुड फेथ पकड़ने के लिए हमें एक देखना है ड्यू केयर और एक हमें देखना है अटेंशन बाकी शब्दों से हमको मतलब ही नहीं है जहां ड्यू केयर अटेंशन दिख जाए उस पर मार्क करके यहाँ पे आ जाना चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पर किस चीज के ऊपर एक लैंडमार्क केस है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पर इज अ लीडिंग केस ऑन विच ऑफ दी पर्टिकुलर पॉइंट कॉन्स्पेरेसी कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट या फिर रॉन्गफुल कंफाइनमेंट

एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो इस केस से आपका बनता है जो कि है लॉर्ड समर के फेमस वर्ड्स कि भाई लॉर्ड समर ने कौन से केस में बोला था दो स्टैंड एंड वेट शैल ऑल्सो सर्व ठीक है ओ सॉरी आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी दिस इज इंडस इंडस रिवर वॉटर केस आई एम सो सॉरी ठीक है मुझसे गलती हो गई मैं मैं कुछ और बताना चाह रही थी मैं बरेंद्र कुमार घोष बताना चाह रही थी ठीक है हाँ तो कॉमन इंटेंशन पे जब हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कॉमन इंटेंशन पे जब हम पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट बरेंद्र कुमार घोष वाला केस ये दो केसेस हैं बेसिकली आपका महबूब शाह वर्सेस किंग ये आपका डील करता है सिमिलर इंटेंशन से ठीक है ऑल्सो द केस जिसमें सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन का डिफरेंस आपका बताया गया था ठीक है ऑल्सो महबूब शाह वर्सेज किंग इज द केस जिसमें आपका कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन का डिफरेंस दिफ, समझाया गया था

ये तो हो गया दिस क्वेश्चन इज डन अच्छा okay, गलती हो गई okay. Now, second, second, uh, case जो मैं आपको यहां पे बता रही थी section 34 का, पोस्ट मास्टर्स केस ठीक है एक और लीडिंग केस आपका कौन सा है सेक्शन 34 का दैट इज बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पर का केस यानी कि आपका पोस्ट मास्टर केस यहाँ पे ठीक है फैक्ट्स आपको पता ही है आई डोंट थिंक रिपीट द फैक्ट्स ओवर हियर चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इनमें से क्या एक एसेंशियल कंडीशन नहीं है सेक्शन थर्टी फोर अप्लाई करने के लिए इनमें से क्या एक एसेंशियल कंडीशन नहीं है फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन थर्टी फोर आईपीसी बी वेरी श्योर एंड आंसर ऑप्शन को आराम से पढ़ना उसके बाद ही आंसर करना ट्राई टू कैच द कीवर्ड इनमें से क्या एक एसेंशियल चीज नहीं है सेक्शन थर्टी फोर एक एक वर्ड है उस वर्ड को यहां पे कैच करने की कोशिश करो यस yes. तो जिन्होंने वर्ड कैच कर लिया दे आंसर इट करेक्ट ठीक है देखो ऑब्वियस सी बात है अगर क्वेश्चन सेक्शन थर्टी फोर आईपीसी का दिया है यानी कि कॉमन इंटेंशन का दिया है ठीक है तो हमें कॉमन ऑब्जेक्ट से क्या लेना देना है तो ऑब्वियसली देखते ही समझ जाओ कि कॉमन इंटेंशन के क्वेश्चन में अगर कहीं कॉमन ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसका लेना देना ही नहीं है कहीं से कहीं तक दैट इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर अब अगर देखें हम देखो ऑप्शन करेक्ट आंसर है सेक्शन 34 आपका कब लगता है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी क्रिमिनल एक्ट को करते हैं यानी सेवरल के द्वारा कोई क्रिमिनल एक्ट आपका किया जा रहा है उसके बाद इट इज डन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन अब जैसे बरेंद्र कुमार घोष का केस हो गया बरेंद्र कुमार घोष के केस में कॉमन इंटेंशन क्या था कॉमन इंटेंशन था चोरी करना यानी कि करना वो तो गलती से वहां पे कोई बैठा हुआ था तो कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में भी जो चीजें उन्होंने की कॉमन इंटेंशन क्या था चोरी करना चोरी करने को पूरा करने के लिए उनके फर्दरेंस में उन्होंने पे क्या कर दिया मर्डर कर दिया तो भाई बरेंद्र कुमार घोष का केस फेमस किस के चीज के लिए है कि आप यहां पे इसके लिए भी लायबल हो गए और इसके लिए भी लायबल हो गए आप मर्डर के लिए भी लायबल हैं और आप थेफ्ट के लिए भी लायबल हैं क्योंकि कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए भी जो आपने जो जो चीजें की हैं जैसे कई बार आपने देखा होगा ये भी क्वेश्चन आपका बनता है पांच लोग एक घर में घुसे ठीक है पांच लोग एक घर में घुसे पांच लोगों ने घर में घुसके ये प्लान बनाया था कि जाके हमको वहां पे जाके चोरी करना है ठीक है चोरी करते करते उन्होंने घर के पांचों लोगों का वहां पे मर्डर भी कर दिया एक पर्सन ने वहां पे पांचों लोगों का मर्डर भी कर दिया अब क्या यहां पे लाइबल माने जाएंगे यस माने जाएंगे इवन दो आप आप डिस्कस करके नहीं करके नहीं गए थे मर्डर कोई प्लान ही नहीं करके गए थे लेकिन जो प्लान था जो कॉमन इंटेंशन था उसको पूरा करने के लिए जो चीजें आपने वहां पर की उसके लिए भी आप लाइबल माने जाओगे और सारे लोगों का किसी ना किसी तरीके का पार्टिसिपेशन होना जरूरी होता है अब बरेंद्र कुमार घोष जी का क्या पॉइंट था कि भाई मैंने तो

और वाई खाली हाथ जेड की दुकान में घुसते हैं वहां पे जाके रॉबरी करने के लिए एक्स अंदर घुसता है और वाई जो है वो आपका बाहर खड़ा रहता है एक्स जो है वो जेड को यहां पे शूट कर देता है और जेड की यहां पे डेथ हो जाती है चोरी करने के लिए वो यहां पे जेड को शूट कर देता है अब एक्स और वाई की जिम्मेदारी यहां पे किस किस चीज की होगी एक्स और वाई की जिम्मेदारी यहां पे किस किस चीज की होगी अलीशा ए तो हो ही नहीं सकता ना डेक्वाइटी में कितने लोग लगते हैं क्वेश्चन देखो ऑप्शन क्वेश्चन में दो ही लोग हैं तो यहां पे डेकॉइटी के लिए यू नीड फाइव पीपल तो यहाँ पे डेक्वाइटी कैसे लगेगा अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी ना व्हेन आर्म्ड अ डेडली वेपन नो नॉट द करेक्ट आंसर यस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है रॉबरी और मर्डर का केस यहां पे आपके ऊपर लगाया जाएगा ठीक है डेकोइटी तो हो ही नहीं सकता ठीक है एक्सट्रॉशन भी आपका ये नहीं हो सकता ठीक है एक्सट्रॉशन में क्योंकि सामने वाला खुद डिलीवर करता है चीज आपको आप ऐसे अगर गोली लगा के खड़े हो और अब आप बोल रहे हो कि लाओ जितना कैश है आपके पास मुझे लाके दे दो ठीक है जब वो आपको ऐसे गिड़गिड़ाते हुए कैश हैंडओवर कर रहा है दैट इज एक्सट्रॉशन ठीक है तो एक्सट्रॉशन भी यहां पे आपका नहीं हो सकता और कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि तुमने सामने वाले को गोली मारी तो यानी हर प्रोबेबिलिटी में वो एक्ट सफिशियंट है सामने वाले की डेथ कॉज करने के लिए तो इट कांट बी ए इट कांट बी बी इट कांट बी सी आल्सो अटेम्प्ट टू कमिट अटेम्प्टॉबरी नहीं है व्हेन डेडली वेपन नो सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रॉबरी आपका कॉमन इंटेंशन मर्डर आपका फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ नाउ इसमें से क्या सेक्शन थर्टी फोर और वन फोर्टी नाइन के लिए गलत दिया गया है इनमें से क्या सेक्शन 34 और 149 के रिस्पेक्ट में गलत दिया गया है यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है दिस यू हैव टू टेल चलो यस yes. आंसर्स करेक्ट आ चुके हैं। सबसे पहले वाले ऑप्शन को देखें सबसे पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है सेक्शन थर्टी फोर नॉट बाय इट क्रिएट एनी स्पेसिफिक ऑफेंस वेर एज सेक्शन वन फोर्टी सो ये बात सही है यह स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है क्या गलत है स्टेटमेंट वो हमको पिक करना है तो इट कांट बी ऑप्शन नंबर ए ए ऑप्शन नंबर आउट हो गया बी आपसे क्या बोल रहा है सेक्शन 34 में किसी तरीके का पार्टिसिपेशन चाहिए लेकिन 149 में पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए भाई ऐसी बात भी नहीं है आपका अनलॉफुल असेंबली में प्रेजेंट होना जरूरी है तभी आप वहां पर जो है वो लाइबल माने जाओगे सो ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है सेक्शन थर्टी कॉमन इंटेंशन की बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है यह भी सही स्टेटमेंट है तो यह भी नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर डी देखो डी बोल रहा है कि सेक्शन 34 में आपको चाहिए पांच लोग जिनका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए और 149 में आपको चाहिए दो लोग स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उल्टी चीज यहां पे बोल रहा है ठीक है 149 में आपको चाहिए पांच लोग और 34 में आपको चाहिए सिर्फ दो या दो से ज्यादा लोग सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट फिर भी स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमन इंटेंशन का एग्जैक्टली exactly मतलब क्या होता है सिमिलर इंटेंशन सम इंटेंशन शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन या फिर कॉमन प्लान्स देखो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता चीज बोली जा चुकी है महबूब शाह वाले केस में ही बोली जा चुकी है कि कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन अलग अलग चीजें हैं सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता है ना कि सिमिलर इंटेंशन के बारे में तो कॉमन और सिमिलर इंटेंशन आपका सेम नहीं हो सकता सम सेम सेम इंटेंशन इंटेंशन तो same intention भी वो नहीं है अब सेम इंटेंशन से कंपेयर करो सी वाला कि भाई सारे लोग ऑल पर्सन आर शेयरिंग द सेम इंटेंशन दिस इज अ मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ ए जो है जेड की डेथ यहाँ पे कॉस करता है पहले तो उसने जेड को खाना नहीं दिया और उसके बाद जेड को मारा पीटा भी तो ए ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है ए जो है उसने पार्टली इलीगल ओमिशन करके और इलीगल एक्ट करके यहाँ पे यहाँ पे जेड की डेथ कॉज की है ए ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस आपका कमिट किया है करेक्ट मर्डर बट वाई इज इट मर्डर वाई वाई नॉट कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब किसी को खाना ना देना और किसी को थोड़ा मारना पीटना से ये कैसे निकल के आ रहा है कि इट इज मर्डर हाउ हाउ कैन इट बी मर्डर और और वाई इज इट मर्डर बिकॉज इट इज इंटेंशनली इीगल ओमिशन रीजनिंग तो सही नहीं है इंटेंशन तो 300 में भी दिया है 299 में भी दिया गया है एक्ट एक्ट से पकड़ा जाता है ये जो पहली लाइन लिखी है कि जेड को सामने वाले इंसान किसी भी इंसान को अगर आप खाना नहीं दोगे तो क्या वो जिंदा बचेगा तो यानी कि अगर 299 ना और 300 में देखने के लिए जाऊं ठीक है 299 और 300 में अगर मैं कंपेयर करने के लिए जाऊं 299 में मेरा एक्ट उतना श्योर नहीं होना चाहिए सामने वाले की डेथ कॉज करने के लिए लेकिन सेक्शन 300 में मेरे एक्ट में गारंटीड वो चीज होनी चाहिए कि ये एक्ट करने से सामने वाला मरेगा ही मरेगा तो सामने वाले को खाना ना देना इज अ गारंटीड एक्ट कि आप किसी भी इंसान को अगर खाना नहीं दोगे तो वो डेथ कॉज करेगा ही करेगा दैट्स इट इज कमिंग अंडर मर्डर सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि एक्ट से समझ में आ रहा है कि दिस एक्ट इज सफिशियंट इन द कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ ऑफ द अदर पर्सन या फिर इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल कॉज द द डेथ ऑफ अदर पर्सन कोई भी इंसान बिना खाने के कब तक जिंदा रहेगा दस दिन बारह अल्टीमेटली दिन, दिन? तो उसको मरना ही है बचने का तो कोई चांस नहीं है सो so इसलिए मर्डर इज द करेक्ट आंसर ठीक है अगले क्वेश्चन पे आ इनमें से कौन सी पनिशमेंट आईपीसी में नहीं दी जा सकती है इनमें से कौन सी पनिशमेंट आईपीसी में नहीं दी जा सकती है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी रेग्रस इंप्रेजेंटमेंट ट्रांसपोर्टेशन या फिर डेथ कहां पे दी है पनिशमेंट्स कहां पे दी गई है पनिशमेंट्स आईपीसी में व्हाट सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर बता दो जल्दी से आईपीसी में पनिशमेंट्स कहां पे डिफाइन की गई है 53 एम आई राइट Yes, section number. 53 में आपको पनिशमेंट्स दी गई हैं। पनिशमेंट्स क्या क्या हैं आपके पास सबसे पहली है सबसे हाईएस्ट वाली डेथ पेनल्टी आपका, आपका क्या है फाइन uh, दिया गया है तो ये हुआ करती थी बट अब नहीं है ठीक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ यानी कि काला पानी की सजा अब आपकी इंक्लूड नहीं की गई है चलो सेंटेंस कौन कम्यूट कर सकता है किसी भी कन्विक्टेड पर्सन का डेथ सेंटेंस हो या फिर आपका लाइफ इनप्रेजनमेंट का सेंटेंस हो ये सेंटेंस को कम्यूट करने की पावर किस पर्सन को दी गई है ठीक है नो डाउट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है एक और क्वेश्चन जो यहां से आपका बनता है कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डेथ सेंटेंस या लाइफ इंप्रेजेंटमेंट को कम्यूट कर रही है तो क्या वहां पर आपको अक्यूज का यानी कि कन्विक्टेड पर्सन का कंसेंट लेने की जरूरत है आंसर इज नो ठीक है गवर्नमेंट खुद से डिसाइड करके कम्यूटेशन करती है जिसका कम्यूटेशन किया जा रहा है उससे नहीं पूछा जाता उसका आंसर यहां पे नहीं लिया जाता गौतम इट बी डी अब मैं क्या करूं सेक्शन में ही दिया हुआ है इट्स अ इट्स अ सेक्शन ओनली दैट सेज कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे कम्यूट ठीक है तो इट्स गिवन इन द सेक्शन दर इज नो लॉजिक और रीजनिंग गिवन ओवर हियर चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सेक्शन 65 के हिसाब से अगर मैंने आपके ऊपर फाइन लगाया और आपने फाइन का पेमेंट नहीं किया तो फाइन ना पे करने के चक्कर में मैं कितना इंप्रिजनमेंट आपको मैक्सिमम दे सकती हूं वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रिजनमेंट दैट आई कैन पे गिव यू अगर आप फाइन का पेमेंट यहां पे नहीं करते हैं तो यस एब्सल्यूटली करेक्ट सो ऑप्शन नंबर बी तो लेट से अब यहां पे दो तीन चीजें समझना यहां से दो तीन क्वेश्चन आपके ये बनते हैं मैंने आपके ऊपर लगाई सात साल की सजा मैंने आपको ऊपर लगाई सात साल की सजा और मैंने आपको फाइन पे करने को भी बोला अब सात साल तो आपके हाथ में है नहीं सात साल तो मैंने आपको बोला बेटा जेल जाना है तो आपको जेल वहां पे जाना ही पड़ेगा लेकिन आपने बोला कि भाई मैं हूं एक गरीब मजदूर तो मेरे पास तो पैसे नहीं है

है उसकी उसका हम क्या निकालेंगे वहाँ पे वन फोर्थ निकालेंगे। तो अगर कोई ऐसा किया है कितना निकल के आया? साल आपका निकल के आया। तो सात साल के ऊपर सजा दे सकती हूं फाइन ना पे करने के चक्कर में इससे ज्यादा नहीं दी जा सकती ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ अगर किसी ऑफेंडर को एक साल से ज्यादा का इंप्रिजनमेंट दिया गया है तो ऐसे केस में उसका सोलिटरी गई है तो ऐसे में वहाँ पे maximum, कितने समय का हो सकता है एक महीना दो महीना तीन महीना या फिर नो लिमिट ठीक yes, है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर तो बेसिकली सेक्शन सेवेंटी थ्री हमको सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताता है ठीक है यानी कि अंडा सेल अंडा सेल में आपको रखा जाता है सारे लोगों से अलग सारे लोगों से दूर दूसरी चीज हमको क्या पता चलती है कि भाई मैक्सिमम यहां पे एक महीना या फिर दो महीना या फिर तीन महीने का सॉलिट्री कंफाइनमेंट आपको दिया जाता है ठीक है अगर छह महीने से कम का है तो एक महीना छह महीने से एक साल का है तो दो महीना और एक साल से ऊपर का है तो तीन महीना लेकिन मैक्सिमम सोलिटरी एक पर्टिकुलर टाइम चौदह दिन का ही मैक्सिमम सोलिट्री कन्फाइनमेंट दे सकते हो और जितने दिन का आपने सोलिट्री कन्फाइनमेंट दिया है उतना गैप भी आपको रखना पड़ेगा फिर वापस से आप चौदह दिन का वहां पर मैक्सिमम दे सकते हो ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं मैक्सिम इग्नोरेंशिया एक्सक्यूज आर्ट किस चीज से डील करता है इग्नोरेंशिया फैसेट एक्सक्यूज आर्ट कौन से चीज से डील करता है यानी कि कौन से प्रोविजन से डील करता है सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन या फिर रन ऑफ दी अब यस एबसलूटली करेक्ट ठीक है इग्नोरेंशिया फैसिट नॉन एक्सक्यूज आर्ट का मतलब क्या है कि भाई इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज यानी इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज अलाउड तो सेक्शन नंबर सेवेंटी सिक्स का ये प्रिंसिपल है कि जहां पे आपसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है लेकिन आप बाउंड बाय लॉ थे किसी चीज को करने के लिए तो वहां पे आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी द फेमस क्लासिक इलस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो दोनों इलस्ट्रेशन आपको दिए गए हैं बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है दोनों के दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ए ने अपने सीनियर के ऑर्डर पे गोली चला दी क्या वो लाइबल माना जाएगा नहीं माना जाएगा बाउंड बाय लॉ था मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई दूसरा मैंने आपको किसी पर्सन को पकड़ने के लिए भेजा आप गलती से किसी और पर्सन को पकड़ के लेके आ गए क्या आपकी लाइबिलिटी मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी ठीक है तो सेक्शन सेवेंटी सिक्स आपका हो गया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ अब ये आ गया ये वाला क्वेश्चन ए जो है वो एक कोर्ट का ऑफिसर है ए को कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जाके आपको वाई को पकड़ के लेके आना है ड्यू इंक्वायरी करके ठीक है ए ने यहां पे ड्यू इंक्वायरी की लेकिन उससे लगा कि जेड वाई है तो वो जेड को अरेस्ट करके लेके आ गया क्या यहां कोई गलती की है क्या यहां कोई गलती की है वही वाला क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता रही थी यस एब्सोल्युटली करेक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहां पे हुआ है तो सेक्शन 76 का ही इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है आपका कि यहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है अब एक चीज यहां पे सुनना एक चीज ध्यान रखना अगर इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में मैं ये लाइन हटा दू इफ आई रिमूव दिस लाइन विल ए बी हेल्ड लाइबल नाउ मैंने वो पार्ट हटा दिया ए को बोला गया जाके वाई को अरेस्ट करके लेके आना है ये बिना इंक्वायरी करे जेड को उठा के लेके आ जाता है वाई समझ के क्या अब ये लाइबल माना जाएगा विल ही बी हेल्ड लाइबल नाउ यस ठीक है एब्सलूटली करेक्ट अब ये क्या हो जाएगा यहां पे लाइबल मान लिया जाएगा ए तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में ये चीज देखते रहना अगर क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आया है डिटो तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि उसने कोई ड्यू इंक्वायरी कोई ड्यू केयर कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं लिया है और किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन को वो उठा के लेके आ गया तो वहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलाउ नहीं किया जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट तब मिलता है ड्यू केयर एंड क्वेश्चन के बाद ही मिलता है सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आईपीसी का कौन सा प्रोविजन ये बोलता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस जो कि एक्सीडेंट यानी कि गलती से हुआ है आईपीसी के कौन से सेक्शन में ये लाइन दी गई है कि ऐसी कोई भी चीज ऑफेंस नहीं मानी जाएगी जो कि गलती से यानी कि एक्सीडेंट से हुई है सेवेंटी नाइन सेवेंटी एट एट्टी या फिर नन ऑफ यस सेक्शन नंबर एट्टी ठीक है लेकिन 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 एक्सीडेंट में भी एक चीज यहां पे ध्यान रखना एक्सीडेंट के भी कुछ क्रक्स हैं यानी कि आपके पार्ट पे वहां पे ड्यू केयर और कॉशन होना चाहिए उसके बाद भी अगर गलती होती है उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट होता है तो आप वहां पे लाइबल माने जाओगे जो उसका फेमस वाला इलेट्रेशन है कि ए जो है एक से कुछ काम कर रहा था पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे या कोई आदमी निकल रहा था जाके उड़ के आदमी पे गिर जाता है या बच्चे पे गिर जाता है क्या ए वहां पर लाइबल माना जाएगा दी आंसर इज नो सेक्शन नंबर एटी का डिफेंस उसको मिलेगा यानी कि एक्सीडेंट था अगर तो ए केयरफुल था ड्यू केयर एंड क्वेश्चन के साथ काम कर रहा था तो ही विल बी नॉट हेल्ड लाइबल चलो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एक हैंगमैन यानी कि जल्लाद जिसे हम बोलते हैं कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए अगर सजा देता है यानी कि फांसी पे लटकाता है लोगों को उसको यहां पे कौन से सेक्शन के अंदर में बेनिफिट मिलेगा तो बेसिकली निर्भया के जो कॉन्विक थे उनको जिन आदमी ने लटकाया होगा उस आदमी को हम सजा देंगे क्या कैपिटल पनिशमेंट मर्डर की सजा देंगे भाई तुमने लटका दिया पांच बेकसूरों को यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेक्शन नंबर 78 तो ये हम जनरल एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे हैं जनरल एक्सेप्शन में आपका सेक्शन नंबर 78 क्या बोलता है कि कोई भी चीज अगर कोर्ट के ऑर्डर को मान के की गई है तो इसमें दोनों चीजें ध्यान रखना सेक्शन 77 आपका बात करता है जजेस के बारे में ठीक है कि जजेस जब आपकी जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट करते हुए अगर उन्होंने कोई भी डिसीजन सुनाया कोई भी ऑर्डर आपने सुनाया तो जजेस को वहां पर पूरा पूरा एग्जामेशन है सिमिलरली सेक्शन सेवेंटी आपका बात करता है कि कोर्ट के ऑर्डर को जो है परस्यू uh, करते टाइम कोर्ट के ऑर्डर पे एक्ट करते टाइम अगर कोई भी एक्ट वहां पे किया गया है वो क्या माना जाएगा आपका 78 में एक्सेंटेड होगा चीज से डील करता है इनसेनिटी इंटॉक्सिकेशन मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर नेसेसिटी आर वर्सेज डडली का केस किस चीज से डील करता है इंसेनिटी, इंटॉक्सिकेशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नेसेसिटी बिल्कुल सही ठीक है ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू सॉरी ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेसेसिटी तो जब भी किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए किसी बड़े एक्सीडेंट को रोकने के लिए अगर कोई छोटा एक्सीडेंट आपका कॉज किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं नेसेसिटी बोलते हैं लेकिन नेसेसिटी डज नॉट अप्लाई टू नेसेसिटी डज नॉट अप्लाई टू सेल्फ प्रिजर्वेशन ठीक है यानी अपनी जान बचाने के लिए तुम किसी दूसरे पर्सन की जान वहां पे नहीं ले सकते दिस वॉज वॉट वॉज हेल्ड इन द आर वर्सिस डली केस सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर अब एक हाँ अब आ, एक वर्कमैन छत से कुछ स्नो यानी कि बर्फ नीचे गिरा देता है वार्निंग देने के बाद कि भाई मैं छत की साफ सफाई कर रहा हूं नीचे जो लोग खड़े हैं वो ध्यान से देख लो ठीक है असर बायिल्ड पास से एक आदमी निकल रहा था उसके ऊपर बर्फ गिर गई वो मर गया वर्कमैन यहां पे रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा वर्कमैन यहां पे रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा अब देखो जो लोग बी ए या बी बोल रहे हैं यहां से कहीं से भी क्वेश्चन में आपको इंटेंशन ठीक है कोई भी ऐसा समझ में आ रहा है कि वो मारना चाहता था किसी पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है ना ठीक है तो यहां पे ए या बी तो आपका हो नहीं सकता गिल्टी ऑफ कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस अब देखो नेग्लिजेंस तब होती अगर इसने वार्निंग ना दी होती ठीक है अगर इसने वार्निंग दी है तो यानी उसने नेग्लिजेंस नहीं किया है सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि भाई वो गिल्टी नहीं है क्योंकि वार्निंग देने के बाद भी अगर गड़बड़ी हो रही है तो इट वॉज अ एक्सीडेंट ही नॉट बी हेल्ड गिल्टी ओवर देयर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी एक इंसान की जान बचाने के लिए प्रिजर्व करने के लिए टू प्रिजर्व वन लाइफ इज जनरली स्पीकिंग अ ड्यूटी ये एक ड्यूटी है ठीक है बट इट मे बी द हाइएस्ट ड्यूटी टू सैक्रिफाइस इट मतलब अपनी जान बचाना एक ड्यूटी है लेकिन किसी दूसरे की जान ना लेना या किसी दूसरे की जान सैक्रिफाइस ना करना ये उससे भी बड़ी ड्यूटी है डडली आर वर्सेस डडली के केस में किस पर्सन ने ये लाइंस आपकी बोली थी अपनी जान बचाना ड्यूटी है लेकिन अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान सैक्रिफाइस ना कर देना ये उससे भी बड़ी ड्यूटी है ये कौन से केस ये किस पर्सन ने बोली थी लॉर्ड कोलेरिज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर लॉर्ड या देखो जस्टिस पॉलक हर जगह नहीं आते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर लॉर्ड ने लाइन बेसिकली आपकी बोली थी ही वाज द मेजर पर्सन जिन्होंने जजमेंट दिया था इन्हीं के इस लाइन के ऊपर आर वर्सेस डडली का रैशनल आपका निकाला गया था ठीक है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन अलाउ नहीं किया जाएगा चलो इनमें से किसे डोली इन पिक्स माना जाता है आईपीसी के अंदर में इनमें से कौन से पर्सन को डोली इन इनकेपेस कंसिडर किया जाता है अ चाइल्ड ऑफ सेवन ईयर्स अ चाइल्ड ऑफ टेन ईयर्स सात से बारह साल का बच्चा या दस से चौदह साल का बच्चा यस yes. तो हम बात कर रहे हैं एक तो ये डोलियन केपेक्स के बारे में ध्यान रखना ये सीधा सीधा एक लीगल मैग्जिम कई बार पूछ लिया जाता है डोलियन केपिक्स का मतलब क्या है इनकेपेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है आप इनकेपेबल हो ठीक है भाई तुम्हें क्षमता नहीं है तुम इनकेपेबल हो किस चीज के लिए तुम इनकेपेबल हो किसी का क्राइम करने का इंटेंशन माइंड में बनाने के लिए या क्राइम क्यों किया जाता है वो सोचने के लिए या क्राइम करने के बाद क्या हो सकता है ये सारी चीजें ये सारा इंटेंशन आप माइंड में अपने नहीं बना सकते ये नहीं कर सकते तो ये इम्यूनिटी किस पर्सन को दी गई है सात साल से कम उम्र के बच्चों को दी गई है ठीक है हम बात कर रहे हैं किसके बारे में सेक्शन एटी और एटी के बारे में एटी जहां पर आपका यह बोलता है कि सात साल से कम उम्र का हर बच्चा

करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 83 का लीडिंग केस कौन सा है इनमें से सेक्शन 83 का लीडिंग केस कौन सा है इनमें से व्हिच इज व्हिच ऑफ दिस इज अ लीड व्हिच ऑफ दिस इज अ लीडिंग केस ऑन सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी बिशंबर वर्सेस रूमल नरेन वर्सेस स्टेट उल्ला वर्सेस किंग या फिर दयाभाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात पहले तो ये बताओ सेक्शन 83 में दिया क्या है वॉट इज गिवन इन सेक्शन नंबर एटी थ्री क्या किस बारे में बात करता है सेक्शन एटी थ्री आईपीसी का कौन सा जनरल एक्सेप्शन दिया गया है विच जनरल एक्सेप्शन इज गिवन इन एटी थ्री हा गुड इवनिंग चलो शुक्र है अभी जिनको बताया हाँ डोलियन केपिक्स का ही प्रिंसिपल आपका बेसिकली दिया है 83 यानी कि सात से बारह साल के बीच के बच्चों की बात की जा रही है है ना सेक्शन एटी फोर में इनमें से कौन सा वर्ड दिया गया है मैडनेस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर इंसेनिटी सेक्शन नंबर 84 में इनमें से कौन सा वर्ड दिया गया है Madness, दिया गया है सेक्शन 84 में कौन सा वर्ड दिया गया है ध्यान से आंसर करना अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इंसेनिटी नहीं दिया है इंसेनिटी हम बोलते हैं ठीक है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आपका सेक्शन 84 में दिया गया है तो बेसिकली कोई भी पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है जो कि अपने एक्शन को नहीं समझ पा रहा है एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे अनसाउंड माइंड का बोलते हैं और उनको बेसिकली क्या मान लिया जाता है उनको इनसेन पर्सन मान के यहाँ पे डिफेंस दे दिया जाता है कि भाई अगर तुम पागल थे तुमको समझ में ही नहीं आ रहा था तुम क्या कर रहे हो तो वहां पर आपको लाइबल यहाँ पे नहीं माना जाएगा चलो अगला क्वेश्चन वाइल्ड बीस टेस्ट इनमें से कौन से केस में प्रपाउंड किया गया था अगेन सेक्शन 84 से डील करने वाला क्वेश्चन है इनसेनिटी का कि वाइल्ड बीस टेस्ट इनमें से कौन से फेमस केस में आया था हार्डवील्ड हार्डफील्ड बॉलर्स केस फेरर्स केस या फिर आर वर्सेस आरनोल्ड आर वर्सेस आरनोल्ड का केस ठीक है तो यहां से आपका आया था वाइल्ड बीस टेस्ट बेसिकली टेस्ट जो है देखने के लिए ही कि कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है कि नहीं है ऑल्सो यहां पे ध्यान रखना कि एक और क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 84 में जब इंसिनिटी के बारे में बात की जाती है तो कौन सी इंसिनिटी यहां पे कंसिडर की जाती है दैट इज योर लीगल इंसेनिटी यानी कि हम उसे मेडिकल इंसिनिटी कंसिडर नहीं करते इसका रीजन इसका रीजन सिंपल सा ये है कि डॉक्टर्स के हिसाब से हो सकता है कोई आदमी पागल है क्योंकि मेडिकल फील्ड में तो भाई एक तरीके से डिप्रेशन भी बीमारी है ठीक है एंजाइटी भी बीमारी है बहुत सारी बीमारियां होती हैं लेकिन मेडिकल लीगल फील्ड तो ऐसा नहीं मानता ना एक डिप्रेस आदमी एक एंजाइटी वाला आदमी भी केपेबल है क्राइम कमिट करने के लिए तो इसलिए हम मेडिकल इंसेनिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम क्या एक्सेप्ट करते हैं आपकी लीगल इंसेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हैज नॉट बीन डिफाइंड इन इंडियन पीनल कोड and has mainly been treated as equivalent to insanity. Unsoundness of mind IPC में नहीं दिया गया है, define नहीं किया गया है, लेकिन उसको insanity के बराबर ही माना जाता है। अगर कोई accused section 84 IPC में defence लेना चाह रहा है, तो उसको legal insanity prove करनी होगी, ना कि medical insanity। Supreme Court ने ये चीज़ कौन से case में held की थी? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन कौन से केस में दिया था अब्रार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सुरेंद्र मिश्रा सीएम शर्मा या फिर गीता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जयलाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ये कौन सा केस है तो मेरे को भी नहीं पता ओके okay, चलो ये वाला मैं बता देती हूं सिंस आई एम नॉट सी मेनी ऑप्शंस कमिंग हेयर अमिरथार आपका ऑप्शन सही है होपिंग अज्यूमिंग तुक्का नहीं मारा था सही था ठीक है सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली है कि आईपीसी में आईपीसी में अनसाउंड माइंड की कोई डेफिनेशन नहीं दी है कि कौन सा पर्सन अनसाउंड माइंड का माना जाएगा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी है लेकिन उसको हम क्या मानते हैं इंसेनिटी के बराबर ही मानते हैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इंसेनिटी सेम चीज कंसिडर की जाती है और इंसेनिटी भी हम कौन सी लेके चलते हैं लीगल इंसेनिटी लेके चलते हैं उसी पर्सन को सेक्शन एटी में डिफेंस दिया जाता है तो ये लाइन सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में बोली गई थी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जेड पागलपन के इन्फ्लुएंस में ए को मारने की कोशिश करता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा जेड पागलपन के दौरे में ए पर्सन को मारने की कोशिश करता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा िल्टी ऑफ अटेम्प टू मर्डर बट ए हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बट जेड तो पागल है तो जेड तो पागल है तो जेड को तो एटी फोर में डिफेंस मिल जाएगा तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है देखो जेड क्योंकि पागल है तो जेड तो मैडनेस के इंफ्लुएंस में है तो जेड तो लेगा सेक्शन एटी फोर में डिफेंस तो यानी कि जेड तो किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं माना जाएगा लेकिन सेक्शन एटी फोर सेक्शन 84 में हमको एक और बात बताई गई है विच इज कि हमारा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ठीक है हमारा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो हर इंसान की तरफ एग्जिस्ट करता है अब सामने वाला पर्सन पागल है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके अगेंस्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे वो पर्सन अगर पागल है तो वो तो पागलपन में कुछ भी कर सकता है हमारे साथ तो ऐसे इंसान के अगेंस्ट भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट right है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स एक सर्जन है एक सर्जन है और ये वाईट हैंड की लड़की है एम्प्यूट कर देते हैं, कर देते हैं कि उसको काट कर दे, काट देते हैं वाई के कंसेंट से यानी चौदह साल की लड़की के कंसेंट से इन्होंने ये चीज की है गुड फेथ में ठीक है कि वाई जो है और ज्यादा भीख मांग पाए यहां पे क्या एक्स पर्सन को यहां पे वो मिलेगा क्या एक्स पर्सन को यहां पे वाई हां वाई एक्स पर्सन को यहां पे डिफेंस मिलेगा क्या बात है आंसर आने बंद हो गए ओके आई विल अग्री विथ मुकुल थैंक यू फॉर गिविंग मी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है स्टेटमेंट को वापस पढ़ो तुम एक सर्जन हो ठीक है तुमने सामने वाले पर्सन का कंसेंट ले लिया लेकिन गुड फेथ का कंसेंट जो दिया है वो क्या दिया है सामने वाले की जान बचाने के लिए उसको किसी बीमारी से निकालने के लिए उन केसेस में आप सामने ये जो आप उंगली किसी की काट रहे हो ठीक है किसी की उंगली काटना बेसिकली क्या हो जाएगा ग्रीवियस हर्ट में काउंट हो जाएगा किसी पर्सन को आप ग्रीवियस हर्ट तभी पहुंचा सकते हो प्रोवाइडेड उसकी जान बचाने के लिए या उसको किसी बीमारी से बचाने के लिए वो चीज की गई है यहां पे तुमने सामने वाले की उंगली उंगली काट दी कि वो भीख बेटर मांग पाए शी कैन बेग बेटर तो ये तो कोई ग्राउंड ही नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि भाई यहाँ पे सर्जन जो है वो लाइबल माना जाएगा उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी क्योंकि ये आपने जो है गुड फेथ में नहीं किया है सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको गुड फेथ का डिफरेंस नहीं मिलेगा देखो ऐसा होता अगर ऐसा होता कि वाई जो एक लड़की है चौदह साल की लड़की है ये किसी एक्सीडेंट में हो जाती ठीक है शी मीट्स विद सम एक्सीडेंट और अगर इसको हॉस्पिटल में लाया जाता वहां पे एक्स अगर इसकी जान बचाने के लिए क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है इसकी जान बचाने के लिए अगर इसका हाथ काट दें इसके पैर काट दें ठीक है तो वहां पे एक्स को डिफेंस मिल जाता भाई तुम सामने वाले की उंगली उड़ा रहे हो ताकि वो भीक बेटर मांग पाए दैट इज नॉट अ डिफेंस ये अलाउ नहीं किया जाएगा सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ एक्यूज एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन Which was administered to him without his knowledge or against his will is incapable of knowing the nature of the act. The act is wrong or contrary to law. The act is immoral, immoral or wrong. That the act is of nature which may be ignored. अब ये बेसिकली बताना है कि section 85 में क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स आपके दिए गए हैं। You have to tell in चार में से कौन-कौन सा इंग्रेडिएंट section 85 यानि कि intoxication में आपको दिया गया है। Basically you have to complete the section over here. तो इनमें से बताओ कि इनमें से कौन सी कौन सी बातें सेक्शन 85 में दी गई हैं। यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है सी यानी क्या वन एंड टू तो जो आंसर इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस है इंटॉक्सिकेशन का नेचर आपको क्या बोलता है कि जब आप इंटॉक्सिकेशन में थे यानी कि जब आप नशे में थे तो पहली चीज तो वो नशा आपको कराया गया है आपके बिना नॉलेज के और आपकी इच्छा के अगेंस्ट

चलो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा केस इन से डील नहीं करता है इनमें से कौन सा केस इन से डील नहीं करता है देख लो अगर उधर शिफ्ट हो गया कैसे यस yes, चलो करेक्ट आंसर सो ऑप्शन नंबर आर करेक्ट है डीपीपी वर्सेस बियर्ड बासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू आर वर्सेस स्टैंडी ये तीनों आपके लैंडमार्क केस हैं किसके इंटॉक्सिकेशन के यानी कि सेक्शन 85 के ठीक है आर वर्सेस मेकनोटिन आपका वाइल्ड बीस्ट वाला केस है यानी कि आपके अनसाउंड माइंड से डील करता है सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए और जेड अग्री अग्री करते हैं एक दूसरे से कि आज भाई तलवारबाजी करेंगे ठीक है दोनों ने अग्री किया है कि कोई भी नुकसान कोई भी हार्म अगर हमको होगा हम उसे भी यहां पे झेलेंगे ठीक है बिना लेकिन कोई भी चीटिंग यानी कि कोई भी फाउल प्ले आपको यहां पे नहीं करना है दोनों ढंग से प्रॉपरली खेल रहे थे लेकिन खेलते खेलते यहां पे जेड को लगी और जेड की यहां पे डेथ हो गई ए यहां पे लाइबल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट नॉट लाइबल ठीक है क्योंकि क्यों वॉलेंटिया नॉन फिट इंजूरिया का यहां पे मैगजिम आपको मिल जाएगा यानी कि वॉलेंटिया का डिफेंस यहां पे आपको मिल जाएगा कि भाई जब आपने अग्री किया है किसी ऑफेंस को झेलने के लिए किसी किसी रिस्क को यहां पे झेलने के लिए अगर आपने अग्री किया है ठीक है तो उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस अगर निकल के आता है वहां पर आप उसके लिए लाइबल नहीं माने जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन से केस में कंसेंट एक फ्री कंसेंट माना जाएगा इनमें से कौन से केस में कंसेंट फ्री कंसेंट कंसिडर किया जाएगा फियर ऑफ इंजुरी में दिया गया कंसेंट इन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के द्वारा दिया गया मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दिया गया बारह साल से ऊपर के बच्चे के द्वारा दिया गया इनमें से कौन सा कंसेंट फ्री कंसेंट कंसिडर किया जाएगा यस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी देखो फियर ऑफ इंजुरी ये तो तीनों चीजें साफ साफ लिखी हुई है ना सेक्शन में कि डर दिखा के किसी का कंसेंट लेना इज नॉट अ वैलिड कंसेंट नशे में धुत आदमी का कंसेंट लेना इज नॉट अ वैलिड कंसेंट झूठ फरेब करके यानी कि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट दिखा के कंसेंट लेना इज नॉट अ कंसेंट लेकिन अगर हां किसी बच्चे का और किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन का आप कंसेंट लेते हो वो भी वैलिड नहीं माना जाएगा प्रोवाइडेड बच्चा अगर 12 साल से कम उम्र का है लेकिन बच्चा अगर 12 साल से ऊपर का है तो वो कंसेंट वहां पे दे सकता है सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीसी के अंदर में इनमें से कौन से केस में कंसेंट लेना अलाउड नहीं है इनमें से कौन से केस में आईपीसी में कंसेंट लेना अलाउड नहीं है डेथ कॉज करने का कंसेंट ग्रीवियस हर्ट ज करने का कंसेंट बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ कंसेंट इज़ नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ वॉट यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देखो वैसे तो डेथ और ग्रीवियस हर्ट का कंसेंट लेना अलाउड नहीं है प्रोवाइडेड वो किसी की जान बचाने के लिए किसी डिसीज या किसी इंफॉर्मिटी से निकालने के लिए किया गया हो ठीक है वहां पर अगर है तो डेथ और ग्रीवियस हर्ट का कंसेंट भी आपका चलता है बट कंसेंट किसी भी पर्सन की डेथ करने का या किसी को ग्रीवियस हर्ट करने का नहीं दिया जा सकता सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स जो है खुद से वॉलेंटरली डकैतों की गैंग को ज्वाइन कर लेता है ठीक है गैंग का हेड एक्स को ऑर्डर करता है कि आपको जाके वाई को मारना है नहीं तो हम आपको मार देंगे एक्स गैंग के हेड की बात मान के वाई को जाके मार देता है अपनी जान यहां पे बचाने के लिए अब यहां पे बताओ एक्स की लाइबिलिटी क्या होगी एक्स की लाइबिलिटी यहां पे क्या होगी यस yes.

आने के लिए आप वो चीज वहां पे करते हो तो आप उसके लिए लाइबल नहीं माने जाओगे प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आप उस सिचुएशन में खुद से अपनी मर्जी से नहीं पहुंचे हैं तो उसी सेक्शन में नीचे ये लाइन आपको वहाँ पे दी हुई है कि जो ब्लैक स्मिथ वाला एग्जाम्पल है ठीक है कि कुछ डकैत आके एक ब्लैक स्मिथ को उठा के लेके चले जाते हैं कि भाई चलो इस घर का दरवाजा यहां पे खोलो दरवाजा उसने खोला अंदर जाके डकैतों ने घर वालों को मार दिया क्या वहां पे ब्लैक स्मिथ की जिम्मेदारी मानी जाएगी द आंसर इज नो क्योंकि ब्लैक स्मिथ को यहां पे जान का खतरा था लेकिन उसी सेक्शन में एक और बात लिखी हुई है कि अगर आप वॉलेंटरिली डकैतो के साथ जाके घुस रहे हो ठीक है वहां पे अगर अब वो बाद में आपको किसी तरीके का डर दिखा के कोई काम आपसे करवाते हैं आप वहां पे लाइबल माने ही जाओगे तो एक्स यहां पे लाइबल है क्योंकि वॉलेंटरली आपने गैंग को यहां पे ज्वाइन किया है ठीक है चलो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स ये मैक्सिम आईपीसी में किस चीज से डील करता है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स ये मैक्सिम आईपीसी में किस चीज से डील करता है सेक्शन 95, फाइव एटी नाइन फोर या फिर 93, थ्री नाइन्टी फाइव सेक्शन 95, फाइव मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स का मतलब यहां पे क्या है कि लॉ जो है वो छोटे मोटे पछड़ो में नहीं पड़ता है ठीक है ट्रिपलिंग मैटर्स में लॉ विल नॉट इंटरफेयर चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं ए एक सर्जन है गुड फेथ में इन्होंने अपने पेशेंट को यह बात बताई कि वो जिंदा नहीं रह सकते बेसिकली मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला एग्जाम्पल कि सुमन जी जहीर को बोलती है कि भाई जहीर अपने काम सारे खत्म करके आ जाओ तुम ठीक है अब तुम्हारे पास ज्यादा समय यहाँ पे नहीं बचा है अब जहीर उसी वक्त निकल लिया तो यहां पे क्या सुमन जी लाइब्रेल मानी जाएंगी पेशेंट की डेथ हो जाती है कॉन्सिक्वेंस में विल सुमन जी भी हेल्ड लाइबल ओवर हेयर ऑब्वियस बात है कि सुमन जी विल नॉट बी हेल्ड ओवर ठीक है जनरल एक्सेप्शन आपका दिया गया है सामने वाले को कोई भी चीज अगर गुड फेथ में कम्युनिकेट की गई है तो वहां पे आप अगर गुड फेथ में कम्युनिकेट करने के बाद आप सामने वाले का हार्ट फेल होता है वो चक्कर खा के गिर जाता है उसकी डेथ हो जाती है यू विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है नाउ वी आर कमिंग टू प्राइवेट डिफेंस यानी कि सेक्शन 96 ठीक है प्राइवेट डिफेंस के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट दिया गया है प्राइवेट डिफेंस के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट दिया गया है कंफ्यूज पहले तो ये बताओ रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या एक ग्राउंड दिया गया है प्राइवेट डिफेंस का यानी कि सेक्शन नंबर 103 में आपको कुछ ऑफेंसेस बताए गए हैं जहां पे प्राइवेट डिफेंस के चलते प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रहे ऑफेंस में आप डेथ भी कॉज कर सकते हो क्या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वहां पे लिखा है सेक्शन 103 में भाई ऑप्शन देते रहना मेरे सवाल का तो जवाब दे दो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या 103 में दिया गया है सेक्शन 103 में इट इज इट गिवन कि अगर आपको कोई सॉरी सेक्शन 100 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या बोल रही हूं मैं सेक्शन 100 में हाँ 103 में नहीं सेक्शन 100 में क्या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दिया गया है मतलब अगर कोई आपको रॉन्गफुल कन्फाइन करने के लिए आ रहा है ठीक है अगर कोई आपको रॉन्गफुल कन्फाइन करने के लिए आ रहा है वहां पे आप अपने आप को बचाने के लिए क्या सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकते है? Why are only two people agreeing? हैं वाई आर ओनली टू पीपल अग्रिंग बाकी भूल चुके सेक्शन हंड्रेड खोल लो भाई कोई दिक्कत नहीं सेक्शन हंड्रेड तुम खोल के देख लो

राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू डिफेंड ओनलीन पर्सन एंड प्रॉपर्टी यानी प्राइवेट डिफेंस का जो राइट right है ठीक है प्राइवेट डिफेंस का जो राइट right है वो सिर्फ आपको अपनी बॉडी या अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं है बाकी लोगों के भी अगेंस्ट अवेलेबल है ठीक है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ अगर असोल्ट आपके ऊपर किया गया है विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल पर्सन अगर आपको डर है कि आपको रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा सकता है तो वहां पर आप सामने वाले पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकते हैं ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सेक्शन 97, IPC का एक्सप्रेसली बोलता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास है लेकिन आपको रेस्ट्रिक्शंस भी ध्यान रखने हैं। रेस्ट्रिक्शन कहां पे दिए गए हैं कौन से सेक्शन में रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं नाइन्टी नाइन या फिर वन जीरो टू इन वॉट सेक्शन डू यू हैिवन

ठीक है प्राइवेट डिफेंस का जो राइट right है वो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते अगर आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज के पास जाने का टाइम है सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिल सकता इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिल सकता तो यानी कि आप मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए मैंने अपने आप को आपसे बचाने के लिए आपके ऊपर अटैक किया अब आप मेरे अटैक के अगेंस्ट अपना प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते दिस इज वॉट द्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन नंबर सी स्टेट ऑफ यूपी रामस्वरूप केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज बोली है कि प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीसी में सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन जो कि आपको सेक्शन 99 में दी गई है अगर असोल्ट हो रहा है अप्रेहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट तो क्या वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हम क्या क्या चीजें कॉज कर सकते हैं 99 की रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास अगर आपके ऊपर असोल्ट होता है जहां पे आपको डर है कि आपकी डेथ या आपको ग्रीवियसली हर्ट किया जा सकता है तो वहां पे आप अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट right में क्या क्या चीजें कर सकते हैं yes. डेथ ऑप्शन नंबर बी भाई ऑप्शन पढ़ो

प्राइवेट डिफेंस ऑफ दी बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ इनमें से कौन से ऑफेंस में आप डेथ नहीं कॉज कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस का राइट right एक्सरसाइज करते टाइम इनमें से कौन से ऑफेंस में आप डेथ नहीं कॉज कर पाओगे रेप किडनैपिंग एबडक्शन या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रेप किडनैपिंग एबडक्शन या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यस अगेन सेक्शन नंबर हंड्रेड का ही क्वेश्चन है ये ठीक है रेप साफ 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 आपका दिया गया है अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है ठीक है अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है जहां पे आपको लग रहा है आपके साथ रेप कमिट किया जा सकता है आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा डेथ कॉज आप कर सकते हो किडनैपिंग अगर आपको लगता है आपके साथ हो रही है आप डेथ कॉज कर सकते हो एबडक्शन अगर आपके साथ किया जा रहा है आप डेथ कॉज कर सकते हो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आपका नहीं दिया गया है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की जगह वहां पर आपका क्या दिया गया है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दिया गया है तो अगर कन्फाइनमेंट होता तो यह आपका ऑप्शन सही हो जाता चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इवन डेथ ऑफ दी अक्यूज कैन बी कॉस्ड अंडर सेक्शन नंबर आपका कहां पर दिया गया है कौन सा सेक्शन यह बोलता है कि प्राइवेट डिफेंस के राइट में डेथ भी कॉज की जा सकती है कौन सेक्शन ये बात करते हैं मनोज सिर्फ सेक्शन हंड्रेड में दिया है क्या इज इट ओनली गिवन इन सेक्शन हंड्रेड बाकी ऑप्शन भी तो देख लो डेथ कॉज करने का राइट right, कौन से कौन से सेक्शन में दिया गया है सिर्फ हंड्रेड में दिया है तो एक सौ तीन में क्या दिया है फिर वॉट इज गिवन इन हंड्रेड एंड थ्री देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है डी होगा यहां पे क्यों ंड्रेड में भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है जहां पे आप डेथ कॉज कर सकते हो अगर अटैक आपकी बॉडी के अगेंस्ट हो रहा है 103 में भी आपको वही राइट right दिया गया है अगर अटैक आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ए और सी दोनों में हम यहां पे डेथ कॉज कर सकते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन से केस में प्राइवेट डिफेंस में यानी कि प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज नहीं की जा सकती यानी सेक्शन नंबर एक से रिलेटेड ये ऑफेंस है आपका क्वेश्चन uh, है आपका कौन से केस में प्रॉपर्टी पे अगर अटैक हुआ है तो वहां पे प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते समय आप डेथ नहीं कॉज कर सकते हाउस ब्रेकिंग हाउस ट्रेस पास रॉबरी या फिर मिशिव बाय फायर यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर सेक्शन नंबर एक सौ तीन खोल के देखो 103 में आपको हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट दिया हुआ है अगर ये ऑफेंस आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रहा है तो प्रॉपर्टी बचाने के लिए आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं रॉबरी आपका साफ साफ दिया गया है अगर रॉबरी हो रही है आपकी प्रॉपर्टी पे तो भी आप सामने वाले पर्सन की डेथ कॉस कर सकते हैं अगर मिशिप हो रहा है तो भी आप डेथ कॉस कर सकते हैं हाउस स्ट्रेस पास आपका नहीं दिया गया है सेक्शन नंबर एक के अंदर में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है विच ऑफ दी ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड आईपीसी में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही मैच नहीं किया गया है ऑप्शन नंबर सी यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है सेक्शन 54 जो है सेक्शन 54 में आपका कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इंप्रेजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दिया गया है इसी से समझ जाओ कि अगर सेक्शन 54 ए में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपका डिफाइन किया गया है तो उसके पहले कम्यूटेशन कैसे आ जाएगा ठीक है तो सेक्शन 54 में नहीं बात की गई है ये आपकी तो सेक्शन 54 आपका गलत मैच है बाकी सारे सही हैं सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ के बारे में बात करता है 95 आपके एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म के बारे में बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीसी के कौन से सेक्शन में अबेटमेंट आपका दिया गया है आईपीसी का कौन सा सेक्शन अबेटमेंट के बारे में बात करता है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो सेक्शन नंबर 107 में आपको अबेटमेंट बताया गया है तीन तरीके से अबेटमेंट आपका होता है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं

यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टी डी अबेटमेंट का सिंपल सा रूल यहां पे ध्यान रखना अबेटमेंट का रूल ये कहता है आपने किसी पर्सन को अबेट किया ठीक है दोनों तीनों सिचुएशंस यहां पे ध्यान रखना आपने किसी पर्सन को अबेट किया कोई ऑफेंस करने के लिए उसने वो ऑफेंस ना किया यानी उसने करने से आपको मना कर दिया ठीक है नंबर वन नंबर टू उसने ऑफेंस करने की कोशिश की लेकिन आप जो करवाना चाहते थे वो हुआ नहीं

करके आए आपने जिस ऑफेंस का अटेम्प्टमेंट किया है आप उसी के लिए लायबल माने जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है वो बी पर्सन को इंस्टिगेट करता है सी पर्सन का मर्डर करने के लिए ठीक है बी ने यहां पे मना कर दिया अब ए पर्सन की लायबिलिटी यहां पे क्या होगी आप किसी पर्सन की क्लास कब तक होगी एटलीस्ट uh, देर दो घंटा और जब तक आई विल नॉट गेट टायर्ड आई कीप टीचिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू कंप्लीट द फुल आईपीसी क्वेश्चन इन वन क्लास तो एटलीस्ट मान के चल लो बारह बजे तक तो कम से कम अभी कितना बज रहा है इट्स टेन ओ क्लॉक इट्स डॉट टेन ठीक है बारह बजे तक जिनका ऑफिस है कॉलेज है स्कूल है यू कैन स्लीप यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई अब अगर ए ने बी पर्सन को अबेटमेंट किया ठीक है कि आप जाके सी का मर्डर कर दीजिए जिसको आपने अबेटमेंट किया वो अगर ऑफेंस करने से मना कर देता है कि नहीं भाई मुझे जाके मर्डर नहीं करना है इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपकी लाइबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, है ना तो ए जो है वो तो फिर भी लाइबल माना ही जाएगा अबेटमेंट किसका करने के लिए मर्डर का करने के लिए ठीक है क्योंकि अबेटमेंट का ऑफेंस होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि एक्ट किया ही जाए आपकी लाइबिलिटी जो है आपकी लाइबिलिटी वैसी की वैसी ही रहेगी ठीक है जरूरी नहीं है आपने जिस चीज का अबेटमेंट किया था वो एक्ट हो ही वो उसको करा ही जाए या उसी तरीके से किया जाए जैसा अबेटमेंट आपने यहां पे किया था है ना सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रुचिका प्लीज एडजस्ट योर रेजोल्यूशन अपना रेजोल्यूशन एक्टिव चेंज करो स्क्रीन uh, क्लियर हो जाएगी कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन होने के लिए क्या चीज जरूरी है इनमें से कौन कि capable, जिस को किया जा रहा है, वो केपेबल होना चाहिए ऑफेंस कमिट करने के लिए इट इज कि जिसको अबेट किया जाए उसका भी सेम गिल्टी इंटेंशन हो जो कि अबेट करने वाले का है तीसरा जिसको आपने अबेट किया है अबेटमेंट करने के लिए जिस पर्सन को आपने अबेट किया है वो ऑफेंस कमिट करने के लिए केपेबल हो लॉ के अंदर में या उसका सेम गिल्टी इंटेंशन हो इसमें से कौन सी चीज होना जरूरी है यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका हो नहीं सकता क्योंकि देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि जिस पर्सन को अबेट किया गया है यह जरूरी है कि वो केपेबल हो क्राइम कमिट करने के लिए अब ये पहला वाला ऑप्शन बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहा है अगर आपने अगर आपने पांच साल के बच्चे को पकड़ा और एक पांच साल के बच्चे को आपने जहर पकड़ा के बोला कि ए पर्सन के खाने में जाके जहर जा, जाके जहर आ जाना वो पांच साल का बच्चा लॉ की आईज में केपेबल नहीं है क्योंकि उस पांच साल के बच्चे को क्या मिल जाएगा सेक्शन 82 टू आईपीसी में उसे डिफेंस मिल जाएगा वो डोली एन है एटी 82 के हिसाब से तो जरूरी नहीं है जिस पर्सन को आप अबेट कर रहे हो वो लॉ की आंखों में ठीक है वो लॉ की आंखों में क्या हो केपेबल हो ऑफेंस कमिट करने के लिए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि जिस पर्सन को आपने अबेट किया है उसका सेम गिल्टी इंटेंशन हो भाई तुम्हें ए पर्सन से दिक्कत है तुम्हें ए पर्सन से दिक्कत है तुमने बी पर्सन को बोला कि जाके का मर्डर कर दे भाई बी की तो ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है दुश्मनी तो आपकी है ना तो आपका जो गिल्टी इंटेंशन है मर्डर करवाने के पीछे है ना वो बी पर्सन का नहीं है जो मर्डर करने के लिए जा रहा है तो ये जरूरी नहीं है जिस पर्सन को अबेट किया जाए उसका सेम गिल्टी इंटेंशन हो जो अबेटमेंट करने वाले का है तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि आप किसी ऐसे पर्सन को भी अबेट कर सकते हो जो कि लॉ की आंखों में ऑफेंस कमिट करने के लिए केपेबल नहीं है या फिर उसका सेम गिल्टी इंटेंशन नहीं है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा ऑफेंस इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट यस अबेटमेंट नहीं डिंपल आपने गलत लिखा है अबेटमेंट किसी को भी किया जा सकता है यानी कि अबेट किसी भी पर्सन को किया जा सकता है क्राइम करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है यानी कि इट इज नॉट करेक्ट ओके ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज नॉट एन ऑफेंस अबेटमेंट वाला सेक्शन उठा के देखो वो एक फेमस इलस्ट्रेशन वहां पे आपका दिया हुआ है वो भी पेपर में पूछा जाता है ए ने बी पर्सन को बोला जाके सी का मर्डर कर दे बी ने जाके डी को बोला तू जाके सी का मर्डर कर दे तो यहां पे क्या हो रहा है अबेटमेंट का भी अबेटमेंट किया जा रहा है तो अबेटमेंट का अबेटमेंट करना भी एक ऑफेंस है यानी ए पर्सन तो लाइबल होगा ही लेकिन बी पर्सन भी यहाँ पे लाइबल माना जाएगा तो ये ऑफेंस जो है आपका ये जो स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है कि अबेटमेंट का अबेटमेंट ऑफेंस नहीं है ऐसा गलत है अबेटमेंट का अबेटमेंट भी करना क्या है एक ऑफेंस है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है वो बी को इंस्टिगेट करता है कि तू जाके सी को इंस्टिगेट कर कि वो जाके जेड का मर्डर यहां पे कर दे बी ने ऐसा किया ए ने बी को बोला बी ने जाके सी को बोला कि भाई आपको क्या करना है यहाँ पे जेड पर्सन का जाके मर्डर करना है सी ने जाके मर्डर कर भी दिया अब ए की लाइबिलिटी यहाँ पे क्या है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना A की लाइबिलिटी यहां पे क्या है जिसने अबेटमेंट स्टार्ट किया था जिसने इंस्टिगेशन यहां पे स्टार्ट किया था उस पर्सन की लाइबिलिटी क्या मानी जाएगी करेक्ट ऑप्शन नंबर डी ठीक है ए ऐसा तो नहीं है गिल्टी नहीं होगा ठीक है किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि आपने अबेटमेंट यहां पे किया है आप मर्डर के लिए अबेटमेंट के लिए यहां पे गिल्टी नहीं होंगे ऐसा भी नहीं हो सकता आपने मर्डर करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को उकसाया है यहाँ पे ठीक है और कॉन्स्पिरसी का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं आता तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि आप मर्डर करने के लिए किसी को अबेट कर रहे हो आप उसके लिए लाइबल माने जाओगे तो ए भी यहाँ पे ऑफेंस के लिए लाइबल है बी के ऊपर भी सेम लाइबिलिटी आपकी लगाई जाएगी और सी जो है उसके ऊपर तो पूरा पूरा मर्डर का सजा यहाँ पे मर्डर का प्रोविजन आपका लगाया जाएगा चलो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है वो बी को बोलता है कि आपको जाके जेड का घर जलाना है बी ने घर जलाने के साथ साथ उसी घर में चोरी भी कर दी अब अबेटमेंट करने वाले की यानी ए पर्सन की यहां पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी ए पर्सन यहां पे किस चीज के लिए गिल्टी होगा ए पर्सन यहां पे किस चीज के लिए गिल्टी माना जाएगा यस एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर अब अबेटमेंट के बारे में एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि अगर आपने सामने वाले पर्सन को लेट्स से आपने सामने वाले पर्सन को ए पर्सन ने अगर बी पर्सन को बोला है कि आपको जाके क्या करना है सी पर्सन को ग्रीवियसली हर्ट करना है ठीक है सी पर्सन ग्रीवियसली हर्ट करने गया लेकिन ग्रीवियसली हर्ट करने के चक्कर में उसने डेथ ही कॉज कर दी यानी उसने मर्डर ही कर दिया वहां पे अब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ए पर्सन यहां पे किस चीज के लिए गिल्टी होगा कौन से अबेटमेंट के लिए गिल्टी होगा तो वो यहाँ पे मर्डर के लिए भी होगा और ग्रीवियस हर्ट के लिए भी होगा क्यों क्योंकि ग्रीवियस हर्ट और मर्डर का कनेक्शन है हर्ट का एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है मर्डर भी हो सकता है ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपने सामने वाले को बोला कि जाके चोरी करनी है चोरी करने के साथ साथ वहां पे क्या करके करके आ आ गया आपका आ गया आपका थेफ्ट थेफ्ट तो theft, चोरी का एक कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकता क्योंकि थेफ्ट और चोरी का यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है वन इज नॉट दी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दी अनदर वन तो इसलिए यहाँ पे जो अबेटमेंट करने वाला पर्सन है वो सिर्फ घर जलाने के लिए ही जिम्मेदार माना जाएगा चोरी करने का उसका कोई भी रोल नहीं है कोई भी कनेक्शन यहां पे नहीं है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इनमें से कौन सा एक एसेंशियल है सेक्शन 114 आईपीसी के लिए इनमें से क्या एक यस एब्सोल्युटली करेक्ट क्योंकि कॉन्सिक्वेंस में था ही नहीं theft का कोई कनेक्शन ही नहीं है इनमें से क्या एक एसेंशियल है ऑफेंस का हंड्रेड में जो ऑफेंस दिया है उसका एक क्या एसेंशियल पॉइंट है इनमें से यस ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर तो सेक्शन 114 में ये सारी चीजें आपके दी गई हैं पहली बात तो अबेटमेंट होना चाहिए किसी पर्सन के द्वारा दूसरा अबेटमेंट के चलते कोई एक्ट कमिट किया जाना चाहिए और तीसरा क्या है कि जब आपका अबेटमेंट किया जा रहा था तो अबेटमेंट करने वाला भी वहीं पे प्रेजेंट था यानी जो क्राइम करवा रहा है वो भी उसी वक्त वहां प्रेजेंट है जहां पे आपका क्राइम हो रहा है ये तीनों आपके एसेंशियल किसके सेक्शन 114 के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए एक भारतीय एक इंडियन सिटीजन वाई को अबेट करता है एक अमेरिकन सिटीजन को फोन पे कहा से अजमेर से कि आपको पी का मर्डर करना है जो कि अमेरिका में है यानी इंडिया में बैठा एक पर्सन अमेरिका में बैठे एक पर्सन को बोल रहा है कि अमेरिका में जो दूसरा पर्सन है इसका यहां पे मर्डर कर दो एक्स को यहां पे किस चीज की सजा दी जाएगी एक्स यहां पे कौन से ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा 108 108 ए 110 या फिर 110 ए तो करेक्ट आंसर इज 108 ए थीके? तो हंड्रेड एंड ए बेसिकली आपका आउटसाइड टेरिटोरियल जूरिस्टिक्शन के बारे में बात करता है कि यहां पे बैठ के इंडिया की टेरिटरी में बैठ के कोई पर्सन बाहर कोई ऑफेंस करवा रहा है किसी पर्सन को अबेट करके ठीक है तो वहां पे आपका क्या लगता है सेक्शन 108 ए आपका लग जाता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी का ऑफेंस होने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन प्रूफ करना जरूरी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी वी आर टॉकिंग अबाउट वन ट्वेंटी ए एंड वन ट्वेंटी बी तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस होने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन पूरी होना जरूरी है प्रायर मीटिंग ऑफ टू और मोर पर्सन अग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट और लीगल एक्ट बाई इलीगल मीन्स इलीगल एक्ट करना विथ टू और मोर पर्सन या फिर दो या दो से ज्यादा लोग किसी क्राइम को कमिट कर रहे हैं ऑन सडन प्रोवोकेशन विद गिल्टी माइंड यस yes, सिंपल सा आपका सेक्शन बेस्ड आंसर है यहां पे ठीक है जो 120 ए में हमको दिया गया है कि भाई जब दो या दो से ज्यादा लोग अग्री करते हैं या तो किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए या फिर किसी लीगल एक्ट को करने के लिए बाय इलीगल मीन्स तो ये आपका क्या है ठीक है वन ट्वेंटी ए है सिंपल सा दिया हुआ है बाकी चीजों से हमको मतलब नहीं है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड ये सब कुछ आपका नहीं है वन ट्वेंटी ए की बस सीधे डेफिनेशन पकड़ो और उस पर करेक्ट आंसर करो नेक्स्ट वन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं सो so, जो 120 से आपके ऑफेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं यानी कि 120 ए से जो आपके ऑफेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं इनमें आपसे नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है राइट right में कितने चाहिए एफरे में कितने चाहिए रॉबरी में कितने चाहिए डेकोइटी में कितने चाहिए ठीक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी में कितने चाहिए तो भाई क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी में दो लोग चाहिए होते हैं क्योंकि कॉन्स्पेरेसी करने के लिए कोई दूसरा तो चाहिए ना अपने आप से खुद से बात करके तो कॉन्स्पेरेसी करोगे नहीं कॉन्स्पेरेसी का मतलब क्या है कि भाई किसी के साथ डिस्कस करके बात करके बोल के तो किया जाए सो यू नीड टू पीपल मिनिमम दो लोग आपको चाहिए दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा केस लैमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पेरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है इनमें से कौन सा केस लैमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पेरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है यस yes. ठीक है करेक्ट आंसर इज वॉट ऑप्शन नंबर सी एम्प्रियर वर्सेस वैशा वैशा वैश्याम पायम ठीक है एम्प्रयर वर्सेस वैश्याम पायम का जो केस है आपका दैट इज नोन एज दी लैमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस अगेन 120 ए से डील करने वाला लैंडमार्क केस है आपका चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है बी से अग्री करता है कि मैं आपकी एग्जाम में कॉपी करने में मदद करूंगा ये कौन सा ऑफेंस है एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता है कि हम एग्जाम में मिलकर साथ में कॉपी करेंगे ये कौन सा ऑफेंस माना जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट कॉमन इंटेंशन या फिर कॉमन ऑब्जेक्ट एब्सल्यूटली करेक्ट ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी माना जाएगा क्यों दो या दो से ज्यादा लोग मिलके क्या कर रहे हैं अग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे ये क्या हो गया अग्रीमेंट हो गया किस चीज को करने के लिए इलीगल एक्ट को करने के लिए तो ये आपका सेक्शन वन ए में पनिशेबल मान लिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अबेटमेंट बाय अब एक चीज देखो सेक्शन 107 भी आपको बोलता है कि कॉन्स्पिरेसी के थ्रू अबेटमेंट किया जा सकता है और अलग से भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी आपको 120 ए में दिया गया है तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है फिर सेक्शन 107 और 120 ए में फिर डिफरेंस क्या है क्योंकि दोनों ही सेक्शन आपके कॉन्स्पिरसी के बारे में बात करते हैं और इज इट लाइक कोई डिफरेंस ही नहीं है तो वो भी एक ऑप्शन दिया है मैंने देर इज नो डिफरेंस एट ऑल युगश्री करेक्ट आंसर नहीं युक्श्री नहीं सॉरी किसी और ने बोला था हुए शिखा शिखा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्पिरेसी में यानी कि सेक्शन 120 ए लगने के लिए मेयर अग्रीमेंट इज इनफ 120 ए आपका क्या बोलता है आपने मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी की लेकिन आपने ऑफेंस कमिट किया नहीं जिसकी आपने कॉन्स्परे की थी तो भी आप लायबल मान लिए जाओगे तो क्रिमिनल में A में यानी 120 ए सिर्फ अग्रीमेंट करना भी काफी है ऑफेंस अट्रैक्ट करने के लिए लेकिन सेक्शन 107 में अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरसी करने के लिए कोई एक्ट भी होना चाहिए यानी आपने अबेटमेंट बाय बाई की आपने पूरा डिस्कशन वगैरह किया उसके बाद ऑफेंस नहीं किया तो आपकी लाइबिलिटी यहां पे नहीं होगी लेकिन वन ट्वेंटी ए में सिर्फ डिस्कस भी किया ऑफेंस नहीं किया तो भी आप लाइबल मान लिए जाओगे तो दिस इज द डिफरेंस इन वन जीरो सेवन एंड सेक्शन वन ट्वेंटी ए चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं वन ट्वेंटी फोर ए सेक्शन यानी कि सेडिशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कौन से केस में अपहेल्ड की गई थी कौन से केस में 124 ए की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अपहेल्ड की गई थी अभिषेक कुमार इट्स फॉर बेसिक दिस या दिस चैनल इज प्राइमरली फॉर जुडिशरी पीपल बट इट्स आल्सो फॉर लीगल अपडेट्स या फिर एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लॉ यस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में 124 ए को अपहेल्ड किया गया था 124 ए को चैलेंज क्यों किया गया था ये बोलते हुए कि सेक्शन 19 यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये वायलेशन है ठीक है कोर्ट ने बोला था कोई वायलेशन नहीं है केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार मैं आपका कोर्ट ने बोला था 124 ए आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की तरह काम करेगा तो इट्स अ वैलिड प्रोविजन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से क्या आईपीसी में पनिशेबल नहीं है इनमें से कौन सा ऑफेंस इंडियन पेनल कोड के अंदर में पनिशेबल नहीं है सरकार स्टेट के अगेंस्ट वॉर वेज करने की तैयारी करना मर्डर कमिट करने की तैयारी करना डेकोयिटी कमिट करने की तैयारी करना या फिर किसी पास की टेरिटरी ऊपर अटैक करने की तैयारी करना यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर देखो ये जो तीनों ऑफेंसेस हैं ये थी, मैंने आपको पहले भी बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में आ, बोला था कि जो चार स्टेजेस होती है क्राइम की कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं आपके जो कि सेकंड स्टेज पे यानी प्रिपरेशन के ही स्टेज पे क्या हो जाते हैं पनिशेबल होना चालू हो जाते हैं भले ही आपने ऑफेंस अभी किया नहीं है तो जैसे सरकार के स्टेट के अगेंस्ट वॉर वेज करने की तैयारी करना डेकोइटी करने की तैयारी करना किसी आसपास की टेरिटरी के ऊपर अटैक करने की तैयारी करना यह तैयारी में भी लाइबल हो जाएंगे लेकिन मॉडर करने की आपने अगर सिर्फ तैयारी की है तो आप लाइबल

यहां पे लाइबल माने जाएंगे वॉर वेज करने के लिए या डिफेमेशन के लिए इसका कोई प्रोविजन नहीं है मनप्रीत इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट चार स्टेजेस ऑफ द क्राइम आपकी बताई गई है इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट कोई अलग से आईपीसी में इसका प्रोविजन नहीं दिया गया है यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक्स पर्सन यानी पॉलिटिकल पार्टी का ये जो पर्सन है ये किसी भी एक्ट के लिए गिल्टी या लायबल नहीं माना जाएगा एज इट डज नॉट अमाउंट टू प्रिपरेशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी ऑफेंस आपका अट्रैक्ट नहीं हो रहा है भाई अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो और आप बोल रहे हो कि भाई ये जो पार्टी ये जो सरकार आपकी है अभी देश में इन्हें हमको हटा देना चाहिए क्योंकि इनके राज में प्राइजेस बढ़ गए हैं ठीक है क्राइम बढ़ गया है बहुत स्कैम हो रहा है बहुत करप्शन हो रहा है ये ना तो सेडिशन है ना ये वेजिंग वॉर है ठीक है तो इनमें से कुछ भी आपका अट्रैक्ट नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से क्या सेडिशन का ऑफेंस प्रूफ करने के लिए यानी कि 124 ए लगाने के लिए काफी है सफिशियंट है इनमें से कौन सा प्रोविजन सेडिशन का ऑफेंस लगाने के लिए प्रोविजन लगाने के लिए सफिशियंट है सिंपल सा कीवर्ड पकड़ो यहां पे सेक्शन 124 ए का कीवर्ड कीवर्ड क्या है बस यहां पे पकड़ने की कोशिश करो यस yes. सीधे देखो एक्साइटिंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट यही पूरा फ्रेज आपको 124 ए पॉलिसीज का डिसअप्रूवल दिखाना ठीक है की प्रूफ, प्रूफ करना, है? Action, कुछ नहीं लिखा है में. सा लिखा है किसी भी पर्सन के अंदर में डिसअफेक्शन की फीलिंग्स एक्साइट करना सरकार के टुवर्ड्स बस इतना लिखा है ये आपका प्रूफ हो जाएगा तो वन ट्वेंटी फोर ये आपका वहां पर अट्रैक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से क्या अनलॉफुल असेंबली का एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है इनमें से कौन सी चीज अनलॉफुल असेंबली यानी कि 141, 149 का एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है पांच या पांच से ज्यादा लोग कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन या फिर टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस यानी कि हेट्रेड वाली फीलिंग्स ठीक है अगर आप अभी सरकार के देश के अगेंस्ट आपके जो वाली फीलिंग्स हैं उनको अगर मैं बदल दूं कि ये देश तो आपके साथ नाइंसाफी करता है यहां पे आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता आपको मिसट्रीट किया जाता है दैट इज एक्साइटिंग फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन इनसाइड यू यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर अब सीधे सीधे समझ जाओ जब बात अनलॉफुल असेंबली की की जा रही है जब बात अनलॉफुल असेंबली की की जा रही है तो सीधी सी बातें वहां पे कॉमन इंटेंशन का कोई लेना देना है ही नहीं ठीक है वहां पे किस चीज का लेना देना है वहां पे आपका कॉमन ऑब्जेक्ट का लेना देना है ठीक है तो अनलॉफुल असेंबली में पांच या पांच से ज्यादा लोग होते हैं उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है जो कि 141 में दिया गया है और एक कॉमन ऑब्जेक्ट आपका यह दिया है यानी लॉ की किसी भी प्रोसेस को या किसी भी लीगल प्रोसेस को रजिस्ट करना ठीक है सो ऑप्शन नंबर सी ज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली नेक्स्ट वन राइट अगर किया जाता है फोर्स या वायलेंस का यूज करके यानी अनलॉफुल असेंबली अगर फोर्स या वायलेंस का यूज करती है अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए तो यह राइटिंग माना जाएगा एज पर विथ सेक्शन ऑफ आईपीसी एज पर विथ सेक्शन ऑफ आईपीसी इसको रायट कंसिडर किया जाएगा वन फोर्टी फोर बेसिकली रायट का डेफिनेशन सेक्शन कहां पर दिया है 144, 145, 146 या 148. यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है अमिर थार अंजलि डिम्पल

मोड ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो कि 141 में दिया है फोर्स या वायलेंस का यूज किया तो वही क्या बन बन जाता है आपका रायट बन जाता है यानी कि बलवा बन जाता है सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 149 की एप्लीकेशन होने के लिए क्या चीज होनी जरूरी है यानी 149 आपका कब एप्लीकेबल आप, माना जाएगा ये होने के लिए कौन सी चीज प्रेजेंट होना जरूरी है यस अंजलि अलीशा एबसोल्यूटली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो 149 यानी कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर आपको माना जाने के लिए आपके ऊपर लाइबिलिटी लगाने के लिए क्या चीज जरूरी है कि पहले तो आप उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे अगेन अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना भी काफी है भले ही आपने उस उस असेंबली में ठीक है कोई चीज ना की हो, तो भी आप वहाँ पे माने जाओगे। नंबर नंबर अगर असेंबली ने अपना कॉमन ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए कोई चीज की है तो भी आप लाइबल माने जाओगे so, number, answer, question, 153AA, में कौन से अमेंडमेंट से एड किया गया है सेक्शन 153 डबल ए आईपीसी में कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 2001, 2003, 2005 या 2006 अब लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो अमेंडमेंट्स करेक्टली यस शिखा अलीशा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ठीक है अमिरतार अंजलि यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन अफ्रीका ऑफेंस कमिट होने के लिए इनमें से, इन से कौन सी चीज प्रेजेंट होना जरूरी है पांच या पांच से ज्यादा लोगों का लड़ना पब्लिक प्लेस में लड़ना ठीक है किसी मार्केट में लड़ना या फिर वेपन्स का यूज किया जाना अलीशा साजिद अंकिता क्यूटी फूडी अमन राज युग्रश्री यस करेक्ट आंसर यस यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एफरे बेसिकली आपका क्या बोलता है एफरे में पहली चीज तो पांच लोग नहीं चाहिए होते हैं एफरे में चाहिए होते हैं दो लोग ठीक है मार्केट जरूरी नहीं है क्योंकि सिर्फ मार्केट ही पब्लिक प्लेस नहीं है पब्लिक प्लेस और भी जगह आपकी हो सकती है दूसरा एफरे में वेपन का भी होना जरूरी नहीं है दो या दो से ज्यादा लोग किसी पब्लिक प्लेस में लड़के अगर पब्लिक प्लेस को खराब करते हैं दैट इज इज एफरे सो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन किसी पब्लिक सर्वेंट को परसोनेट करना यानी एक्ट करना ऐसा दिखाना कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं ये आईपीसी के कौन से सेक्शन में पनिशेबल माना गया है 186, 187, 170 या फिर 169 पब्लिक सर्वेंट को परसुनेट करना आईपीसी के कौन से सेक्शन में पनिशेबल माना गया है यस युगश्री करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेक्शन नंबर 170 ठीक है सेक्शन नंबर 170 आपका बोलता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को परसुनेट करना यानी आप किसी पुलिस वाले की वर्दी डाल के चले गए और आप दिखा रहे हो कि आप एक पुलिस वाले हो तो आपने सेक्शन 170 आईपीसी के अंदर में क्या किया है ऑफेंस कमिट किया है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राइबरी आईपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है ब्राइबरी का ऑफेंस आईपीसी के कौन से सेक्शन में दिया गया है 170 171 बी 171 डी या फिर 171 ई ब्राइबरी कहां पे डिफाइन किया गया है साजिद अमृतसर हिना एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर सेक्शन 171 बी आपका ब्राइबरी के बारे में बात करता है जहां पे आपको बताया गया है किसी भी तरीके का पैसा कोई भी एसेट कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ये सब कुछ आपका ब्राइबरी कंसिडर किया जाएगा सेक्शन 171 बी आईपीसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ए एक कैंडिडेट है और ये बोलते हैं कि भाई इनको जो है भगवान की आत्मा आती है यानी कि ये लॉर्ड जगन्नाथ के जो है रिप्रेजेंटेटिव है ठीक है और अगर आपने इनके लिए वोट नहीं किया तो यानी कि आपने भगवान के अगेंस्ट यहां पे ऑफेंस किया है आपने हिंदू रिलीजन के यहां पे अगेंस्ट ऑफेंस किया है यहां पे ए ने ये चीज करके कौन सा ऑफेंस कमिट किया है यहां पे ए ने ये चीज करके कौन सा ऑफेंस कमिट किया है यस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर

ए जो है वो रिफ्यूज कर देता है कि वो पब्लिक सर्वेंट के क्वेश्चंस का यहां पे आंसर नहीं करेगा अगर कोई पुलिस वाला जो ऑथराइज्ड है आपसे सवाल जवाब करने के लिए अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आप मना कर देते हो तो कौन से ऑफेंस में आपको सजा दी जाएगी कौन से सेक्शन में आपको सजा होगी वन सेवनटी नाइन वन एट्टी वन एट्टी वन वन थ्री यस एप करेक्ट सेक्शन 179 में आपको दिया गया है कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो कि ऑथराइज्ड है अंडर लॉ आपसे कोई क्वेश्चंस पूछने के लिए और अगर आप उसके सवाल का सही जवाब नहीं देते हैं या फिर सवाल का जवाब देने से मना कर देते हैं तो दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है वो कुछ गहने बी के बॉक्स में रख देता है इस इंटेंशन से कि जब वो डब्बा खुलेगा तो लोग ये सोचेंगे कि बी ने उन गहनों की यहां पे चोरी की है ए ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस आपका कमिट किया है वन नाइंटी वन या फिर ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस आपका कमिट किया है यस yes.

ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है कौन से सेक्शन के अंदर में यस सेम सेक्शन सेम प्रोविजन है आपका सेक्शन नंबर 193 यहां पे ठीक है आप दुकान पे प्रेजेंट नहीं हो आप दुकान पे प्रेजेंट नहीं हो लेट्स से कि आप किसी पर्टिकुलर डेट पे किसी दूसरे शहर में गए थे किसी पर्सन का मर्डर करने के लिए अब आपको लग रहा है कि मर्डर का केस अगर होगा तो आप फंस जाओगे तो आपने खोली अपनी शॉप की किताब बुक ठीक है और उसमें आपने एंट्री कर दी कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तो मैंने ट्रांजेक्शन किया यानी कि मैं यहां पे प्रेजेंट था क्यों ताकि जब ये बुक कोर्ट में दिखाई जाएगी इस मर्डर के ट्रायल में तो आप ये प्रूफ करवा पाओगे ठीक है कि मैं तो दुकान पे ही था मैं तो शहर में वहां पे था ही नहीं तो यानी कि फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस यहां पे करने की कोशिश की कोशिश है है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है उसको पता है कि बी ने जेड पर्सन का मर्डर किया है लेकिन बी को यहाँ पे सजा से बचाने के लिए ए जो है बॉडी को छुपा देता है ए ने यहाँ पे कौन से सेक्शन में ऑफेंस कमिट किया है बेसिकली दृश्यम वाला सीन हो रहा है यहाँ पे ठीक है बेटी ने मर्डर किया है लेकिन बेटी को सजा से बचाने के लिए बाप ने क्या की डेड बॉडी जाके छुपा दी तो यहाँ पे कौन से सेक्शन में आपने ऑफेंस कमिट किया है है बिल्कुल सही ठीक सेक्शन नंबर 201 स्क्रीनिंग द ऑफेंडर ऑफेंडर या कोई पर्सन जिसने कोई ऑफेंस किया है आपका जो कि लाइफ इनप्रिजनमेंट में पनिशेबल है या फिर डेथ पेनल्टी में पनिशेबल है ऐसे किसी इंसान को बचाने के लिए अगर आप ऑफेंडर को स्क्रीन कर रहे हो तो आपने सेक्शन 201 के अंदर में ऑफेंस कमिट किया है नेक्स्ट वन इंडियन कॉइन इनमें से क्या इंडियन कॉइन माना जाएगा सेक्शन 230 आईपीसी में इनमें से किस चीज को इंडियन कॉइन कंसीडर करेंगे सेक्शन 230 आईपीसी में कॉडी लंब और अनस्टैम्प्ड कॉपर व्हिच इज यूज्ड एज मनी फारुकाबाद रुपी या फिर नन ऑफ द अबव यस ना एब्सुलटली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फारूकाबाद रुपी सेक्शन 230 में आपको साफ साफ दिया गया है कि कौड़ी इंडियन कॉइन नहीं माना जाएगा अनस्टैम्प्ड कॉपर आपका इंडियन कॉइन नहीं माना जाएगा लेकिन वहां पे क्या लिखा है ऐसा कोई भी मेटल का टुकड़ा जिस पे भारत सरकार का स्टैंप है और भारत सरकार एज अ मनी उसको यूज कर रही है वो चीज आपकी इंडियन मनी इंडियन कॉइन यूज की मानी जाएगी उसी सेक्शन में एक और लाइन लिखी है कि कोई ऐसा अमाउंट जो कि पहले भारत में एज अ लीगल करेंसी यूज किया जाता था लेकिन अब नहीं यूज किया जाता है उसको भी हम इंडियन कॉइन कंसिडर करेंगे तो लेट से आपका दो का नोट पुराना वाला सॉरी आपका हजार रुपए का नोट पुराना वाला अब वो लीगल टेंडर नहीं है उसको यूज नहीं किया जाता है लेकिन फिर भी उसको इंडियन रुपी ही कंसिडर किया जाएगा इवन दो इट इज आउट ऑफ द मार्केट ठीक है तो फारूकाबाद रुपी आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रेप विक्ट की आइडेंटिटी डिस्कलोज करना कौन से सेक्शन में पनिशेबल है रेप विक्ट की आइडेंटिटी को डिस्कलोज करना कौन से सेक्शन में पनिशेबल माना जाएगा टू ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी एट ए थ्री सेवेंटी सिक्स ए या थ्री सेवेंटी सिक्स बी यस क्यूटी फूडी एंड एब्सोल्युटली करेक्ट सेक्शन नंबर 228 आपका साफ साफ बोलता है कि जिस भी पर्सन के साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ है या रेप हुआ है उनकी आइडेंटिटी डिस्कलोज नहीं की जाएगी फॉर ऑब्वियस रीजन की सोसाइटी में उनको किसी भी तरीके का एम्बेरिसमेंट uh, या किसी भी तरीके से उनको मिसट्रीट ना किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का डिस्ट्रक्शन करना ताकि उसे कोर्ट में एज अ एविडेंस प्रोड्यूस ना किया जा सके ठीक है ये कौन सा ऑफेंस है तो बॉलीवुड मूवीज में ये ऑफेंस होता बहुत बार दिखाया गया है कोई सीडी है कोई पेन ड्राइव है या कुछ भी ऐसा है उसको तोड़ मरोड़ दिया गया या उसको डैमेज कर दिया गया ताकि कोर्ट में इसको प्रेजेंट ना किया जाए एक वो मूवी आपने देखी होगी गोविंदा की है मैं झूठ नहीं बोलता आ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता उस मूवी में ऐसे ही होता है कैसेट है जिसमें एक मर्डर का सीन कैप्चर किया जाता है है ना और बाद में उस मर्डर का जो सीन का वो जो कैसेट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है कि कोर्ट में कैसेट को दिखा के मर्डर ना प्रूफ किया जा सके तो वो कौन से सेक्शन में पनिशेबल है यस सेक्शन नंबर ठीक है सेक्शन नंबर 204 में ऑफेंस आपका दिया गया है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डैमेज करना डिस्ट्रक्ट करना ताकि कोर्ट में एज अ एविडेंस उसको प्रोड्यूस ना किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन एक होटल जो कि नदी के किनारे सिचुएटेड है वो नदी के उस पानी को गंदा करता है पोल्यूट करता है आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी इस होटल के ऊपर किसी भी पब्लिक रिजर्व या रिवर को गंदा करना पोल्यूट करना किस सेक्शन के अंदर में पनिशेबल माना जाएगा सेक्शन 277, 276, 278 या 282 बिल्कुल सही सेक्शन नंबर 277 में यह दिया गया है कि, कि किसी भी पब्लिक रिजर्व किसी भी नदी को या किसी भी रिवर को अगर आप गंदा करते हैं फाउल करते हैं तो यह आपका टू में पनिशेबल माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीसी का हिकलिन रूल कौन से सेक्शन से डील करता है हिकलिन रूल बेसिकली कौन से सेक्शन से आपका डील करता है 292, 291, 290 या 294? यस yes, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 292, 292 किस बारे में बात करता है सेल और परचेज और एग्जिबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है किसके ऑप्सिन बुक्स या ऑप्सीन मटेरियल के बारे में तो हिकलिन रूल इज द फर्स्ट थिंग बेसिकली फॉरेन से हमने लिया था बोरो किया था हिकलिन रूल आई थिंक यूके से बोरो किया था यूके का एक केस था रेजीना वर्सेस हिकलिन का वहां से ये केस आपका निकल के आया था हिकलिन रूल तो हिकलिन रूल बेसिकली आपका क्या बोलता था कि अगर कोई भी चीज किसी भी नॉर्मल इंसान को किसी भी एवरेज इंसान को एक छोटा सा सीन एक छोटा सा क्लिप या वो एक छोटा सा इमेज भी किसी भी आम इंसान के अगर माइंड करप्ट कर सकता है उसके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल अगर लेके आ सकता है हम उस चीज को ऑप्सीन मान लेंगे ठीक है हिकलिन रूल क्योंकि गलत था बहुत ही अलग आ, क्या बोलते हैं बहुत ही अलग मतलब अजीब सा टेस्ट था तो हिकलिन रूल को हटा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और बोला था अवीक अवीक सरकार का जो केस था तो अवीक सरकार का भी केस यहाँ पे ध्यान रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई हिकलिन रूल को हटा के अब इंडिया में कौन सा टेस्ट फॉलो किया जाएगा कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट फॉलो किया जाएगा अगर सोसाइटी के हिसाब से कोई चीज गंदी है कोई चीज ऑप्सीन है तो हम उसे ऑप्शीन कंसिडर करेंगे तो हिकलिन रूल किससे डील करता है सेक्शन नंबर टू से डील करता है नेक्स्ट वन किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर ऑप्सीन वर्ड अटर करना ये कौन से सेक्शन में पनिशेबल है किसी पब्लिक प्लेस में खड़े होकर ऑप्शीन वर्ड्स अटर करना ये कौन से सेक्शन में पनिशेबल है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन नंबर 294 नाइनटी इन पब्लिक प्लेसेस ठीक है ऐसी कोई भी हरकत करना पब्लिक प्लेस में ऐसे कुछ भी शब्द बोलना गाना गाना सीटी मारना ठीक है कोई भी ऑप्शीन वाली हरकत पब्लिक प्लेस में करना जिससे पब्लिक अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल फील करे उन्हें अनोयंस हो उन्हें डिस्टर्बेंस हो तो दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन टू ठीक है नेक्स्ट वन रेक्स वर्सेस गोविंदा के केस में आईपीसी के कौन से दो सेक्शंस के बीच में डिफरेंस समझाया गया था रेक्स वर्सेस गोविंदा के केस में आईपीसी के कौन से दो सेक्शंस के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन किया गया था यस yes.

एक्चुअल में होता ही है कि जब हस्बैंड वाइफ को मार रहा था तो हस्बैंड को लगा कि वाइफ की डेथ हो गई है लेकिन वाइफ की डेथ हुई नहीं थी वाइफ जिंदा थी जब हस्बैंड ने वाइफ को लटकाया तब वो जाके मरी है तो रेक्स वर्सेस गोविंदा के केस में जो हस्बैंड है उसके ऊपर सेक्शन 299 लगाया गया था वैसे तो 300 लगाने की बात की जा रही थी बट 300 ना लगा के 299 लगाया था कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्योंकि उसको जिस एक्ट से लगा मेरी बीवी मर गई उस एक्ट से वो मरी नहीं थी वो तो लटकने से मरी थी तो सेक्शन 299 और तो 300 का डिफरेंस इस केस में समझाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन कल्पेबल होमोसाइड इज कॉजिंग डेथ कल्पेबल होमोसाइड में डेथ कॉज की जाती है किस इरादे से किस इंटेंशन से या किस नॉलेज से किस इरादे से किस इंटेंशन से किस नॉलेज से कल्पेबल होमोसाइड में डेथ कॉज की जाती है आई यू श्योर इट्स डी यस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो सेक्शन नंबर 299 में ये वर्ड आपको यूज किया गया है कि ऐसी कोई भी बॉडीली इंजुरी पहुंचाना जिससे शायद यानी दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ ये 299 सेक्शन के शब्द हैं ठीक है नीचे क्या लिखा है विद दी नॉलेज दैट बाय सच एन एक्ट डेथ इज लाइकली टू बी कॉज अगेन सामने वाला श्योर नहीं है तो ये भी 299 के शब्द हैं ठीक है विद दी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ अगेन 299 के शब्द हैं तो ये सब आपका कल्पेबल होमोसाइड में सेक्शन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन एक्स को पता है कि जेड झाड़ियों के पीछे छुपा है लेकिन वाई को यह चीज नहीं पता है तो एक्स यहां पे चाहता है कि वाई जो है वो डेथ पर्सन की डेथ Z पर्सन की डेथ यहाँ पे कॉस कर दे तो एक्स Y को बोलता है कि भाई आप उन झाड़ियों पे फायर करो Y ने फायर किया Z पर्सन की यहाँ पे डेथ हो गई अब एक्स और Y दोनों की लाइबिलिटी यहां पे बताओ इंडिविजुअली दोनों की लाइबिलिटी यहां पे क्या होगी ओके लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू दिस वन करेक्ट ठीक है मैक्सिमम लोगों का सही है गुंजा मिश्रा गैमरिज यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देखो वाई को तो नहीं पता था ठीक है वाई तो थॉट की झाड़ी है झाड़ी के पीछे ये आपका बैराग का इलेट्रेशन है ठीक है वाई को क्या लगा झाड़ी के पीछे कुछ भी नहीं है तो वाई ने वहां पे शूट कर दिया वाई का तो कोई इंटेंशन नहीं था किसी भी पर्सन की डेथ कॉज करने का ना ही उसको पता था तो वाई जो है वो तो किसी भी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा लेकिन एक्स को पता एक्स को तो पता था कि सामने वाला पर्सन कोई झाड़ी के पीछे यहाँ पे बैठा हुआ है फिर भी आपने किसी दूसरे पर्सन से वहां पर शूट करवाया तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे क्या मान ली जाएगी कल्पेबल होमोसाइड की मान ली जाएगी क्योंकि आपने किसी पर्सन की चाहते हुए यहां पे डेथ कॉज करवाई है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन से प्रोविजन में आईपीसी में अगर कोई बच्चा जो कि मां के कोख में है यानी कि मदर के बूम में है उसकी डेथ करना होमोसाइड नहीं माना जाएगा यह सेक्शन 299 के कौन से एक्सप्लेनेशन में दिया गया है यह बात यह प्रोविजन सेक्शन 299 के कौन से एक्सप्लेनेशन में दिया गया है बिल्कुल सही ठीक है सॉरी ये क्या हो गया बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर तो सेक्शन नंबर 299 का सेक्शन नंबर 299 का एक्सप्लेनेशन थ्री आपका बेसिकली क्या बोलता है कि अगर कोई बच्चा जो कि मां के पेट में ही है अभी तक बाहर नहीं निकला है उस बच्चे की अगर मां के पेट के अंदर में आप डेथ कॉज करते हो तो वो कल्पेबल होमोसाइड नहीं माना जाएगा लेकिन जैसे ही उस बच्चे की एक उंगली भी बाहर आई और आपने उस बच्चे की डेथ कॉज की तो वो आपका कल्पेबल होमोसाइड यहां पे मान लिया जाएगा ठीक है नाउ वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई एम जस्ट अगर आप इनरोल करना चाहते हो द एडमिशन आर स्टिल ओपन बट प्लीज ध्यान रखिएगा कि बैच में एनरोल करने की जो लास्ट डेट है दैट इज ट्वेंटी जून ठीक है इस बैच में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं. लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे लाइव डाउट सॉल्विंग डेली बेसिस पे क्लासेस में आपकी करवाई जाएंगी डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी होगी हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जा रहे हैं प्रिलिम्स के मेंस के दोनों के ठीक है इसके साथ साथ सेपरेट मिंटोर आपको यहाँ पे असाइन किया जा रहा है प्लस आपको मेन्स आंसर राइटिंग जजमेंट राइटिंग जीके की क्लासेस करंट अफेयर्स की क्लासेस लीगल करंट अफेयर्स की क्लासेस एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की स्टेज पे हर एक चीज जो आपको लग सकती है वो सब कुछ आपको यहां पे इस कोर्स में मिल रहा है ठीक है कोर्स के लिए इनरोल कैसे करना है वो मैं एक बार आपको बता देती हूं so, हाँ दिस इज आर वेबसाइट ठीक है ये है वेबसाइट यहां पे दस से बारह महीने का कोर्स है आपका दस से बारह महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा ये स्टडी आईक्यू जुडिशरी की वेबसाइट पे सबसे पहला कोर्स जो आपको दिखेगा दैट इज दी लाइफ फाउंडेशन बैच ओनली ठीक है यहाँ पे कोर्स वैसे तो फोर्टी थाउजेंड का दिखेगा बट अगर आप बाय बायनाव पे जाओगे और बाय नाव पे जाके आपको एक कूपन कोड एक डिस्काउंट कोड लगाना है दैट इज ए आर जे मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर जैसे ही ये कूपन कोड आप अप्लाई करोगे चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे में कोर्स आपको मिल जाएगा कोर्स वैसे तो 10 से 12 महीने में आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा लेकिन उसके बाद भी कोर्स का एक्सेस आपके पास अवेलेबल रहेगा जितनी लाइव क्लासेस आपकी हुई हैं वो आप बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है तो मेरी मेंटोरिंग में मेरी गाइडेंस में अगर आप तैयारी करना चाहते हो आपके पास अभी भी समय है क्योंकि एडमिशन जो है इस बैच के वो आपके बंद हो रहे हैं कब ट्वेंटी जून को उसके पहले अगर आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो मेरा कोड ए आरजे यूज करके ठीक है बाकी एनरोलमेंट को लेके कि अगर किसी के कुछ क्वेश्चन हैं कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चलो लेट्स रिज्यूम आर क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज से अगर इंजुरी इंटेंशनल है और सफिशियंट है टू कॉज डेथ इन दर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर और डेथ हो भी जाती है तो वहां पर ऑफेंस क्या माना जाएगा डज इट इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट येस इट इंक्लूड्स एवरीथिंग सारे आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो यू कैन डू दैट बाय इनरोलिंग फॉर दिस कोर्स कोई सारे स्टेट्स की तैयारी यहां पर करवाई जाएगी और हर स्टेट का पूरा फुल सिलेबस कवरेज आपको यहां पर दिया जाएगा यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही समझ जाना क्वेश्चन में क्या लिखा है क्वेश्चन में लिखा है कि इंजुरी इंटेंशनल है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशियंट है यानी कि ये 299 की की बात नहीं की जा हो कि 299 में हर जगह क्या यूज किया गया है लाइकली वर्ड यूज किया गया है यानी कि आप खुद भी श्योर नहीं हो कि मेरे मारने से सामने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा लेकिन 300 क्या बोलता है कि तुमने मारा ही इतनी जोर से कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में यानी 100 में से निन्यानवे आदमी वहां पे मरेगा ही मरेगा यानी आपका इंटेंशन स्ट्रांग था आपका नॉलेज यहां पे स्ट्रांग था और आपका एक्ट भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यानी कि मर्डर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन से केस में सेक्शन थ्री का जो क्लॉज नंबर थ्री है उसके ऊपर लैंडमार्क केस आपका कौन सा माना जाता है यानी कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर सेक्शन 300 में दिया गया है उसकी क्लॉज नंबर थ्री पे लैंडमार्क केस आपका कौन सा है लैंडमार्क केस कौन सा है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है ये लैंडमार्क केस है किससे डील करता है सेक्शन नंबर तीन सौ के क्लॉज नंबर तीन से डील करता है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के रिस्पेक्ट में ठीक है जो सबसे पहला एक्सेप्शन आपका दिया गया है सेक्शन तीन सौ में तो सडन प्रोवोकेशन के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा गाइज एक रिक्वेस्ट है <laughs> जिन्होंने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से सेशन को लाइक कर दो प्लीज आई एम नॉट इनफ लाइक एज अ नंबर ऑफ पीपल दैट आई एम सींग जिन्होंने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए यस yes. तो देखो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में पहले तो देखो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से रिलेटेड

हर सिचुएशन के हिसाब से फैक्ट टू फैक्ट यहां पे मैटर करेगा डिफर करेगा ठीक है अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि पहले तो आपने खुद ने सामने वाले को प्रोवोक नहीं करा होना चाहिए आप मेरे को अब्यूज कर रहे हो ठीक है पहले तो आप मुझे यहां पे अब्यूज कर रहे हो ठीक है उसके बाद मैंने आपके ऊपर यहां पे अटैक किया तो प्रोवोक तो मुझे आपने किया ना आपने पहले अपनी तरफ से हरकत देनी चालू की तो मैं तो गुस्से में आऊंगी यहां पे तो प्रोवोकेशन आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए नंबर वन अगर कोई अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज कर रहा है तो वो प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा मैं सड़क पर चलते हुए जा रही हूं ठीक है मैं सड़क पे चलते हुए जा रही ठीक है लेकिन आप पीछे से आके मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो है ना अब मैंने अपने आप को आपसे बचाने के लिए आपके ऊपर अटैक किया अब मैं, मेरा आपके ऊपर अटैक करना आपको प्रोवोक नहीं कर सकता तो किसी का प्राइवेट डिफेंस का लॉफुल एक्सरसाइज प्रोवोकेशन नहीं दे सकता ठीक है नंबर तीन कोई पब्लिक सर्वेंट अगर लॉ को ओबे कर रहा है लॉ के ओबीडियंस ओबीडियंस में अगर वो एक्ट कर रहा है तो वो प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा पुलिस वाला आपके घर पे आया और आपका कॉलर पकड़ के आपको घर से घसीटता हुआ बाहर लेके जाने लग गया जेल लेके कस्टडी में लेके जाने लग गया तो वो अपनी रॉफुल पावर की एक्सरसाइज यहां पे कर रहा है ये आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन यहाँ पे नहीं हो सकता तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स जो है बहुत तेज गाड़ी चला रहा था एक क्राउडेड सड़क पे ये जानते हुए कि भाई वहां पे तेज गाड़ी चलाने से किसी ना किसी पर्सन की जो है डेथ कॉज हो जाएगी अब तेज गाड़ी चलाने से क्या होता है वाई की यहां पे डेथ हो जाती है तो एक्स किस चीज के लिए गिल्टी माना जाएगा नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस तो तब होगा जब आपको पता नहीं था कि आप किसी की डेथ कॉज कर दोगे यहां पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मर्डर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में इन ऑल प्रोबेबिलिटी कौन सेक्शन में देखने को मिलती है सेक्शन तीन सौ की लाइन है ये कि आपका एक्ट इतना ज्यादा डेंजरस है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल कॉज डेथ तो यानी कि क्या माना जाएगा मर्डर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि आपका एक क्राउडेड प्लेस में तेज गाड़ी चलाना का मतलब क्या है कि भाई कोई ना कोई पर्सन यहां पे ठुकेगा और कोई ना ठुकेगा कोई तो सकते गलती से हो गया नेग्लिजेंस थी मेरी ये आपका पूरा इंटेंशन यहां पे दिखा रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए का इंटेंशन था मर्डर करना तो ए ने जो है यहां पे क्या किया जेड को जहर दे दिया ठीक है और जेड जहर देने के बाद भी बचा हुआ था इतने में एक अनजान आदमी आके जेड को मार के चला जाता है शॉर्ट हिम डेड तो यहां पे ए की जिम्मेदारी क्या होगी ए और बी पर्सन की यहां पे जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी यस हीना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए जो है वो गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए होगा देखो क्वेश्चन को यहां पे समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैंने आपको मारने की कोशिश की लेकिन आप मरे नहीं है ना तो मैंने इंटेंशन कर लिया मैंने प्रिपरेशन कर लिया मैंने अटेम्प्ट कर लिया लेकिन मैं तीसरी स्टेज पे फंस गई क्यों क्योंकि अकम्पलिशमेंट हो ही नहीं पाया मैंने मारने की कोशिश की लेकिन तुम मरे ही नहीं अब इतने में कोई दूसरा पर्सन आ गया उसको भी तुम पसंद नहीं थे उसने भी तुम्हारे ऊपर अटैक किया तुमको मारने की कोशिश की लेकिन उसके अटैक से तुम मर गए मेरे अटैक से तुम बच गए उसके अटैक से तुम मर गए तो वो दूसरा पर्सन क्या है वो तो मर्डर के लिए गिल्टी माना ही जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्नेक चार्मर है और ए ने ऐसा बोला कि अगर कोई सांप आपको काटता है तो मैं आपकी जान वहां पर बचा सकता हूं एक आदमी बहुत छाणा बन के गया उसने अपने आप को सांप से कटाया ये सोचते हुए कि ये सपेरा मेरे को यहां पे बचा बचा लेगा लेकिन सपेरा उसको बचा नहीं पाया और वो आदमी की वहां पे डेथ हो गई अब ये सपेरा किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा ये सपेरा यहाँ पे किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा मर्डर मर्डर ऑब्वियसली मर्डर भाई यहां पे क्वेश्चन को देख के समझो अपने आप को सांप से कटाना यानी कि सांप से कटाने का मतलब क्या है कि दैट एक्ट वो पर्टिकुलर एक्ट जो है वो हर प्रोबेबिलिटी में आपकी डेथ कॉज करेगा ही करेगा यानी वो एक्ट सफिशियंट है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज अ पर्सन डेथ तो यहां पे आने की क्या हो रहा है मर्डर आपका हो रहा है कि इस तरीके से बेवकूफी से ये जानते हुए कि सांप के काटने से डेथ वहां पे होती है ये आपको पता है तभी तो आप बोल रहे हो कि मैं आपको बचा लूंगा मरने से तो यहाँ पे आपका इंटेंशन आपका नॉलेज सब कुछ समझ में आ रहा है ठीक है प्लस वो एक्ट सफिशियंट है किसी भी पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यानी कि मर्डर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए बिना किसी एक्सक्यूज के एक लोडेड कैनन भीड़ में जो है फायर कर देता है और भीड़ में से कुछ लोग वहां पे मर जाते हैं उसका पहले से डिजाइन नहीं था उसका पहले से मन नहीं था मारने का किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकिन फिर भी मर गया यानी कि मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन से दुश्मनी नहीं है फिर भी एक भीड़ के ऊपर मैंने कैनन फायर कर दिया गोला बारूद चला दिए अब मेरी जिम्मेदारी यहां पे क्या होगी कि मेरी, मेरी मुझे कौन से ऑफेंस के लिए यहां पे सजा दी जाएगीजेंस आर यू श्योर डेथ बाय नेग्लिजेंस भाई नेग्लिजेंस का मेन क्राइटेरिया ही यही है नेग्लिजेंस का मेन क्राइटेरिया ही यही है कि वहां पे आपका इंटेंशन नॉलेज नहीं होता है डेथ कॉज करने का यहां पे मेरा इंटेंशन नॉलेज है मुझे पता है किसी की डेथ कॉज होगी लेकिन मुझे पता नहीं है किसकी होगी अब डेथ किसी की भी कॉज हो सकती है मुझे किसी पर्टिकुलर को नहीं मारना है मेरी दुश्मनी किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं है बट हाँ मुझे पता है कि मेरा एक्ट इतना डेंजरस है कि उसमें किसी ना किसी पर्सन की डेथ वहां पर होगी तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी मर्डर देखो सिंपल सा लॉजिक लगाओ यहां पे क्या आपका गोला बारूद चलाना एक भीड़ वाली जगह पे डेथ कॉज करने के लिए काफी है क्या वो हर प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज करेगा द आंसर इज यस क्या वो एक्ट इतना डेंजरस है कि सामने वाला उससे नहीं बच पाएगा द आंसर इज यस क्या वो एक्ट इतना डेंजरस है कि वो सफिशियंट ऑर्डरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करेगा द आंसर इज यस तो ऑप्शन क्या हुआ मर्डर हुआ जस्ट बिकॉज मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं मारना है लेकिन मुझे पता है कि मेरे इस एक्ट से कोई ना कोई मरेगा तो बात तो वही हुई ना यार कि मर्डर ही हुआ यहां पे तो नेग्लिजेंस से हो सकता है नेग्लिजेंस में तो इंटेंशन नॉलेज आपका होता ही नहीं है और 299 भी नहीं हो सकता क्योंकि भाई गोला बारूद कहीं पे चलाना किसी भीड़ वाली जगह में गोला बारूद फायर करना डेंजरस एक्ट है यानी वहां पर लाइकली वाला चांस तो है ही नहीं वहां पे श्योरिटी वाला चांस है हंड्रेड परसेंट वाला चांस है कि कोई ना कोई मरेगा ही मरेगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन एक डिफेंस माना गया है मर्डर के लिए लेकिन ये कौन सी कैटेगरी का डिफेंस है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन एक मर्डर डिफेंस माना गया है लेकिन ये कौन सी कैटेगरी का डिफेंस है ऑप्शन बी तो वहां पे आपको कोई भी रिस्पॉन्स आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं डाली जा रही है ठीक है तो और जनरल डिफेंस जैसी कोई चीज ही नहीं होती है पार्शियल डिफेंस का मतलब क्या है पार्शियल डिफेंस ये बोलता है कि आपने मर्डर किया मैंने मर्डर किया लेकिन मैंने मर्डर क्यों किया मैंने एंड सडन प्रोवोकेशन में आके मर्डर किया तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो आप मुझे सेक्शन 300 में सजा नहीं दे रहे हो आप मुझे सेक्शन 299 में सजा दे रहे हो कि भाई इसे हम मर्डर तो मानेंगे ठीक है इसे हम मर्डर तो मानेंगे लेकिन इसे हम कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मानेंगे इसे हम मर्डर नहीं मानेंगे तो मुझे पूरा डिफेंस कहा मिला मुझे तो पार्शियल डिफेंस मिला ना कि मैं मर्डर की सजा से बच गई बट मैं 299 में तो अभी भी अंदर जा रही हूं ना तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर ठीक है समझ में आई होप ये क्लियर हो गया होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है वो जहर मिला के हलुआ मतलब स्वीट डिश बी को है जो है यहां पे देता है बी को मारने के इरादे से बी ने एक चम्मच हलवा खाया और उसको उठा के साइड में रख दिया सी जो बैठा था साइड में सी ने उठा के गिल्टी माना जाएगा यहां पे क्या होगी yes. ठीक है किस चीज से डील करता है सेक्शन नंबर तीन सौ एक आपका ट्रांसफर ऑफ मैलिस के बारे में बात करता है भाई हमको मतलब ही नहीं है तुमने किसको मारा अगेन जो गोला बारूद वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया तुम किसको मारना चाहते थे कौन मरा इससे आईपीसी को फर्क नहीं पड़ता हमें इससे फर्क पड़ता है कि तुमने किसी को मारा और तुमने किस तरीके से मारा वी ओनली केयर अबाउट योर एक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस एंड द रिजल्ट तुम इसको मारना चाहते थे वो मर गया किसको मारना इससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो आप ए को मारना चाहते थे सी मर गया still okay. आप फिर भी वहाँ पे के लिए माने जाओगे ठीक है नॉन वाइटल पार्ट ऑफ द डिसीज विच नॉट फाउंड टू बी सफिशियंट इन दर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ मतलब मैंने आपके बॉडी के ऐसे पार्ट्स पे मारना चालू किया है जो कि फिशियंट नहीं है ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने के लिए लेकिन मुझे पता था कि ज्यादा बार मारने से बहुत ज्यादा बार आपको पे हिट करने से देर इज अ चांस कि आपकी डेथ हो सकती है द केस वुड बी पनिशेबल अंडर तो बेसिकली मुझे पता है कि मैं आपके सर पे मारूंगी जैसे सर हो गया किसी भी पर्सन का हेड जो एरिया हो गया दैट इज अ वाइटल एरिया

क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही समझ जाओ द एक्ट इज नॉट सफिशियंट इन दर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ यानी ये मर्डर तो नहीं हुआ ये सेक्शन 300 में तो नहीं आएगा तो ऑब्वियस ही बात है ये सेक्शन 302 में भी नहीं आएगा ये किस में आएगा सेक्शन 299 में आएगा 299 की सजा कहां पे दी है सेक्शन नंबर 304 में दी गई है तो 304 पार्ट टू में ये आपका पनिशेबल माना जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है वो अपनी वाइफ को बहुत दिनों तक खाना नहीं देता है और उसको बंद करके कमरे में रखता है इस इरादे से कि जल्दी से जल्दी इसकी वाइफ की यहाँ पे डेथ हो जाए लेकिन उसकी वाइफ बच के भाग के निकल गई अब ए यहाँ पे किस चीज के लिए लाइबल माना जाएगा ए यहाँ पे किस चीज के लिए लाइबल माना जाएगा यस yes, सिंपल सा क्वेश्चन है ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका कि ए इज़ ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर भाई तुम्हारा इरादा पूरा था ठीक है तभी तुमने उसको बंद करके रखा बिना खाने के कि उसकी डेथ हो जाए प्रिपरेशन भी तुमने पूरी कर ली अटेम्प्ट भी आपने किया पूरी कोशिश की आपने कि सामने वाली मर जाए इसको खाना मत दो लेकिन अब वो बच के भाग के निकल गई तो यानी कि आप क्राइम की चौथी स्टेज पे नहीं पहुंच पाए आप अकम्पलिशमेंट नहीं कर पाए बट आपने अटेम्प्ट तो पूरा पूरा यहाँ पे किया था तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन एट एम्बोडीज एम्बोडीज इंग्लिश ऑथर्स सॉरी इंग्लिश ऑथर्स से विच सेक्शन टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस ट्रांसफर ऑफ मैलिस का कॉन्सेप्ट सेक्शन कौन से सेक्शन में दिया गया है बिल्कुल सही अभी हमने डिस्कस किया इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं सेक्शन नंबर 301 ट्रांसफर ऑफ मैलिस के बारे में बात करता है ट्रांसफर ऑफ मैलिस यानी कि भाई आपका मैलिस था आपका इलविल था ए पर्सन को मारना ए की बजाय बी पर्सन मर गया तो आपका जो मैलिस था ए पर्सन की तरफ वो कहां ट्रांसफर हो गया बी पर्सन पे ट्रांसफर हो गया कि ए की बजाय बी आपका मर गया तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन तीन सौ ए आईपीसी का किस बारे में बात करता है सेक्शन 304 ए आईपीसी का किस बारे में बात करता है डाउरी डेथ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस या फिर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यस नथिंग टू एक्सप्लेन कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस यानी कि जहां पे आपका कोई इंटेंशन नहीं था कोई नॉलेज नहीं था गलती से आपके एक्ट से किसी पर्सन की डेथ हो गई है दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन थ्री ए अगला क्वेश्चन ब्राइड बर्निंग हैज बीन मेड एन ऑफेंस अंडर इंडियन पीनल कोड इन विथ सेक्शन ब्राइड बर्निंग का जो ऑफेंस है ये आईपीसी में कौन से सेक्शन में दिया गया है सेक्शन 300, 302, 304 चार या तीन बी बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर तीन बी किसी भी लड़की की 304 बी के इंग्रेडिएंट्स आपके क्या हैं? किसी भी लड़की की शादी के सात साल के अंदर में अगर अननेचुरल डेथ होती है जल के या फिर किसी एक्सीडेंट के थ्रू और उसके मरने के ठीक पहले अगर उसको हरास किया गया था उसको परेशान किया गया था दहेज के लिए किसके द्वारा उसके पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर आपके प्रेजेंट हैं तो सेक्शन 304 बी आपका हो जाएगा यानी कि डाउरी डेथ आपका मान लिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीसी का इनमें से कौन सा सेक्शन अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के बारे में बात करता है बेसिकली जिया खान वाला केस ठीक है तो सूर्य आदित्य पंचोली जो है इसी सेक्शन में अंदर गए थे कौन सा सेक्शन है वो अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड कहां पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सेक्शन नंबर 306 आपको बोलता है कि अगर आपने किसी भी पर्सन को उकसाया इंस्टिगेट किया प्रोवोक किया अपनी डेथ कॉज करने के लिए यानी कि आत्महत्या करने के लिए तो दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन 306 जीरो सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी डज नॉट इंक्लूड राइट टू टर्मिनेट नेचुरल लाइफ यानी आर्टिकल ट्वेंटी वन में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब राइट टू डाय नहीं है ये कौन से केस में बोला गया था सेक्शन रटना इज वेरी इंपॉर्टेंट आई आजकल देर इज अ ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन इन अ लॉर्ड ऑफ जुडिशियर एक्सामिनेशन कि आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं तो सेक्शन अगर नहीं आते हैं तो बहुत दिक्कत की बात है फिर यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कौन से केस में बोला था कौन से केस में बोला था कि राइट टू लाइफ राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी में आपका राइट टू डाई भी आता है तो दैट इज पीरथेनम का केस पहले इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हां आर्टिकल 21 में तुम अपनी जान भी ले सकते हो ये राइट भी तुम्हारे पास है फिर इसको ओवर रूल किया कौन से केस में ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कि नहीं भाई आर्टिकल 21 का पर्पस क्या है आपकी लाइफ को बेटर बनाना आपको ज्यादा अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड करना ताकि एक डिग्निफाइड जिंदगी आप जी सके ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि आप, आप, आपको अपनी जान लेने का अलाउ कर दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है वो बोलता है कि मैं एक फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट हूं ठीक है और एक्स जो है एक्स पर्सन को वो एक केमिकल दे देता है ताकि एक्स पर्सन के अंदर में यानी उसके वोम में कोक में जो बच्चा है उसकी यहाँ पे डेथ हो जाए ए पर्सन ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है ए पर्सन ने यहां पे कौन सा ऑफेंस आपका कमिट किया है करेक्ट ऑप्शन नंबर डी ऑफेंस ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज ठीक है नो ऑफेंस तो देखो हो नहीं सकता मर्डर भी हमने पढ़ लिया कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर भी हमने पढ़ लिया वहां पे साफ साफ लिखा है कि मां के कोक में डेथ कॉज करना मर्डर नहीं माना जाएगा यानी कि कल्पेबल होमोसाइड नहीं माना जाएगा तो ये तीनों तो हो नहीं सकते थे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पे करना नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन में आपको हर्ट के बारे में बताया गया है हर्ट में इनमें से कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं हर्ट के ऑफेंस में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं सेक्शन तीन सौ उन्नीस हर्ट के बारे में बात करता है बॉडी का पेन डिसीज या फिर इंफॉर्मिटी यस yes. बहुत ही टुच्चा सा सेक्शन है एक लाइन का एक लाइन में पूरा सेक्शन खत्म हो जाता है कि हर्ट का मतलब क्या है बॉडी पेन डिसीज इन्फर्मिटी ठीक है सब कुछ आपका 319 में हर्ट में आ जाता है अगला क्वेश्चन ए जो है उसने बी के चार दांत तोड़ दिए तो ए ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट कॉजिंग हर्ट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट या अटेम्प्ट टू मर्डर यस कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बिल्कुल सही देखो अटेम्प्ट तो हो नहीं सकता अटेम्प्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि तुमने सामने वाले के दांत तोड़ दिए हैं तो तुम अपना चीज अकम्पलिश कर चुके हो है ना ऑप्शन ए नहीं होगा बी भी नहीं होगा क्यों क्योंकि सी आपका साफ साफ यानी कि ग्रीवियस हर्ट में आपका साफ साफ दिया है किसी भी पर्सन की हड्डियां तोड़ना या उसके दांत तोड़ना एक दांत भी अगर आपने तोड़ा वो ग्रीवियस हर्ट कंसिडर किया जाता है सेक्शन नंबर में तो यहाँ में तो यहां पे तो आपने सामने वाले के चार दांत तोड़ दिए तो ये क्या माना जाएगा Causing, हर्ट आपका माना जाएगा बी जो है असोल्ट करता है ए को एक शार्प एजेड वेपन यूज करके जिससे बी के ए के चेहरे पे एक लंबा कट आ गया है कितना 6 सेंटीमीटर बड़ा और आधा सेंटीमीटर डीप ठीक है सॉरी उसके फोर आर्म पे कट आ गया है ए यहां पे कौन से ऑफेंस के लिए लाइबल माना जाएगा ए यहां पे कौन से ऑफेंस के अंडर में लाइबल माना जाएगा 323 324 तेईस या 326 यस ऑप्शन नंबर सी 325 के अंदर में ठीक है कॉजिंग हर्ट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विथ अ शार्प डेडली

आपने सामने वाले के चेहरे पे मारा और इतना ज्यादा जोर से मारा कि अब उसके चेहरे पे परमानेंटली एक निशान हो चुका है कौन सा ऑफेंस माना जाएगा ये सेक्शन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हर्ट आपने किया है ग्रीवियस हर्ट है क्यों क्योंकि अब परमानेंटली निशान हो चुका है परमानेंट स्कार है परमानेंट इंजुरी है यानी कि ग्रीवियस हर्ट है और ग्रीवियस हर्ट आपने किससे किया है शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट से किया है, है. तभी इतना ज्यादा इंजुरी वहां पे हुई है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन किसी पर्सन के ऊपर एसिड फेंकना या फेंकने की कोशिश करना कौन से सेक्शन में पनिशेबल माना गया है Voluntarily, किसी पर्सन पे एसिड फेंकना या एसिड फेंकने की कोशिश करना कौन से सेक्शन में पनिशेबल माना गया है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर सेक्शन 326 बी ठीक है 326 ए फेंकने के बारे में बात करता है 326 बी अटेम्प्ट के बारे में बात करता है ठीक है इस इस पर्टिकुलर ऑफेंस से रिलेटेड लक्ष्मी वर्सेस यूनियन का केस ध्यान रखना कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीन लाख का कॉम्पनसेशन एसिड अटैक विक्टिम्स को दिया जाएगा ये कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहां पर दिया गया है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है 339, 340, 341 या 342। थ्री फोर्टी कौन से थ्री में डिफाइन किया गया है बिल्कुल सही सेक्शन नंबर थ्री थर्टी नाइन रॉन्गफुल रजिस्ट्रेन का मतलब क्या है तुम इस सड़क पे चलते जा रहे हो मैंने बोला नहीं भाई यहां से नहीं जाना है तुम यहां से जाओ तुम यहां से जाओ तुम वापस पीछे घूम के जाओ ठीक है यहां पे मैंने क्या किया पूरी तरीके से आपकी लिबर्टी नहीं रोकी है सिर्फ एक रस्ते पे, एक पर्टिकुलर पाथ पे आपको जाने से रोका है जहां पे आपके जाने का राइट भी है तो दैट तो इज वॉट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करने से रोकना दैट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट अंडर सेक्शन थ्री थ्री नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है जेड को बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कुत्ता छोड़ दूंगा अगर तुम इस रस्ते पे से निकले तो ठीक है जेड के साथ यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया है ए जेड को बोलता है कि मैं आपके ऊपर डॉग छोड़ दूंगा अगर आपने इस पर्टिकुलर रस्ते पे प्रोसीड किया तो ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉन्गफुल रिस्ट्रीन अगेन सामने वाला इस रस्ते पे चलता हुआ जा रहा है आपने उसको बोला इस रस्ते पे और आगे बढ़े तो मैं आपके ऊपर एक डॉग छोड़ दूंगा तो यहां से वापस पीछे चले जाओ तो अगेन उसको पूरी तरीके से रोका नहीं गया है सिर्फ एक पर्टिकुलर रस्ते पे जाने से रोका गया है अलोंग अ पाथ तो रॉन्गफुल रॉन्गफुल इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है कार से डेली से आगरा जा रहा था उसको रस्ते में बी मिला बी ने बोला मुझे रस्ते में मथुरा पे उतार देना ठीक है ए ने उसको गाड़ी में बिठा लिया लेकिन जब मथुरा आया तो ए ने बी को गाड़ी से उतरने ही नहीं दिया गाड़ी में उसको बंद करके बिठा लिया ठीक है तो बी जो है वो ही नहीं पाया आगरा पे तो यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है बिल्कुल सही ना 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 हा एबडक्शन नहीं है ये ठीक है एबडक्शन बेसिकली क्या होता है एबडक्शन इज फोर्स करके जबरदस्ती आपको अगर मैं कहीं लेके चली जाऊं ठीक है तो एबडक्शन तो नहीं माना जाएगा ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा ये रीजन बींग देखो आपको किसी भी तरीके से अगर आपको पूरी तरीके से आपकी लिबर्टी कहीं पे भी बंद की जाए वो कार के अंदर में बंद की जाए वो ट्रक के अंदर में बंद की जाए वो किसी वॉशरूम में बंद की जाए वो किसी कमरे में बंद की जाए सब कुछ आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माना जाएगा बेसिकली आपने मुझे कहीं पे फंसा के रखा हुआ है जहां से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूं ठीक है मतलब मेरे आसपास एक बैरियर है कि मैं इस एरिया से बाहर प्रोसीड नहीं कर पा रही हूं तो कार भी क्या है कि भाई मुझे कहीं पे उतरना था अब आपने मुझे वहां पे उतरने नहीं दिया तो कार की उस दिवारी के अंदर में फंसी हुई हूं यहां पे यानी कि मेरी चारों तरफ से लिबर्टी क्या हो चुकी है बंद हो चुकी है तो दैट इज वॉट रॉन्गफुल कंफाइनमेंट यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है पुलिस ऑफिसर है और एक पर्सन को वो डिटेन करके अरेस्ट करके रखता रक, है इवन दो उस पर्सन को रिलीज करने के बेल ऑर्डर्स आ चुके हैं पुलिस ऑफिसर कौन से ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा यस yes, बिल्कुल सही सो दिस इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आईपीसी में एक प्रोविजन आपको दिया गया है कि रॉन्गफुली कन्फाइन करना किसी पर्सन को जिसकी लिबरेशन की रिट इश्यू कर दी गई है लिब्रेशन की रिट यानी कि लेट्स से हेबियस कॉर्पस हो गया बेल ऑर्डर आपका हो गया दैट सब ये सब कुछ ठीक है तो किसी पर्सन को अगर रिहा कर दिया गया है या फिर उसके बेल ऑर्डर्स आपके आ चुके हैं उसके बाद भी अगर आप उस पर्सन को बंद करके रखते हो तो दैट इज वॉट दैट इज अगेन रॉन्गफुल कंफाइनमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है किसी पर्सन किसी महिला का घूंगट यानी कि व्हील जो है बिना उसके कंसेंट के पुल कर देता है ठीक है जानते हुए कि उससे वो महिला डर सकती है एनॉय हो सकती है इंज्योर हो सकती है ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है मोलेस्टेशन फोर्स क्रिमिनल फोर्स या फिर असोल्ट रजनी जी मोलेस्टेशन करके कोई ऑफेंस दिया ही नहीं गया है आईपीसी में क्वेश्चन पूछ रहा है गिल्टी ऑफ़ व्हाट कौन सा ऑफेंस है आईपीसी में बताना जरा क्रिमिनल फोर्स ये किसका एग्जाम्पल है इलेस्ट्रेशन रट लो इलेट्रेशन दिमाग में बिठा लो रीजन भी सीधे, -सीधे में पूछ जाते हैं. टच में लेके आते हो चीज में आपने मूवमेंट चेंज किया है किसी का डायरेक्शन चेंज किया है जिससे उस पर्सन को किसी तरीके की इंजरी हुई है वो डरा है या वो एनॉय हुआ है ऑल दीज आर व्हाट ऑल दीज आर क्रिमिनल फोर्स ऑप्शन नंबर नेक्स्ट वन ए जो है वो बी के जेड साम, के सामने एक कुत्ते को खोलने की कोशिश करता है एक फिरोशी इस डॉग को खोलने की कोशिश करता है ताकि जेड को ऐसा लगे कि ये कुत्ता जो है वो इस बच्चा मेरे ऊपर अटैक कर देगा ए ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी यहां पे देखो करेक्ट आंसर क्यों है आपने यहां पे असोल्ट किया है असोल्ट क्यों है अभी एग्जैक्टली exactly आपने सामने वाले के ऊपर कोई चीज की नहीं है लेकिन उसको ऐसा लग रहा है उसको ऐसा डर लग रहा है उसको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप उसके ऊपर कुछ कर सकते हो आप उसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर सकते हो आपके जेस्टर से आपके कंडक्ट से ऐसा यहां पे लग रहा है ठीक है तो यहाँ पे आपने क्या किया है असोल्ट का जो ऑफेंस है वो कमिट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन असोल्ट किस तरीके से किया जा सकता है असोल्ट का जो ऑफेंस है वो किन किन तरीकों से यहां पे किया जा सकता है ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज कैसे होगा तो अगर कौन कौन बोल रहा है ऑल ऑफ दीज हिना हिना अगर मैं आपको इस तरीके से बोलूं ठीक है कि मैं आपको एक लकड़ी से आके जोर से मारूंगी आपको दिख रहा है मेरे पास कोई लकड़ी नहीं है मैडम के पास कोई डंडा नहीं है कोई लकड़ी नहीं है तो मैं कैसे आपको आके मारूंगी तो सिर्फ बोलने से कैसे असोल्ट हो जाएगा सिर्फ दो ही चीजों से आपका असोल्ट यहां पे होता है ठीक है मेयर वर्ड्स मेयर वर्ड्स एंड मेयर जशर ये ऑप्शन आपका गलत मार्क हो गया यहां पे ठीक है यहां पे रुको नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन इज आस्किंग असोल्ट कैन नॉट बी कॉज्ड बाय हाँ असोल्ट कैन नॉट बी कॉज्ड बाय मेयर वर्ड्स ठीक है असोल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है देखो जेस्टर से यहाँ पे असोल्ट हो सकता है जो इसके पहले हमने फेरोशियस डॉग वाला एग्जांपल पढ़ा वो कौन सा था जेस्टर वाला ही था अभी आपने कुत्ता छोड़ा नहीं है ठीक है अभी आपने कुत्ता छोड़ा नहीं है ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है सामने वाले पर्सन को डर लग गया है कि आप उसके ऊपर वो डॉग छोड़ सकते हो ठीक है प्रिपरेशन करना भी सामने वाले को असोल्ट के उसमें काउंट किया जा सकता है सिर्फ बोलना असोल्ट नहीं माना जा सकता मैं आपको बोलूं कि मैं आपको जोर से आके डंडे से मारूंगी आपको दिख रहा है मैडम के पास कोई डंडा ही नहीं है यहाँ पे तो इससे काहे का असोल्ट हुआ आपके दिमाग में थोड़ी ना कोई डर या कोई भय यहाँ पे आएगा सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग स्टॉकिंग आपका कहां पे दिया है सेक्शन नंबर 354 ए में दिया गया है इनमें से क्या स्टॉकिंग सॉरी 354 डी में दिया गया है इनमें से क्या स्टॉकिंग का ऑफेंस माना जाएगा इनमें से क्या स्टॉकिंग का ऑफेंस यहां पे माना जाएगा यस द करेक्ट आंसर इज विच वन ऑप्शन नंबर सी ठीक है देखो अगर कोई graduate, अगर कोई कोई पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट स्टूडेंट किसी फीमेल टीचर के पीछे चल रहा है ये तो वेक चीज है इसमें कोई भी स्टॉकिंग का ऑफेंस आपका नहीं हो रहा ठीक है कोई पुलिस ऑफिसर अगर किसी महिला के पीछे चल रहा है फॉर डिटेक्शन ऑफ क्राइम ये स्टॉकिंग का एक एक्सेप्शन माना गया है जैसे कि मैं हुना वाली पिक्चर ठीक है मेहूना वाली पिक्चर में शाहरुख खान पीछे 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 घूमता रहता है अमृता अरोरा के ठीक है बार बार उसको फॉलो करता रहता है रीजन बींग वो उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहा था तो वहां पर अमृता अरोरा शाहरुख खान के ऊपर स्टॉकिंग का केस नहीं लगा सकती है सिमिलरली अगर कोई पुलिस वाला किसी महिला का पीछा कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है ये स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा लेकिन अगर कोई मेल कॉलीग किसी फीमेल कॉलीग के ईमेल्स को मॉनिटर कर रहा है ठीक है उसकी ईमेल से देखने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या करती है कहां जाती है किससे मिलती है दैट विल अमाउंट टू स्टॉकिंग अंडर आपका ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी महिला से सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड या रिक्वेस्ट करना आईपीसी में कौन से सेक्शन में पनिशेबल माना जाएगा किसी भी महिला से सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करना आईपीसी के कौन सेक्शन में पनिशेबल माना जाएगा 354 ए 354 सी 354 बी या 354 डी Uh, युगश्री ने करेक्ट आंसर दिया है मुकुल ऑल्सो करेक्ट आंसर थ्री फिफ्टी फोर एक्सुअल हेरासमेंट के बारे में बात करता है तो सेक्शुअल हेरासमेंट का एक तरीका बेसिकली आपको क्या बताया गया है कि एक तो हो गया सामने वाले पर्सन को पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाना बिना उनकी मर्जी के या फिर उनसे सेक्शुअल फेवर्स की डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना ठीक है तो ऑल दिस इज पनिशेबल इन सेक्शन थ्री फिफ्टी फोर ए आईपीसी नेक्स्ट वन वोरिज्म कहां पर ऑफेंस माना गया है वोयरिज्म कौन से सेक्शन में आईपीसी की ऑफेंस माना गया है Voyeurism, कौन से सेक्शन में ऑफेंस माना गया है? यस ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेक्शन 354 फिफ्टी 354 सी क्या है वोयरिज्म क्या बोलता है किसी भी पर्सन की इमेजेस निकालना ठीक है या फिर उनको देखना या फिर उनका वीडियो बनाना किसी ऐसे समय पर किसी ऐसे टाइम पे जब उनको अपेक्षा नहीं है जब उनको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उनको कोई देख रहा होगा यानी उनके प्राइवेट एक्ट में अब वो प्राइवेट एक्ट कुछ भी हो सकता है नहाते हुए वॉशरूम यूज करते हुए सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए जहां पे उनके प्राइवेट पार्ट्स कवर्ड हैं कवर्ड नहीं है या फिर विजिबल है तो ऐसे में किसी भी पर्सन को देखना फोटोज निकालना वीडियोज वगैरह बनाना ये सब कुछ आपका वोरिज्म माना जाता है सेक्शन थ्री सी के अंदर में नेक्स्ट क्वेश्चन ए और बी अच्छे दोस्त हैं ए ने बी को शादी के लिए प्रपोज किया लेकिन उसने मना कर दिया ए को लगा कि बी का किसी से अफेयर चल रहा है ठीक है तो वो बी का यहाँ पे फोन वगैरह छानबीन करने लगा और उसके ईमेल अकाउंट्स को देखने लगा ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है आउटरीच द मॉडेस्टी वोरिज्म स्टॉकिंग या फिर नन ऑफ दी अबव एबसलूटली करेक्ट ये भी आपका स्टॉकिंग माना जाएगा किसी पर्सन के डिनाय करने के बाद भी यानी उनके डिस इंटरेस्ट शो करने के बाद भी अगर आप उनके वेयर अबाउट देखते चल रहे हो वो क्या कर रहे हैं कहां जा रहे हैं किससे मिल रहे हैं ये सब कुछ देख रहे हो ऑल दिस विल बी कंसिडर्ड एज स्टॉकिंग सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इनमें से क्या किडनेपिंग का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है किडनेपिंग बेसिकली आपका चालू होता है थ्री फिफ्टी नाइन थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी वन दो तरीके की किडनैपिंग आपको बताई गई है आईपीसी में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप इनमें से क्या किडनैपिंग का एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है नहीं है पूछा है विच इज नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट बिल्कुल सही ठीक है ऑप्शन नंबर बी किडनैपिंग में इंटेंशन नहीं देखा जाता है किडनैपिंग में इंटेंशन आपका नहीं देखा जाता है देखो माइनर चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि किडनैपिंग जो आपकी फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप दी गई है उसमें तो माइनर के बारे में ही बात की गई है लॉफुल गार्डियन के कंसेंट के बिना यह भी इंपॉर्टेंट होना जरूरी है लॉफुल गार्डियन से कहीं दूर लेके चले जाना यह भी होना जरूरी है ठीक है इंटेंशन से हमें आपके फर्क ही नहीं पड़ता आप सामने वाले को लेके गए बिना माँ बाप से पूछ के लेके गए माँ बाप आप से आपने दूर कर दिया वो आपका किडनैपिंग मान लिया जाएगा अब किडनैपिंग के बारे में दो तीन चीजें यहाँ पे सुनो तो थ्री फिफ्टी नाइन थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी वन

लड़की लड़के को बोलती है कि मैं सोलह साल की हूं मुझे घर पे बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है और इसलिए आप मुझे कहीं पे लेके चलो ठीक है हम जाके पहाड़ों में घर बनाएंगे लड़का लड़की को लेके चला जाता है अब ऐसे में क्या लड़की ने यहां पे कोई ऑफेंस कमिट किया है ऐसे में क्या लड़के ने यहां पे कोई ऑफेंस कमिट किया है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ये वाला जो केस है 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 ये ये वाला वाला जो केस 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 डील करता एस एस वरद राजन वाले केस से. ठीक है? एस वरद राजन राजन वाले से ठीक क्या बोलता है देखो इस वाले पर्टिकुलर वाले इस पर्टिकुलर वाले क्वेश्चन में यहां पे क्या हो रहा है लड़की आपके पास आ रही है लड़की पंद्रह साल की है तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन हो गया क्योंकि लड़कियों का पैरामीटर क्या दिया है अठारह साल दिया है लड़की अठारह साल से कम की है अब लड़की आपको बोल रही है आप मुझे ले चलो और आप लड़की को लेकर चले गए तो ये यह यहां पे किडनेपिंग आपका मान लिया जाएगा अनलेस अनलेस लड़की आपके पास खुद चल के आती है ठीक है लड़की अपने घर से भाग के आपके आप घर पे आके रहने लग गई ये बोल के कि मुझे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना मुझे यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे साथ रहना है ये किडनैपिंग नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने उसको टेक या एंटाइस नहीं किया है लेकिन यहाँ पे आप लड़की को टेक करके जा रहे हो यानी कि आप उसको लेके जा रहे हो तो आपने सेक्शन थ्री का इंग्रीडियंट यहाँ पे कंप्लीट किया है इसलिए आपको यहाँ पे माइनर की किडनेपिंग के लिए लाइबल माना जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है अगर किसी भी पर्सन को फोर्स यूज करके या डिसीडफुल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर किया जाता है तो यह कौन सा ऑफेंस माना जाएगा एबडक्शन किडनैपिंग स्लेवरी या फिर फोर्स लेबर किसी एक पर्सन को दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर करना कौन सा ऑफेंस माना जाएगा बिल्कुल सही ठीक है इंग्रेडिएंट यहां पे पकड़ो इंग्रेडिएंट क्या दिया हुआ है फोर्स वर्ड यूज किया गया है और डिसीटफुल वर्ड यूज किया गया है किडनैपिंग में वर्ड्स क्या यूज किए गए हैं किडनैपिंग में लिखा है टेकिंग और एंटाइसिंग ठीक है अगर टेकिंग या एंटाइसिंग वर्ड लिखा है तो किडनैपिंग करेक्ट आंसर होता बट यहां पर फोर्स वर्ड यूज किया गया है यानी कि एबडक्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन थ्री का एक्सेप्शन टू बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर नॉन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अपनी खुद की वाइफ के साथ तो वो रेप नहीं माना जाएगा लेकिन वाइफ की एज वहाँ पे क्या होनी चाहिए वहाँ पे वाइफ की क्या होनी चाहिए यानी कि एक तरीके से मैरिटल रेप के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि मैरिटल रेप मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा अगर आपकी वाइफ की एज वहां पर क्या है कितने साल की है yes. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यानी कि 18 साल की है तो पहले ये क्या हुआ करता था पहले ये जो एज है आपकी वो क्या दी गई थी 15 साल की दी गई थी लेकिन बाद में आपका एक फेमस केस आया ज दॉट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट थॉट वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया का केस केस आया इस केस में पंद्रह साल को रिमूव करके क्या कर दिया गया था अठारह साल कर दिया गया था यानी अगर आपकी वाइफ है अठारह साल की ऊपर की है आप उसके साथ जबरदस्ती सेक्शुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो रेप नहीं माना जाएगा लेकिन अगर वाइफ आपकी अठारह साल से कम उम्र की है तो वो आपका रेप मान लिया जाएगा एज पर सेक्शन थ्री नेक्स्ट वन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट दो ने सेक्शन 376 में कुछ अमेंडमेंट किए थे जहां पे को सात साल से बढ़ा के कितना साल कर दिया गया था पनिशमेंट को बढ़ा के कितने साल का कर दिया गया है क्रिमिनल लॉ 2018 के अमेंडमेंट ने सेक्शन 376 की पनिशमेंट को सात साल से बढ़ा के कितने साल की कर दी है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी सात साल से बढ़ा के कितना कर दिया गया है दस साल की पनिशमेंट आपकी कर दी गई है थ्री सेवेंटी सिक्स यानी कि रेप की पनिशमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द विक्टिम किसी भी ऑफेंस का जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी यहां पे रिलीज नहीं की जाएगी ये कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कौन से लैंडमार्क केस में यह चीज हेल्ड की गई थी कि सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी एस रामाकृष्णा बलवंत राय गुलजारी लाल या फिर रामापति वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस रामाकृष्णा वर्सेस स्टेट का जो केस है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेक्सुअल ऑफेंस के जो विक्टिम है उनकी आइडेंटिटी रिलीज नहीं की जाएगी नेक्स्ट वन अगर कोई आदमी इफ अ मैन इज हैविंग सेक्स वुमेन इवन विथ हर कंसेंट तो वो आदमी रेप कमिट कर रहा है इफ द एज ऑफ दैट वुमेन इज लेस देन यानी लड़कियों का कंसेंट अगर कोई लड़की कंसेंट देती भी है फॉर हैविंग सेक्सुअल रिलेशन तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा और वहां पे सेक्शन 375 के अंदर में हम उसे रेप कंसिडर करेंगे ये एज क्या दी हुई है यहां पे 375 में बिल्कुल सही ठीक है तो सेक्शन 375 आपको यही बोलता है कि भाई 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की है लेट्स से 17 साल की कोई लड़की है उसने तो आपको कंसेंट दे दिया कि हाँ ठीक है आई एम रेडी टू डेवलप सेक्सुअल रिलेशन विध यू आपने रिलेशन डेवलप कर भी लिए लेकिन उस लड़की के माँ बाप आपके ऊपर थ्री का केस लगा सकते हैं रेप का रीजन बींग अठारह साल से कम उम्र का पर्सन एक वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन गैंग रेप के लिए इनमें से कौन सी चीज होना जरूरी है 376 डी में आपको गैंग रेप का प्रोविजन दिया गया है गैंग रेप का ऑफेंस होने के लिए कौन सा आ, कौन सा एसेंशियल इंग्रेडिएंट यहां पे होना जरूरी है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मोर देन टू या पांच ऐसा कुछ नहीं लिखा है देखो गैंग है यानी कि एक सिंगल पर्सन नहीं कर रहा है ठीक है तो दो लोग भी होंगे या दो लोग से ज्यादा भी होंगे तो वो आपका गैंगरेप मान लिया जाएगा ठीक है तो बस इतना जरूरी है कि एक से ज्यादा पर्सन वहां पर मौजूद हो एक से ज्यादा पर्सन ने अगर वो किया है तो वो आपका गैंगरेप का ऑफेंस मान लिया जाएगा जरूरी नहीं है दो हो या पांच हो या आपके दस ही हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा केस सेक्शन थ्री सेवेंटी सेवन ऑफेंस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से डील करता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पीटर मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नवतेज सिंह जौहर जसमीत कौर वर्सेस नफतेज सिंह यस ठीक है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान क्या है बेसिकली आपका 377 क्या किया गया था पार्शियली स्ट्रक डाउन किया गया था पार्शियली स्ट्रक डाउन का मतलब क्या है कि अठारह साल से ऊपर के दो लोग ठीक है सेम सेक्स के लोग अगर अपनी मर्जी से अपने कंसेंट से रिलेशंस बनाएंगे तो उसे इज नहीं किया जाएगा यानी 377 में वो आपका पनिशेबल नहीं होगा ये बात आपकी बोली गई थी पार्शली स्ट्रक डाउन का मतलब और क्या है सेक्शन 377 के अंदर में okay? 17, का कौन से ऑफेंसिस से डील करता है चैप्टर 17 आईपीसी का कौन से ऑफेंसेज से डील करता है प्रॉपर्टी ह्यूमन बॉडी विमेन या फिर नन ऑफ द चैप्टर सेवेंटीन आईपीसी का कौन से ऑफेंसेस से डील करता है प्रॉपर्टी ह्यूमन बॉडी वन या फिर नन ऑफ यस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस आपके चैप्टर नंबर सेवनटीन से स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थेफ्ट की डेफिनेशन कहां पे दी गई है चलो ये तो बहुत ही अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन इट क्विकली थेफ्ट की डेफिनेशन कहां पे दी गई है कौन सा सेक्शन थेफ्ट को डिफाइन करता है 379, 380, 381 या थे यस मुकुल करेक्ट आंसर ठीक है स्वाति करेक्ट आंसर सेक्शन नंबर 378 ठीक है तो थेफ्ट uh, के एसेंशियल्स क्या है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप मूव करते हो किस इंटेंशन से डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ठीक है आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द पर्सन आउट ऑफ दोजेशन ऑफ दी पर्सन तो अगर ये सारे इंग्रीडियंट अगर आपके मीट हो रहे हैं तो वो क्या मान लिया जाएगा सेक्शन थ्री सेवेंटी एट में आपका थे प्रॉपर्टी का किया जा सकता है आप ही का तो नाम बोलो तारा रारा आप ही का तो नाम स्वाति है स्वाति नहीं है साक्षी है आई द नेम सब्जेक्ट मैटर क्या है थेफ्ट का मूवेबल इमूवेबल ए बी या फिर ए एन बी यस yes, थेफ्ट जो है किसका किया जा सकता है सिर्फ एक मूवेबल प्रॉपर्टी का ही किया जा सकता है तो मैंने आपको पहले सृष्टि सॉरी तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पेड़ है ठीक है अब ये पेड़ अगर जमीन से लगा हुआ है तो अभी मैं इसका थेफ्ट नहीं कर सकती क्यों रीजन ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और थेफ्ट किसका हो सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी का ही हो सकता है बट द मोमेंट इस पेड़ को मैंने काटा और ये जमीन से अलग हो गया यानी अब ये जमीन से अगर अटैच नहीं है अब ये हो चुका है मूवेबल प्रॉपर्टी ठीक है तो अब इसका क्या किया जा सकता है थेफ्ट किया जा सकता है तो अब ये सेक्शन 378 में सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से क्या थेफ्ट के ऑफेंस का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इनमें से क्या थेफ्ट के ऑफेंस का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इनमें से कौन सी चीज यानी कि होना जरूरी नहीं है थेफ्ट के ऑफेंस के लिए की, अलिशा, क्या बोल रहा है? से क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए जब तक मूव नहीं करोगे तब तक सामने वाले की पोजेशन में से कैसे बाहर लेके जाओगे और जब तक पोजेशन में से बाहर नहीं मूव किया जाएगा तब तक कैसे होगा तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है ठीक है मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी होना जरूरी है और प्रॉपर्टी को आपने सामने वाले पर्सन की पोजेशन से मूव किया यानी कि प्रॉपर्टी का मूवमेंट होना जरूरी है तो ये आपका थेफ्ट माना जाएगा सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से क्या कौन सा एक्ट थेफ्ट माना जाएगा अब चार इलेट्रेशन यहाँ पे आपको दिए गए हैं यू हैव टू टेल इनमें से कौन सा इलेस्ट्रेशन थेफ्ट का माना जाएगा

आपको सड़क पे कोई चीज पड़ी हुई मिली आपने उसको उठा लिया ये नहीं माना जाएगा अभी क्योंकि आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहां पे नहीं आया है सी में क्या लिखा है कि आपने ई e से नेकलेस खरीद परचेज किया और आपको पता चला कि ई e ने वो डी से चुराया था अगेन यहां पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन आपका मिसिंग है डी पॉइंट क्या बोल रहा है कि सी जो है सी को नेकलेस डी देता है लेकिन सी जो है उस नेकलेस को घुमा देता है अगेन यहां पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन आपका मिसिंग है डिसऑनेस्ट इंटेंशन सिर्फ एक जगह दिख रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए तो ये आपका थेफ्ट का ऑफेंस माना जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है उसको रस्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है जिसमें खजाना भरा हुआ है ए उस बैलगाड़ी को चलाना शुरू कर देता है एक दूसरे डायरेक्शन में ताकि वो वो खजाना यहाँ पे चुरा ले ए ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है ए ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है बिल्कुल सही ठीक है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर तो सेक्शन 378 का ही एलस्ट्रेशन है, है 378 सेवनटी एट जहां पर आपको थेफ्ट दिया गया है थेफ्ट का थे एलस्ट्रेशन है ठीक है थीके? कि सामने वाली किसी कहीं पे अगर आपको कोई चीज कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई मिली है है ना उस प्रॉपर्टी को आपने अपने पास रखा और आप उसको कहीं और देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है ना डिसऑनेस्टली ठीक है आपको कोई चीज कहीं पे पड़ी हुई मिली वो चीज उठा के आप अपने साथ उसको लेके जाने लग गए ठीक है तो ये क्या हो गया आपका थेफ्ट का ऑफेंस पे हो गया सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन ए जो है वो बी की पॉकेट मारने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो बी की पॉकेट में हाथ डालता है उसको बी की पॉकेट में कुछ भी नहीं मिलता है तो ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस आपका कमिट किया है ए ने बी की पॉकेट में हाथ डाला चोरी करने के इंटेंशन से लेकिन पॉकेट में से कुछ निकला ही नहीं पॉकेट खाली थी तो यहां पर कौन सा आप, आ, कर, करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी देखो नो ऑफेंस तो नहीं है क्योंकि आपने चोरी करने की कोशिश तो की है यानी इंटेंशन हो गया प्रिपरेशन हो गया अटेम्प्ट भी आपने किया ठीक है थेफ्ट हम बोल नहीं सकते क्योंकि चोरी हो नहीं पाई क्योंकि आप फोर्थ स्टेज पे क्राइम की पहुंच ही नहीं पाए अकम्पलिशमेंट यहां पे आपका हो ही नहीं पाया कौन सी स्टेज पे अटक गए आप तीसरी स्टेज पे आप अटक गए ठीक है आपने चोरी करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट यहाँ पे माना जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है वो अपने पड़ोसी के दो पेड़ों को काट देता है बिना उनकी परमिशन के और पड़ोसी की नॉलेज के बिना दोनों पेड़ों को लेके चला जाता है कौन सा ऑफेंस ही माना जाएगा ए अपने पड़ोसी के दो पेड़ों को काटता है बिना उनकी परमिशन बिना उनकी नॉलेज के उन पेड़ों को लेके चला जाता है कौन सा ऑफेंस ही माना जाएगा यस yes, मुकुल सृष्टि करेक्ट आंसर थेफ्ट का ऑफेंस माना जाएगा सेम जो पेड़ वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया पेड़ लगे हुए थे पेड़ आपने काटा पेड़ उठा के आप लेके चले गए डिसऑनेस्ट इंटेंशन मूवेबल प्रॉपर्टी मूविंग आउट ऑफ दोजेशन ऑफ समबडी किसी और पर्सन की पोजेशन में से आपने उसको मूव किया है ठीक है तो यहां पे क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि थेफ्ट का ऑफेंस हो गया नेक्स्ट वन ए जो है वो बी के प्रॉपर्टी पे चोरी करने के लिए जाता है लेकिन चोरी करते वक्त उसने अपने पास एक पिस्टल भी रखी हुई है कि अगर इन केस बी ने ज्यादा छीना झपटी की तो वो उस गोली से आ, उस पिस्टल से क्या करेगा बी की डेथ भी कॉज कर देगा ए ने यहां पे कौन से सेक्शन के अंदर में ऑफेंस कमिट किया है ए ने यहां पे कौन से सेक्शन के अंदर में ऑफेंस कमिट किया है सृष्टि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेक्शन नंबर थ्री ठीक है आप थेफ्ट कर रहे हो लेकिन थेफ्ट करते टाइम आपको ये डर भी है आपको ऐसा लग भी रहा है कि आपको जो है किसी पर्सन को ग्रीवियसली हर्ट करना पड़ सकता है या किसी पर्सन को ड... किसी पर्सन की डेथ कॉज करनी पड़ सकती है ये सोचते हुए अगर आप चोरी कर रहे हो तो यहां पे आपने ऑप्शन ए किया है अभी देखो उसने क्योंकि अभी उसने गोली निकाली नहीं है अभी उसने पिस्टल दिखा के सामने वाले को डराया नहीं है लेकिन पिस्टल उसने अपनी पोजेशन में रखी हुई है कि अगर मुझे निकाल के इसको मारना पड़ गया या इसको इंज्योर करना पड़ गया तो मैं सेफ साइड के लिए अपने पास रखता हूं ये अपने आप में एक ऑफेंस है कहां पे सेक्शन नंबर 382 में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कौन सी प्रॉपर्टी की अगेंस्ट नहीं हो सकता है एक्सटॉशन का ऑफेंस इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी की अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या नन ऑफ दी अबव बिल्कुल सही ठीक है नन ऑफ दी दब तो एक्सट्रशन का जो ऑफेंस है वो इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकता है क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्सट्रॉशन का ऑफेंस किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है इमूवेबल पे भी हो सकता है वैल्यूएबल पे भी हो सकता है सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यानी कि नन ठीक है चलो नेक्स्ट वन के जो है एम को कॉल करके डराता है धमकाता है कि आप मुझे बीस हजार रुपए दीजिए नहीं तो मैं आपके अगेंस्ट डिफेमेशन एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दूंगा के ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है के जो है एम को कॉल करके बोलता है कि मैं आपके अगेंस्ट गलत चीजें छाप दूंगा अगर आपने मुझे बीस नहीं दिए तो के ने यहां पे कौन सा ऑफेंस किया है बिल्कुल सही एक्सट्रोशन का ऑफेंस किया है यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिनको नहीं पता है लेट मी टेल यू ठीक है नहीं नहीं क्रिमिनल है ये Theft और एक्सट्रोशन में आपका डिफरेंस क्या है ये आपका घर है ठीक है मैं आपके घर में अंदर घुस के आई आप बैठे हुए थे मैंने आपको बोला चुपचाप बैठे रहना अपनी जगह पे मेरे को चोरी करके यहाँ पे जो है चोरी करके मुझे यहां पे निकलने दो ये यह पे मैंने क्या किया है थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया है थेफ्ट में बेसिकली क्या होता है आप आते हो चोरी करके वहां पे निकल जाते हो ठीक है एक्सट्रॉशन में मैं आपके सामने खड़ी हूं और मैंने आपको बोला मैं आई एम पॉइंटिंग अ गन टू योर हेड और मैंने आपको बोला कि भाई आपके पास जितने पैसे हैं जो भी ज्वेलरी है वो तुरंत यहां पे मेरे हवाले कर दो तो थेफ्ट में बेसिकली आप आए और खुद लेके चीजों को जाते हो एक्सट्रॉशन में सामने वाला खुद से आपको देने के लिए आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है आप सामने वाले को फोन करके बोल रहे हो मेरे को बीस हजार रुपए देने के लिए आओ नहीं तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट यहां पे क्या कर रहा हूं डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर रहा हूं तो ये क्या हो गया ये आपका एक्सटॉर्शन हो गया ठीक है चलो नेक्स्ट वन अच्छा एक और चीज लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग यहीं पे यहीं पे अगर के एम के सामने खड़े होके उसको बोले अगर मैं आपके मुंह पे आपके सामने खड़े होकर आपको बोलूं कि तुरंत मुझे अभी बीस हजार रुपए दो नहीं तो मैं एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट अभी पब्लिश करने के लिए जा रही हूं ठीक है यहां पे अब क्या हुआ फियर जो है एकदम सडन है एकदम आपके एकदम आपके मुंह पे खड़ा हुआ है डर कि अभी तुरंत अगर आपने बीस हजार रुपए यहां पे नहीं दिए ठीक है तो आपके अगेंस्ट डिफेमेटरी स्टेटमेंट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पे फियर क्या है इंस्टेंट है तो अगर ऐसा होता तो ये क्या बन जाता रॉबरी बन जाता ठीक है तब ऑप्शन डी करेक्ट यहां पे आंसर हो जाता ठीक है फिर ऑप्शन सी आपका नहीं होता फिर डी हो जाता लेकिन यहां पे क्योंकि वो टेलीफोन करके बोल रहा है तो अभी आपको इंस्टेंट डर नहीं है अभी आपके पास समय है यू कैन कूल डाउन तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है वो बी को नेशनल हाईवे पे मिलता है उसको एक पिस्टल दिखाता है और बी से उसका पर्स मांगता है ठीक है बी ने यहाँ पे अपना नाउ नोबडी शुड गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि रॉबरी क्या है थेफ्ट क्या है और एक्सट्रॉशन क्या है नाउ यू शुड नॉट गेट दिस क्वेश्चन ग्रेट सो आशीष देवा सृष्टि अलीशा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये रॉबरी माना जाएगा रॉबरी क्यों है यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है यहां पे हो रहा है एक्सटोर्शन एक्सटोर्शन क्यों हो रहा है क्योंकि मैंने आपको गन दिखाई हुई है मैंने आपको पिस्टल दिखाई हुई है और मैं आपका पर्स यहां पे मांग रही हूं लेकिन जो डर है जो फियर है वो क्या है इंस्टेंट है अभी क्योंकि तुमने पर्स नहीं दिया तो मिनटों में आपकी जान यहां पे चली जाएगी विद इन सेकेंड बी डेड बी गॉन तो इंस्टेंट फियर है इंस्टेंट डर है यहां पे, तो यहां पे एक्सट्रॉशन क्या बन जाएगा एक्सट्रॉशन यहां पे रॉबरी एक्सट्रॉशन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स जो है वो एक ज्वेलरी शॉप से कुछ ज्वेलरी आपकी चुरा ले के लेके आता है ठीक है और वहां पे ज्वेलरी चोरी करते टाइम उसने ज्वेलरी के ओनर को फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट यहां पे दिखाया है तो एक्स ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है आप एक ज्वेलरी स्टोर में गए आपने चोरी करने की कोशिश की और चोरी करते करते आपने सामने वाले को इंस्टेंट हर्ट का डर भी दिखाया आपने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यानी कि यहाँ पे रॉबरी की गई है ठीक है तो यहाँ पे लेकिन क्या किया गया है यहाँ पे रॉबरी बाय थेफ्ट किया जा रहा है इट इज रॉबरी बाय थेफ्ट आप आए हो आप खुद यहाँ पे चीजों को लेके जा रहे हो ठीक है लेकिन मैंने आपको बोला है कि मैं चीजों को लेके जा रही हूं मैं चोरी करके जा रही हूं चुपचाप अपनी जगह पे बैठे रहना अदरवाइज आई किल यू तो मैंने आपको फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट यहां पे दिखाया है लेकिन आप यहां पे मुझे चीजें हैंड ओवर नहीं कर रहे हो मैं खुद आके चोरी करके लेके जा रही हूं तो दिस इज थेफ्ट रॉबरी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम नंबर ऑफ ऑफेंडर्स रॉबरी के लिए मिनिमम आईपीसी में कितने लोग चाहिए होते हैं आईपीसी में मिनिमम कितने लोग आपको चाहिए होते हैं ऑफेंस करने के लिए एक दो पांच या तीन यस इंस्टेंट फियर इज एन इंपॉर्टेंट की इंस्टेंट फियर है तो रॉबरी बन जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रॉबरी करने के लिए एक ही पर्सन चाहिए एक पर्सन भी अकेला क्या कर सकता है रॉबरी कर सकता है ठीक है तो रॉबरी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है थेफ्ट एक अकेला पर्सन कर सकता है एक्सट्रॉशन एक अकेला पर्सन कर सकता है रॉबरी भी एक अकेला पर्सन कर सकता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन एक्स और उसके चार साथी मिलके चोरी करने के लिए जाते हैं वाई के घर पे और वाई को हर्ट करके वापस आते हैं ठीक है यहां पे उन्होंने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है यहां पे उन्होंने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है एक्स और उसके चार साथी वाई के घर पे चोरी करने के लिए गए और वाई को हर्ट करके वापस आ गए यहां पे उन्होंने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है बिल्कुल सही क्वेश्चन में क्या लिखा है एक्स और उसके चार साथी यानी कितने लोग हो गए पांच लोग गए और जैसे पांच लोग आपके मिलते हैं क्या हो जाता है वो डेकॉइटी बन जाता है सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट वन मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट कमिटी यानी कि डेकॉइटी का जो ऑफेंस है वो करने का आपने इंटेंशन बनाया और आपने पूरी प्लानिंग की पूरी तैयारी की यानी कि आपने प्रिपरेशन किया ठीक है अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किया है अभी आप तीसरी स्टेज पे नहीं पहुंचे हो अभी आप दूसरी स्टेज पे ही हो कौन से सेक्शन में पनिशेबल माना जाएगा ये थ्री नाइनटी थ्री थ्री नाइनटी फाइव थ्री नाइनटी एट या थ्री नाइनटी नाइन थ्री नाइन तो सृष्टि नीतू करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर थ्री नाइनटी थ्री अलग से आपका इस प्रोविजन इस प्रोविजन के बारे में बात करता है कि अगर आपने प्रिपरेशन की है टू कमिट डेकोइटी दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन नंबर थ्री नाइन नेक्स्ट वन ए और बी एक हाथी के जॉइंट ओनर्स है यहाँ पे ठीक है, जॉइंट ओनर्स है ए और बी हाथी के यहां पे ए उस हाथी को बी की पोजेशन में से लेके जाता है यूज करने के लिए बाद में उस हाथी को बेच देता है और पूरा पैसा खुद रख लेता है ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है चीटिंग थेफ्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन सृष्टि थेफ्ट कैसे होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कैसे होगा चीटिंग तो हो नहीं सकता ठीक है थेफ्ट कैसे होगा वो आके चुरा के थोड़ी ना लेके गया है उसका खुद का भी तो हाथी है वो ही इज अ जो ए जो है ही इज अ जॉइंट ओनर ऑफ दैट एलिफेंट ठीक है आप अपनी खुद की चीज जिसे आप ओन करते हो आके लेके गए हो तो चोरी कहां से हुई चोरी तो दूसरे के सामान की की जाती है ना अपने सामान की आप यहाँ पे चोरी कहां थोड़ी ना कर रहे हो ठीक है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब आपका आता है जब सामने वाला कोई चीज आपको खुद से यहाँ पे सौंप के गया है अपनी कोई चीज आपको सौंप के गया है ए तो यहाँ पे खुद ओनर है ना हाथी का तो उसको बी यहाँ पे सौंप के थोड़ी ना गया है वो तो बी से खुद वो चीज लेके गया है तो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन किसी चीज को कोई चीज किसी पर्पस के लिए अगर है उसे बेच देना या किसी और काम में लेके आ जाना जिसके लिए वो नहीं बनी गई है और पूरा पैसा अपने पास रख लेना पड़े हुए मिलते हैं और उसको नहीं पता है कि ये पैसे किसके हैं ए ने पैसे उठाए ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट, कमिट किया है आपको सड़क पे कुछ पड़े हुए पैसे मिले और आपने पैसा उठा लिया कौन सा ऑफेंस कमिट किया है आशीष करेक्ट आंसर चंद्रमोहन करेक्ट आंसर यस देवा सृष्टि अतु नहीं अलीशा यस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव क्यों अभी यहां पे कोई ऑफेंस हुआ नहीं है आपको सड़क पे कोई चीज पड़ी हुई मिली है अभी आपने वो चीज सिर्फ उठाई है अगर ऐसा होता कि आपने वो चीज उठाई और उठा आप उस चीज को चल देते तो आपने वहां पे ऑफेंस कमिट किया है ठीक है है अभी आपने चीज वहां पे सिर्फ उठाई आप उठा के उसको देख रहे हो यहां पे अभी आपके पार्ट पे कोई भी गलत इंटेंशन कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं देखा जा रहा है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ दी अब आप किसी भी चीज के लिए यहां पे लाइबल नहीं हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जेड जो है वो उसकी डेथ हो जाती है और मरते टाइम उसके पास कुछ फर्नीचर और कुछ पैसे वगैरह थे ए जो उसका सर्वेंट है वो आता है और जेड की पोजेशन में ये जो पूरा फर्नीचर और पैसा था ये सब कुछ लेके चला जाता है ए ने पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है yes. मुकुल करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर डी सेक्शन नंबर 404 404 स्पेसिफिकली आपका किस बारे में बात करता है कोई पर्सन कोई डिसीज पर्सन यस विश्व शंकर अलीशा सोनम करेक्ट आंसर नीतू करेक्ट आंसर ठीक है कोई भी डिसीज पर्सन जिसकी डेथ हुई है उसके पजेशन में यानी मरते टाइम उसके पजेशन में जो जो चीजें थी जो जो वो अपने पास रखा हुआ था वो अगर आपने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया ठीक है तो यहां पे बेसिकली क्या होगा यहां पे बेसिकली आपने क्या किया है सेक्शन 404 के अंदर में ऑफेंस कमिट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किस चीज से डील करता है यानी किस तरीके की प्रॉपर्टी का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जा सकता है किस तरीके की प्रॉपर्टी का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जा सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी नन ऑफ दी अबव मुकुल देवा आशीष शिवम करेक्ट आंसर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो ये समझो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस क्या है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बेसिकली आपका किससे डील करता है बेलमेंट जैसा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट पढ़ा है आपने वही है आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मैं आई और आपको कोई चीज सौंप के गई हूं कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूं मेरे सामान की रक्षा करना मेरे सामान को यहां पे देखना ठीक है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसी चीज का भी हो सकता है मैं आपको अपने घर की चाबी के जा सकती करना, किया है आपने किसका इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैं आपको अपना कोई पेट एनिमल देके गई कि मैं कुछ दिनों के लिए घर के बाहर जा रही हूँ इस एनिमल की देखभाल करना इसको खाना पीना देते रहना ठीक है आपने वो कुत्ता उठा के बिल्ली उठा के बेच दिया मूवेबल प्रॉपर्टी जिसका आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किस चीज को सिग्निफाई करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इनमें से कौन सी चीज होती है इंट्रस्टमेंट, डिमांड रिफ्यूजल या फिर ऑल ऑफ सिंपल सा क्वेश्चन है वाला नहीं 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 ऑल ऑफ दी अब थोड़ी ना होता है ऑल ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में एंट्रस्टमेंट किया जाता है भाई criminal breach of trust, entrustment, उसी से समझ जाओ। आप अपनी property किसी person को दे के जाते हो, swap के जाते हो, हो किया जा रहा है, जहां पे उस पर्सन ने क्या किया है आपकी सौंपी हुई प्रॉपर्टी का मिसयूज किया है सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है यहां पे डिमांड नहीं होता डिमांड कहां पे होता है एक्सटोशन में डिमांड किया जाता है कि हाँ भाई जितने पैसे हैं आपके पास जो जो सोने की अंगूठी जो जो चेन वगैरह पहने हो सब कुछ मेरे को हैंड ओवर करो डिमांड किस में होता है एक्सटॉशन में होता है तो डिमांड और रिफ्यूजल नहीं होता है आपका ठीक है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंट्रस्टमेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा केस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से डील करता है सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात करता है कौन सा केस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से डील करता है

मिसअप्रोप्रिएशन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर ऑफेंस ऑफ चीटिंग कौन सा ऑफेंस यहां पर कमिट किया गया है बाई बी यस मुकुल करेक्ट आंसर अलीशा करेक्ट आंसर अगेन यहां पर क्या हो रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है महिला आपको अपनी प्रॉपर्टी दे रही है आपको कोई चीज सौंप के जा रही है भरोसा कर रही है आपके ऊपर कि आप उसको टिकट ला के दोगे आप वो टिकट का पैसा लेके ही भाग गए तो आपने यहाँ पे क्या किया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस किया है यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किसी पर्सन को यहाँ पे चांदी दिया गया कि भाई आपको क्या करना है ये चांदी से क्या कर दीजिए ऑर्नामेंट्स वगैरह बना दीजिए आपने उस चांदी में क्या मिला दिया तांबा मिला दिया कॉपर मिला दिया यहाँ पे कौन सा ऑफेंस आपने कमिट किया है फ्रॉड चीटिंग एक्सट्रॉशन या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ, uh, मुकुल इस चीज के ऊपर मैं एक सेशन ले चुकी हूँ आपको हमारे चैनल पे वो सेशन मिल जाएगा uh, चैनल पे आप सोच कर लीजिएगा आईपीसी के इंपॉर्टेंट केसेस उस पर मैंने सेशन बनाया हुआ है यस द करेक्ट अगेन अगेन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये फ्रॉड नहीं है ना ये चीटिंग है ठीक है ना ये एक्सट्रॉशन है अगेन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मैं भरोसा करके कोई चीज आपको देखे गई और मैंने आपको बोला कि भाई इस चीज में क्या करना इसके जेवरात बना दीजिए आपने उसमें कोई चीज मिला दी मिक्सिंग कर दी अगेन आपने मेरे भरोसे का यहां पे क्या किया है बात करता है कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी मानी जाती है बेसिकली सेक्शन 410 में आपको बताया गया है कि किन किन ऑफेंसेस से लाई गई प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी सेक्शन 410 में किस किस प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी कंसिडर किया गया है यस yes. ठीक है ऑप्शन नंबर डी ये सारी चीजें आपको सेक्शन 410 में देखने को मिल जाएंगी ठीक है अगर थेफ्ट हुआ है यानी चोरी करके एक्सट्रॉशन करके रॉबरी करके कोई प्रॉपर्टी लाई गई है क्रिमिनल मिस करके कोई प्रॉपर्टी लाई गई है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके कोई प्रॉपर्टी लाई गई है ये सब कुछ स्टोलन प्रॉपर्टी मानी जाएगी सेक्शन 510 के 410 के अंदर में one, में नेक्स्ट वन किसी एग्जामिनेशन बैठना कोई और पर्सन बनके और उनके एग्जाम पेपर पे साइन करना ये कौन सा ऑफेंस माना जाएगा आप ए पर्सन हो यानी मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो होता है ठीक है डॉक्टर रुस्तम जाके मुन्ना भाई बन के एग्जाम देके आते हैं पेपर में और मुन्ना भाई के नाम से एग्जाम सबमिट करके आ जाते हैं तो डॉक्टर रुस्तम ने वहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है बिल्कुल सही चीटिंग बाय परसोनेशन तो आपने किया ही है आप हो कोई और बन कोई और रहे हो दिखा कोई और रहे हो इसके साथ साथ आपने फोर्जरी भी की है क्यों क्योंकि आप पेपर पे साइन करके आए हो किसी और और पर्सन के नाम का यानी आप वहां पे क्या दिखाना चाह रहे हो क्या दर्शाना चाह रहे हो कि मुन्ना भाई आके ये पेपर यहाँ पे देके गया था तो कोई जाली डॉक्यूमेंट कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट आप यहां पे बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये क्या माना जाएगा चीटिंग बाय पर्सोनेशन एज वेल एज फॉर्जरी नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्चिफ के एसेंशियल्स क्या है मिस्चिफ का ऑफेंस जो कि 425 ट्वेंटी आईपीसी में दिया गया है मिस्चिफ के एसेंशियल्स क्या है क्या क्या चीजें मिस्चिफ में प्रेजेंट होनी चाहिए क्या क्या चीजें मिस्चिफ के ऑफेंस में प्रेजेंट होनी चाहिए यस ऑप्शन नंबर सी मुकुल सृष्टि अलीशा करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका इंटेंशन है किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना किसी की प्रॉपर्टी को क्या करना डैमेज करना बाय डिमिनिशिंग इट्स वैल्यू या फिर उस प्रॉपर्टी को वहां पे खराब कर देना ठीक है तो ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसके मिस के तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन ए और जेड ज्वाइंटली एक घोड़े को ओन करते हैं ठीक है लेकिन यहां पे जेड को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के लिए ए ने क्या किया उस घोड़े को मार डाला उसको शूट कर दिया तो आईपीसी के कौन से सेक्शन में ए ने यहां पे ऑफेंस कमिट किया है आप किसी के साथ मिलके उस घोड़े को ओन करते हो और आपने उसी घोड़े की जान ले ली ठीक है उसी को यहां पे मार दिया ताकि आपके दूसरे पार्टनर को यहां पे नुकसान हो जाए तो कौन सा ऑफेंस आपने यहां पे कमिट किया है 429 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नीतू अतुल सोनम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर सृष्टि सेक्शन 429 में आपने यहां पे क्या किया है ऑफेंस कमिट किया है नेक्स्ट वन बी जो है ए के घर में घुसता है बिना ए से पूछे उसको कॉन्ग्रेचुलेश करने के लिए ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है क्रिमिनल ट्रेस पास हाउस ट्रेस पास मिशिफ या फिर नन ऑफ दी अबव बी जो है एक ही घर में घुसता है उसकी परमिशन लिए बिना उसको कंग्रेचुलेशन करने के लिए आपने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है नन ऑफ दीज एपसूटली करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्रिमिनल ट्रेस पास नहीं है ठीक है क्रिमिनल ट्रेस पास कब होता है आप किसी के घर में घुसे ठीक है उनकी बिना परमिशन के लेकिन आपका इंटेंशन वहां पे क्या है उस पर्सन को परेशान करना उसको इंसल्ट करना या उसको डराना धमकाना या उसके साथ कोई चीज करना ठीक है यहाँ पे वो घर में घुस रहा है बिना परमिशन के, के लेकिन सामने वाले को बधाई देने के लिए। तो ये कोई भी ऑफेंस नहीं है इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है जेड के घर में एक खिड़की के थ्रू घुसने की कोशिश करता है कौन सा ऑफेंस माना जाएगा ये ट्रेस पास हाउस ट्रेस पास हाउस ब्रेकिंग या फिर ऑल ऑफ दब बिल्कुल सही ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हाउस ब्रेकिंग तो हाउस ब्रेकिंग करने के पांच छह तरीके आपको बताए गए हैं ठीक है किसी भी किसी भी पर्सन के घर में आपने एक उंगली भी घुसाई दीवार में छेद करके ठीक है आप दीवार टाप के जाने की आपने कोशिश की ठीक है छत टाप के जाने की आपने कोशिश की सुरंग बना के जाने की आपने कोशिश की घर में जो खिड़की दरवाजे बने हैं उनसे घुसने की कोशिश की ये सब अलग अलग तरीके हैं हाउस ब्रेकिंग के तो ये क्या माना जाएगा हाउस ब्रेकिंग होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्जरी का ऑफेंस किस डॉक्यूमेंट या किस रिस्पेक्ट में किया जाता है ऑफेंस किस चीज के रिस्पेक्ट में किया जाता है गवर्नमेंट करेंसी नोट्स गवर्नमेंट करेंसी नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स या आर्टिस्टिक वर्क किस चीज से किस चीज के रिस्पेक्ट में फोर्जरी किया जा सकता है अतुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक है डॉक्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में फोर्जरी की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रिस्पेक्ट में फोर्जरी की जा सकती है सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन आईपीसी का कौन सा प्रोविजन फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने के बारे में बात करता है अगर आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है तो कौन से सेक्शन में आप पनिशेबल माने जाएंगे 464, 465, 466 या 467? मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट कहाँ पे पनिशेबल है मुकुल सृष्टि अंजलि सोनाली यस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 464 में ही ऑफेंस आपको दिया गया है ठीक है कोई भी जाली डॉक्यूमेंट कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करना ठीक है जिसको या तो कोर्ट में यूज किया जा सके या कहीं पे भी किसी पर्पस के लिए यूज किया जा सके ठीक है किसी का क्ले, कोई क्लेम करने के लिए किसी का राइट वगैरह खत्म करने के लिए ऑल दैट इज पनिशेबल इन सेक्शन नंबर फोर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी वसीयत में मिस्टर वाई लिख के जाते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे तीनों बच्चों में बराबरी से बांटी जाएगी लेकिन ए वहां पे क्या करता है ए वहां पे एच का नाम मिटा देता है ठीक है और एच और एस का नाम मिटा देता है और पूरी प्रॉपर्टी पूरी जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास यहां पे रख लेता है ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है चीटिंग फोर्जरी मिसअप्रोप्रिएशन या फिर थे करेक्ट, ठीक है किसी किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना, जो में उनमें तरीके छेड़ so, चलो, की छेड़छाड़ करना बाइग्यान कौन कर सकता है ऑफेंस ऑफ बायगैमी अंडर सेक्शन फोर नाइनटी फोर बाइग्यामी आपको दी गई है कि भाई अपने हस्बैंड या वाइफ के एग्जिस्ट होते हुए रहते हुए उनके आ, रहते हुए अगर आपने किसी और पर्सन से यहां पे शादी कर ली तो वो माना जाएगा लेकिन की कौन-कौन कर सकता है? यस yes. तो देखो बाइग्यामी की कंप्लेन वाइफ तो कर ही सकती है जिस महिला के साथ हुआ है वो तो कर ही सकती है इसके साथ साथ उस वाइफ के भाई बहन माता पिता ये सब लोग कंप्लेन फाइल कर सकते हैं पति के अगेंस्ट ठीक है या किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जिसने बाइगामी का ऑफेंस यहां पे कमिट किया है सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस लैंडमार्क केस है ऑन ऑफ टॉपिक्स सरला यूनियन ऑफ इंडिया का केस कौन से टॉपिक से डील करने वाला लैंडमार्क केस है यस बिल्कुल सही बाइग्यामी से डील करता है ये ठीक है इस केस में बेसिकली हुआ क्या था सरला मुदगल जी के जो पति थे इनकी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी हुई थी सरला मुदगल जी के पति ने बेसिकली इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट किया ताकि दूसरी शादी वहां पे कर पाए ठीक है कोर्ट ने बोला अलाउ नहीं किया जाएगा रीजन बीइंग आपने तो इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया लेकिन आपकी बीवी तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ना हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से आपकी शादी अभी भी डिसॉल्व नहीं हुई है आपकी अभी भी एक हिंदू वाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो ये अभी भी आपका बाइग्यामी यहाँ पे माना जाएगा प्लस दूसरी शादी करने के पर्पज से या तीसरी या चौथी शादी करने के पर्पज से रिलीजियस कन्वर्जन अलाउ नहीं किए जा सकते तो मुदगल का केस जो है बाइगामी से डील करता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन फोर ए आईपीसी में कब एक्ट ऐड किया गया था क्रुएल्टी का प्रोविजन आईपीसी में कौन से साल में ऐड किया गया है बिल्कुल सही ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ट्वेंटी दिसंबर 1983 को आपका 498 ए नाइन के बारे में बात करता है ना फिजिकल या मेंटल किसी भी तरीके की क्रुअलिटी अगर आपने लड़की के साथ दिखाई है ठीक है हरासमेंट किया गया है उसके साथ पति के द्वारा पति के घर वालों के द्वारा दहेज के डिमांड दिमा, को लेकर किसी भी अनलॉफुल प्रॉपर्टी की डिमांड को लेकर वो सब कुछ आपका फोर ए में पनिशेबल है अब इनमें से कौन सा केस फोर नाइन मिस यूज के बारे में बात करता है इनमें से कौन सा केस 498 ए के मिसयूज़ को लेकर बात करता है यानी कि झूठे केसेस जो फाइल कर दिए जाते हैं आ, आपकी क्रुएल्टी के वो कहां पे दिया गया है कौन से केस में दिया गया है एब्सल्यूटली करेक्ट ऑप्शन नंबर बी प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस है जो रिसेंटली आपके आ, मिसयूज के केसेस देखे जाते हैं झूठे केसेस फाइल कर दिए जाते हैं तो ये आपका लैंडमार्क केस है प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 498 ए में क्रुएल्टी की बात की गई है कौन सी कौन सी टाइप की क्रुएल्टी 498 ए में दी गई है विच ऑल टाइप ऑफ क्रुएल्टी इज गिवन इन सेक्शन फोर ए यस ऑल ऑफ दी अबव यस ठीक है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तो देखो ऐसा कोई भी कंडक्ट ऐसा कोई भी कंडक्ट जिस पे आपने जिसकी वजह से आपने महिला को मजबूर किया है ठीक है उसको ड्राइव किया है कि वो सुसाइड कमिट कर ले ये भी आपका पेंडिंग है ऐसा कोई भी कंडक्ट जिसमें आपने महिला को इंज्योर करने की कोशिश की है या उसके लाइफ या हेल्थ को किसी भी तरीके का डेंजर दिखाने की कोशिश की है या फिर अगर आपने उसको हेरास किया है कोई भी अनलॉफुल डिमांड पूरी करवाने के लिए या फिर डाउरी लेके आने के लिए ये सब कुछ आपका क्रुएल्टी माना जाएगा सेक्शन फोर नाइनटी एट ए में नेक्स्ट क्वेश्चन डिफेमेशन किस किस का किया जा सकता है चलो गाइज लेट्स बकअप बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे नहीं बचे हैं बहुत कम से कम क्वेश्चन बचे हुए हैं वी हैव रीच सेक्शन फाइव हंड्रेड ठीक है ग्यारह सेक्शन और हमको देखने हैं बस डिफेमेशन किस किस का किया जा सकता है बिल्कुल सही ठीक है ऑप्शन नंबर डी तो सेक्शन 499 डिफेमेशन के बारे में बात करता है सेक्शन 500 पनिशमेंट के बारे में बात करता है ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन uh, कोई भी चीज़ बोली हुई बात लिखी हुई बात कोई भी झूठी चीज़ किसी पर्सन के बारे में बोली जाए जिससे उनकी रेप्यूटेशन को इंजुरी पहुंच सकती है इन दी आईज ऑफ अ थर्ड पर्सन तो वो क्या माना जाएगा डिफेमेशन माना जाएगा अब डिफेमेशन जिंदा लोगों का भी हो सकता है मरे हुए लोगों का भी हो सकता है ठीक है किसी इंडिविजुअल का हो सकता है किसी कंपनी का हो सकता है किसी एसोसिएशन का हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ लोगों का भी हो सकता है सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन डिफेमेशन इनमें से कौन सी चीज डिफेमेशन नहीं कंसिडर की जाएगी इनमें से कौन सी चीज डिफेमेशन नहीं कंसिडर की जाएगी किसी तरीके का इंप्यूटेशन का पब्लिकेशन किसी डिसीज पर्सन को इंप्यूट करना किसी कंपनी का इंप्यूटेशन या फिर ओपिनियन रिगार्डिंग पब्लिक कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इनमें से क्या डिफेमेशन नहीं माना जाएगा यानी कि बेसिकली इनमें से क्या एक डिफेंस है डिफेमेशन का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर देखो किसी भी पर्सन की इमेज या रेप्यूटेशन को लेके कोई भी पब्लिकेशन अगर आपने किया किसी डिसीज पर्सन के लिए किया या किसी कंपनी के रिस्पेक्ट में किया ये सब डेफिमेशन है ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन किसी पब्लिक सर्वेंट के बारे में कोई पुलिस वाला कैसे एक्ट करता है अगर आप बोलो कि कोई पुलिस वाला अच्छा पुलिस वाला नहीं है इसके पास जाओ तो ये कंप्लेंट नहीं लिखता है ठीक है पुलिस थाने में आता नहीं है पुलिस थाने के बजाय बाहर घूमता रहता है तो ये मेरा एक ओपिनियन है एक पब्लिक सर्वेंट के पब्लिक कंडक्ट को लेके तो यह डेफिनेशन नहीं माना जाएगा सेक्शन 499 के अंदर में नेक्स्ट क्वेश्चन अब लॉयर्स ने यहाँ पे एक एजिटेशन किया वकीलों ने यहाँ पे स्ट्राइक की ठीक है तो न्यूज में एक एडिटोरियल में लिखा गया कि भाई वकीलों को स्ट्राइक करना जो है वो शोभा नहीं देता है यहां पे वक, उस एडिटोरियल में क्या बोला गया कि वकील लोग क्या हैं डिस्प्यूट ब्रोकर हैं अब ये एडिटर के ऊपर कोई सजा यहां पे दी जा सकती है क्या यहां पे न्यूज़पेपर वालों को कोई सजा यहां पे दी जा सकती है यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन सबसे पहली बात तो कोई झूठी चीज उसने बोली नहीं है वकील लोग यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे ठीक है तो जो भी उसने यहाँ पे स्टेट किया है न्यूज़पेपर में वो सच स्टेट किया है दूसरा स्ट्राइक को लेके उन्होंने अपना ओपिनियन यहाँ पे दिया है कि भाई वकील लोगों को स्ट्राइक करना शोभा नहीं देता है ये सामने वाले पर्सन का एक ओपिनियन है तो यहां पे न्यूज़पेपर वाला इसलिए डेफेमेशन के लिए गिल्टी नहीं माना जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर डेफेमेशन क्या ऑफेंस आपके ऊपर लगाया जाता है तो इनमें से क्या डिफेमेशन का एक प्रॉपर डिफेंस माना जाएगा यानी किस बेसिस पे आप डिफेमेशन से यहां पे बच सकते हैं कोई ऐसा इंप्यूटेशन जो कि सच है पब्लिक गुड के लिए छापा गया है किसी पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट के, के बारे में बोथ ए एन बी या फिर डी यस yes. मुकुल अंजलि अतुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखो एक सबसे एक डिफेंस आपका क्या है डिफेमेशन का सेक्शन 499 में कोई भी ऐसी चीज का पब्लिकेशन जो कि सच है जो कि ट्रू है जिसे लोगों की भलाई के लिए पब्लिक गुड के लिए पब्लिश किया गया है वो सच माना जाएगा नंबर वन नंबर टू पब्लिक सर्वेंट अपना पब्लिक कंडक्ट कैसे डिस्चार्ज करता है ये भी चीज एक्सप्रेस करना ये भी आपका सही माना जाएगा डिफेमेशन क्या ये डिफेंस है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन ए जो है उसने बोला कि जेड एक ऑनेस्ट आदमी है उसने कभी भी बी की घड़ी नहीं चुराई है यह बोलने के पीछे उसका रीजन यह था कि लोग ये माने कि हां जेड ने बी की घड़ी चुराई है ए ने यहां पे क्या किया है ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है नो ऑफेंस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डेफेमेशन या फिर थेफ्ट बिल्कुल सही ठीक है ये डिफेमेशन आपका माना जाएगा ये एक तरीके का बेसिकली क्या है दिस इज बेसिकली इनुएडो इनुएडो यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से कोई चीज कम्युनिकेट करना आप सीधे नहीं बोल रहे हो कि इसने चोरी की है बट आप ऐसे बोल रहे हो कि हाँ ये बहुत ऑनेस्ट आदमी है इसने बी की घड़ी तो कभी भी नहीं चुराई दिस इज लाइक अ इनडायरेक्ट हिंट जो कि आप देने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ इसी ने घड़ी चुराई है तो ये आपका क्या माना जाएगा डिफेमेशन माना जाएगा नेक्स्ट वन इनमें से कौन से केस में सेक्शन 499 को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया था यानी डिफेमेशन वैलिड है एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे ये कौन से केस में बोला गया है बिल्कुल सही सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है ठीक है सुब्रमण्यम स्वामी जो बार बार जाके सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगाते रहते हैं तो सेक्शन 499 और 500 की सेक्शनिटी सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अपहेल्ड की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है बी को रोकने के लिए ताकि बी एक सिविल सूट फाइल ना करे बी को डराता है कि मैं आपका घर जला दूंगा अगर आपने केस फाइल किया तो ए ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है अबेटमेंट क्रिमिनल असोल्ट क्रिमिनल फोर्स या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन अगर कोई आपको बोले कि अगर आप सिविल सूट अगर आप केस फाइल करोगे तो मैं आपका घर यहां पे जला दूंगा ये कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया है यहां पे डी बिल्कुल सही किसी भी तरीके का इंजुरी का डर यहां पे दिखाना ठीक है किसी भी तरीके की इंजुरी का डर दिखा के यहां पे थ्रेटन करना ठीक है इज बेसिकली क्रिमिनल इंटिमिडेशन ठीक है सेक्शन नंबर पांच सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन डॉक्ट्रीन ऑफ लोकस पोइनी टेंटिया ज ए डॉक्टरी कौन से केस में डॉक्टरीन आपकी लाई जाती है दिस माइड बी अ क्वेश्चन जो आपने पहले नहीं सुना हो दिस पॉसिबिलिटी डॉक्टरी कब आती है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट ठीक है तो जो हम बेसिकली यहां पर बात कर रहे हैं सेक्शन पांच सौ ग्यारह के बारे में पांच सौ ग्यारह आपका क्या बोलता है ऐसे सारे ऑफेंसेस ऐसे सारे ऑफेंसेस आईपीसी के जिनकी अलग से सजा जिनकी अलग से अटेम्प्ट की सजा उनको ऑफेंसेस को कर, करने की सजा अगर अलग से आईपीसी में नहीं दी गई है तो वो सारे किस हिसाब से पनिशेबल माने जाएंगे सेक्शन 511 के हिसाब से पनिशेबल माने जाएंगे ठीक है तो ये जो डॉक्ट्रीन है आपका ये डील करता है सेक्शन 511 से ही यानी कि अटेम्प्ट के प्रोविजन से डील करता है नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी ऑफेंस करने की कोशिश करना यानी कि अटेम्प्ट करना जिसकी सजा इंप्रेजनमेंट फॉर लाइफ या अदर इनप्रेजनमेंट दी गई है यह कौन से सेक्शन का प्रोविजन है 511, 509, 510 सौ नौ या 507? या इट्स लाइक अ रेसिड्यूरी प्रोविजन आल्सो नोन एज द इनकोएट क्राइम्स ठीक है इनकोएट क्राइम्स का भी जो प्रोविजन है आपका वो 511 में दिया है यानी कि इनकम्प्लीट क्राइम्स जो कि कंप्लीट नहीं हो पाए पूरी तरीके से अकम्पलिश नहीं हो पाए तो इनकोट क्राइम्स हो गया रेसिड्यूरी uh, प्रोविजन हो गया ये पूरा आपका 511 में दिया है कि भाई जिन ऑफेंसेस की सजा पूरे आईपीसी में नहीं दी गई है अटेम्प्ट करने की उनको हम कहा देख लेंगे सेक्शन 511 में देख लेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपरेशन और अटेम्प्ट दो स्टेजेस है क्राइम करने के प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं माना जाता है लेकिन अटेम्प्ट पनिशेबल माना जाता है वॉट इज द रीजन कि प्रिपरेशन को हम पनिश नहीं करते हैं अतुल uh, कुमार पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करिए एंड पास्ट ईयर पेपर्स में जो सब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा पूछे गए हैं सबसे ज्यादा नंबर के लिए पूछे गए हैं उन पे ज्यादा फोकस करिए ठीक है यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि भाई हर सिचुएशन में हर ऑफेंस के लिए प्रिपरेशन करने की सजा नहीं दी जाती है रीजन बीइंग कि आपने मन बनाया आपके माइंड में इंटेंशन आया आपने प्रिपरेशन भी की लेकिन हो सकता है अटेम्प्ट करने के पहले आपका माइंड चेंज हो जाए है ना तो आपका चेंज ऑफ माइंड हो सकता है ऑफेंस करने के पहले इसलिए मैक्सिमम केसेस में प्रिपरेशन करने की सजा नहीं दी जाती है अटेम्प्ट की होती है या फिर अकम्पलिशमेंट करने की होती है सेक्शन पांच इनमें से कौन से केस में अप्लाई नहीं होता है सेक्शन 511 इनमें से कौन से केस में अप्लाई नहीं होता है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी ठीक है अटेम्प्ट ऑफ वेजरिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अपने आप में पनिशेबल है कहां पे सेक्शन नंबर 121 में ठीक है तो सेक्शन नंबर 121 जो है उसमें वेज वॉर करने की भी सजा दी है और अगर वेज वॉर करने की कोशिश की अटेम्प्ट किया तो उसकी भी सजा दी गई है ठीक है बाकी रायटिंग थेफ्ट राइटिंग इन सब की अटेम्प्ट की पनिशमेंट 511 में दी है क्योंकि इनकी अलग से सजा नहीं दी गई है अटेम्प्ट की ठीक है सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन एक्स जो है इसने एक लेक्चरार की पोस्ट के लिए डेली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया ठीक है और यहाँ पे कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फिक्स किए सबमिट किए लेकिन इनका इंटरव्यू हो पाता उसके पहले ही इनका इंटरव्यू यहां पे कैंसिल कर दिया गया तो एक्स ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस आपका कमिट किया है एक्स ने लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया अपनी डिग्री डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए लेकिन इंटरव्यू होने के पहले ही इनकी यहाँ पे डिग्री जो है वो बोल दिया गया कि भाई जाली है बोगस है आपकी डिग्री एप्लीकेशन तो यहाँ पे उनका इंटरव्यूज़ बेसिस पे कैंसिल कर दिया गया तो एक्स ने यहां पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है यहाँ पे आपको नौकरी दे दी गई आपको जॉब दे दी गई तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि भाई चीटिंग का प्रोविजन आपका कंप्लीट हो चुका है लेकिन लेकिन आपने जाली डॉक्यूमेंट सबमिट किए उन्होंने पहले ही पकड़ लिया कि आपने जारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट किए हैं तो आपने यहां पे क्या किया है अटेम्प्ट टू चीट का ऑफेंस जो है वो कमिट किया है नेक्स्ट वन ए जो है वो चोरी करने की कोशिश करता है एक बॉक्स को खोल के लेकिन जब वो बॉक्स खोलता है तो अंदर उसको सामान कुछ मिलता ही नहीं है तो यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है श्योर अलीशा ट्राई टू ब्रिंग इट फॉर अदर सेल्सो ए ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है भाई, सेम चीज चीज अटेम्प्ट ऑफ देखो एक चीज इन में ध्यान रखना आपने चोरी करने की कोशिश की लेकिन आपको चोरी करने के लिए कुछ सामान मिला नहीं इसका मतलब यह नहीं है कि कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा ऑफेंस तो है वहां पे ठीक है लेकिन ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको पूरे ऑफेंस की सजा नहीं मिलेगी लेकिन चोरी करने की आपने कोशिश तो की ना अटेम्प्ट तो किया वो तो आप फेल हो गए तो अटेम्प्ट करने की सजा आपको यहां पर दी जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा अटेम्प्ट ऑफ हो जाएगा ठीक है इनमें से क्या एक क्रिमिनल अटेंप्ट माना जाएगा इनमें से कहां पे आप बोलोगे कि एक क्रिमिनल अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है नेक्स्ट <laughs> डे हो गया हाँ, बस ज्यादा नहीं बचा वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड इनमें से क्या क्रिमिनल अटेंप्ट का एक एग्जाम्पल माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका क्रिमिनल अटेम्प्ट यहां पे माना जाएगा देखो यहां पे भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है ठीक है 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 यहां पे अटेम्प्ट नहीं हुआ है क्योंकि ए जो है, वो मुंबई गया डाय खरीदने के लिए ठीक है करेंसी नोट्स बनाने के लिए अभी उसने करेंसी नोट्स बनाए नहीं है ठीक है ए अपना खुद का छाता लेके चला गया किसी और का समझ के ये तो स्टेटमेंट ही पागल है स्टेटमेंट में कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ठीक है ए ने बी को मारने की कोशिश की बी का कोट देख के लेकिन बी बच गया क्योंकि वो बी का कोर्ट था ठीक है बी का कोट था वो वो एक्चुअल में बी नहीं था तो ये अटेम्प्ट माना जाएगा की की, तो की की, अकम्पलिशमेंट आपका नहीं हो पाया तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर ठीक है हाँ नेक्स्ट वन ए जो है बी को मारने की कोशिश करता है जहर लेके उसने जहर परचेज किया और पानी में जो है जहर मिक्स कर दिया ठीक है उसने वेटर को यहाँ पे बी को वो ग्लास सर्व करने के लिए दिया अब जब बी के पास वो बंदा जा रहा था वेटर जा रहा था तो वो पानी का ग्लास गिर गया अरे बेसिकली भूल भुलैया वाला सीन ठीक है भूल भुलैया वाला सीन शाइनी आहूजा की चाय में विद्या बालन जहर मिलाती है लेकिन वो चाय पीने ही वाला होता है उसके पहले आके अक्षय कुमार हाथ मार देता है ठीक है तो चाय नीचे गिर जाती है तो यहां पे विद्या मालन ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है नो ऑफेंस अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड अबेटमेंट या अटेम्प्ट टू मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर भाई तुमने मारने की कोशिश की ना तुमने पूरा हंड्रेड परसेंट दिया आपने पूरा एफर्ट अपना मारा लेकिन अब वो हो नहीं पाया तो इसमें कुछ कर नहीं सकते तो अगेन वट आई एम सेइंग ऑफेंस करने की कोशिश की जाए लेकिन ना हो इसका मतलब ये नहीं है कि नो ऑफेंस आपका मान लिया जाएगा ठीक है कल्पेबल होमोसाइड भी आपका नहीं होगा और अबेटमेंट भी नहीं होगा कल्पेबल होमोसाइड क्यों नहीं है क्योंकि आपने सामने वाले की डेथ कॉज करने की कोशिश की अगर वो पॉइजन ले लेता तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इन ऑल पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज डेथ वहां पर होनी ही होनी थी यानी अच्छा खासा चांस था डेथ कॉज होने का तो इसलिए कल्पेबल होमोसाइड नहीं है इसको हम क्या मानेंगे मर्डर मानेंगे ठीक है सो गाइस विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन थैंक यू अभी तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक बने रहने के लिए दैट इज वॉट केप्ट मी गोइंग दैट इज वॉट केप्ट मी अवे फ्रॉम स्लीप और हंगर और एनी थिंग सो थैंक यू सो मच वंस अगेन वी विल बी ब्रिंगिंग मोर सेशन लाइक दिस नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइज ज्यादा टाइम नहीं बचा है लाइफ फाउंडेशन बैच आपका 12 जून से स्टार्ट हो चुका है ठीक है यू स्टिल हैव टाइम अगर आप इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो लास्ट डेट इनरोल करने के लिए ट्वेंटियथ जून है बट 20 जून तक आपको रुकने की जरूरत नहीं है 20 जून के पहले ही आप यहां पे एनरोल कर सकते हो तो प्रीलिम्स की मेंस की इंटरव्यू की तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन यहां पे आपको करवाई जा रही है अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो लाइक आई शोड यू इन द स्टार्टिंग की ये है वेबसाइट अगर आपको कोर्स एक्सेस करना है तो कोर्स की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो एंड ये रही हमारी वेबसाइट गूगल पे जाके सर्च करोगे स्टडी आई की जुडिशरी तो ये वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी एंड जो सबसे पहला कोर्स है यहाँ पे दैट इज दी लाइफ फाउंडेशन बैच ओनली ठीक है तो इस कोर्स में लाइव बैचेज आपको दिए जा रहे हैं लाइव क्लासेज है एंड देखिए लाइव क्लासेज में जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है दैट इज की मैम लाइव क्लासेज में ना फिजिकल क्लास वाली फील्ड नहीं आती ठीक है तो इन लाइव क्लासेज में आपको फिजिकल क्लास वाली फील भी आएगी बिकॉज देर इज टू वे डाउट टू वे कम्युनिकेशन जो कि इन लाइव क्लासेस में हमने मेंटेन करके यहाँ पे रखा है ठीक है आपके जो भी डाउट्स हैं आप लाइव क्लासेस में वही फैकल्टी से बात करके पूछ सकते हैं डेली जो आपकी दो लाइव क्लासेस करवाई जाएंगी उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस आपको दिए जाएंगे ठीक है उनके हैंड रिटन नोट्स क्योंकि प्रिलम्स के नोट्स मेन्स के नोट्स अलग अलग बनाए जाते हैं तो प्रिलिम्स और मेन्स के सेपरेट नोट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे ठीक है प्लस ओवर एंड अबव दैट उसके साथ साथ आपको मेंस की आंसर राइटिंग जजमेंट राइटिंग जीके की क्लासेस करेंट अफेयर्स की क्लासेस, लीगल करेंट अफेयर्स, यानी पूरी पूरी प्रिपरेशन एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स इज आपको एक सेपरेट मेंटोर यहाँ पे असाइन किया जाएगा तो उस मेंटोर से आपके जो भी डाउट्स हैं जो भी दिक्कत है जो भी इश्यूज आपको आ रहे हैं प्रिपरेशन करते में का दिखाएगा, लेकिन फोर्टी थाउजेंड का है नहीं पे आपको क्या करना है बायनो ऑप्शन पर जाना है और ऐसे एक एड प्रोमो कोड दिखेगा ठीक है एड प्रोमो कोड पर जाके आपको एक ही डिस्काउंट कोड है लगाना है दैट इज ए आर जे यानी मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर तो डिस्काउंट कोड और भी है ऑफर कोड्स और भी हैं जैसे यहाँ पे पहले से लगे हुए भी आपको दिखेंगे बट अगर आप मेरी मेंटोरिंग में मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन यूज कोड ए आर जे एंड जैसे ही ये कोड आप लगाओगे यू कैन सी फॉर योर सेल्फ ये कोड लगाते ही से ही कोर्स का प्राइस कितना हो गया चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे हो गया ठीक है तो चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे में ये क्वेश्चन ये पूरा कोर्स आपको चौबीस महीने के लिए दिया जा रहा है 24 महीने इसलिए कि 10 से 12 महीने में आपका पूरा सिलेबस यहां पे कंप्लीट करवाया जाएगा लेकिन उसके बाद भी कोर्स का एक्सेस आपके पास रहेगा ताकि जितनी लाइव क्लासेस आपकी हुई हैं आप उनको बाद में भी एक्सेस कर सकते हो ठीक है तो अगर आपको एनरोल करना है यू कैन यूज माय कोड ए आर जे व्हाइल एनरोलिंग फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट इसके साथ-साथ अगर देखो ऐसा है कि अगर आपका पेपर कोई सा एग्जाम है आपका जो कि अगले दो तीन महीने में है ठीक है आ, कोई पर्टिकुलर एग्जाम है जो कि अगले दो तीन महीने में आने वाला है तो यहीं पे वेबसाइट पे आपको स्टडी आई क्यू जुडिश्री का महापैक भी मिल जाएगा इसमें 16 स्टेट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं प्लस हर स्टेट के इंडिविजुअल स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं लेकिन ध्यान रखना इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं यानी पहले से प्री रिकॉर्ड करके लेक्चर्स डाले गए हैं लाइव क्लासेस लाइव फाउंडेशन बैच में है प्लस जो लाइव क्लासेस के बाकी फीचर्स मैंने आपको बताए डेली एमसीक्यू हैंड रिटन नोट्स लेक्चर नोट्स आ, आपकी मेंटोरिंग ये सब कुछ आपको लाइव बैच में मिलेगा बट द चॉइस योर्स अगर आप महापाक के लिए जाना चाहो आप महापाक के लिए जा सकते हो आप स्टेट वालों के लिए जाना चाहो आप स्टेट वालों के लिए जा सकते हो ठीक है या फिर आप लाइव के लिए जाना चाहो तो आप लाइव के लिए जा सकते हो बट लाइक आई सेड लाइव वुड बी बेटर क्योंकि लाइव क्लास की फील ही अलग होती है लाइव क्लास की बात ही अलग होती है ठीक है सो एनी हाउ किसी भी कोर्स के लिए आप एनरोल करो